हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया टिमजुलॉजी आज के इस पेपर सॉल्यूशन में डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है बायोडीटीएस टेन नंबर में इसमें टॉपिक इंक्लूड है एनिमल टेक्सोनोमी, एनिमल मॉर्फोलॉजी एंड एनिमल स्टोलॉजी तो अभी हम फर्स्ट सेशन में जो है वो एनिमल टेक्सोनॉमी का डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन से नाइन्टी तक और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में करेंगे नाइनटी वन टू वन जिसमें एनिमल हिस्टोलॉजी एंड एनिमल मोर्फोलॉजी क्लियर कॉकरोच प्रोक का तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द इज ए एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंड्रेड सिलेंड्रेडा का एक्सक्लूसिव फीचर आपको पहचानना है जो किसी दूसरे फाइलम में नहीं हो केवल सिलेंड्रेड्स में हो पहला दे रखा है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो सिलेंट्रेट के अलावा ये टीनोफोरा में भी होता है तो ये नहीं होगा हैव कोइनोसाइट सेल्स ये केवल पोरीफेरा में होती है <coughs> ये भी नहीं हो सकता थर्ड है प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स इन बॉडी वॉल ये केवल सिलेंट्रेटा का एक एक्सक्लूसिव एक कैरेक्टर है जो किसी दूसरे फाइलम में नीडोब्लास्ट सेल्स या दंश कोशिकाएं नहीं होती मोस्ट ऑफ देम आर रेडियल सिमेट्रिकल तो ये टीनोफोरा भी होते हैं इकाइनोड्रोमेटा भी होते हैं इसलिए कौन सा करेक्ट होगा प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स इन बॉडी वॉल ये इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ये आपके फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में स्टार्ट में दे रखा है वो आपकी बुक का फ्लो चार्ट है और इसमें या वाय एनिमेलिया फिर ए टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम फिर रेडिएटर बी बायोलेटेरिया फिर बाइलेटेरिया को क्लासिफाई किया है ए सिलोमेट सी और यू सिलोमेट मार्क ए बी एंड सी बाई प्रॉपर टेक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ए बी सी को वर्गीकरण के उचित तो वर्ग से दर्शाइए ए में क्या आना चाहिए बी में क्या आना चाहिए और सी में क्या आना चाहिए क्लियर आता तो सबसे पहले आप देख रहे हो एनिमेलिया को टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम और दूसरा कौन सा लेवल था एक सेलुलर लेवल तो एक ही जगह तो क्या आ जाएगा एक ही जगह इसमें आएगा सेल्युलर लेवल तो पहला इसमें आप देखें सेलुलर लेवल तो फर्स्ट एक ही जगह सेलुलर लेवल बी की जगह क्या आना चाहिए फिर उसके बाद टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम वाले को बांट रखा है दो में इसमें रेडिएटा और दूसरा कौन सा होता है बाइलेटेरिया तो और उसके बाद आप देखें बाईलेटेरिया को तीन में क्लासिफाई कर रखा है ए सिलोमेट फिर सी यू सिलोमेट सी की जगह क्या आना चाहिए शुडोसिलोमेट सी की जगह शुडो सिलोमेट आ जाएगा तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर ए में क्या आएगा बी में क्या है और सी में क्या है एक ही जगह सेलुलर लेवल कौन से में आ रहा है ए में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है फर्स्ट में और थर्ड में सेलुलर लेवल यहां रहा आ रहा है फिर बी में बाईलिया इसमें आ रहा है इसमें यहां साइजो सिलोमेट दे दिया गलत हो गया तो बी में यहां आ रहा है और सी शुडो सिलोमेट इसमें सी शिडो सिलोमेट इसमें बी इस गलत दे दिया थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें सही आ रहा है ए सेलुलर लेवल बी बाइलेटेरिया और सी शुडोमेट क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका कौन सा हो जाएगा थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब चले क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें देखिए एन की लाइन है ये एनसीआरटी में लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एक्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज क्या है विभिन्न प्राणी समूह में शारीरिक संगठन के स्तर विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं तो इनमें सबसे जटिल प्रकार का सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है तो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होना चाहिए इसमें तो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आ जाएगा इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल तो करेक्ट आंसर इसका ऑर्गन सिस्टम लेवल क्लियर यहां तक सबसे कॉम्प्लेक्सिटी आपको पहचाननी है कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किसमें है ऑर्गन सिस्टम लेवल में अंग तंत्र स्तर में सबसे ज्यादा जो है वो जटिलता है क्लियर अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर में इसमें आप देखें इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म फिल द ब्लैंक स्पेस विद द्विजन स्तरीय जो जंतु होते हैं उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक अविभेदित स्तर एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है तो आपने पढ़ा होगा पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के बारे में कि पोरीफेरा और सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो द्विजन स्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं और उन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में एक्टो और एंडोडर्म के बीच मीजोडर्म नहीं होकर एक अनडिफ्रेंशेड लेयर होती है वो कौन सी होती है इनमें मीजोग्लिया कौन सी लेयर होगी इनमें मीजोग्लिया होगी तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए तो मीजोग्लिया इसकी होगी तो इसमें करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा क्लियर समझ में आ रही बात अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इसमें दिया हुआ है वाटर व स्कूलर ये वाटर कैनाल सिस्टम इन स्पन्जेस स्पंज का वाटर कैनाल सिस्टम डजेंट हेल्प इन किसमें सहायक नहीं होता है तो आपके बुक में दे रखा है स्पंज में वाटर कैनाल सिस्टम की प्रेजेंस पाया जाना इनका विशिष्ट लक्षण है इनका स्पेसिफिक फीचर है और वो किसमें हेल्प कर दे फूड गैदरिंग में भोजन को इकट्ठा करने में इसके अलावा गैसेज एक्सचेंज में भी पार्टिसिपेट करता है उनके एक्सक्रिटिव प्रोडक्ट को रिमूव करने में इनको बाहर निकालने में हेल्प करता है तो कौन से काम में नहीं आता तो ये सारे तो ऑप्शन सही है इसके लिए फूड गैदरिंग करता है रेस्पायरेटरी एक्सचेंज भी करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्केलेटन पोरी फेरा में या स्पंज में हाइड्रोस्केलेटन जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं करता

क्वेश्चन नंबर इज़ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबाउट स्पेसिमेन ये एक स्पेसिमेन दिया हुआ है उपरोक्त तो के संबंध में कौन सा कथन सही है तो ये डायग्राम देख के आपके समझ में आ रहा होगा किसका डायग्राम है पोरीफेरा में का पोरी स्पोंजिला है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑर्गेन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता फ्रेश वाटर ऑर्गेन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा फ्रेश वाटर स्पंज ये सही है इसके लिए और आर सेपरेट बाई होते हैं सेपरेट भी नहीं होते और हैव अ गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी गैस्ट्रो है कैरेक्टर है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का होना जठर संवैनिक वह सिलेंट्रेड में होती है पोरीफेरा में नहीं होती और ये किसका एग्जाम्पल है ये पोरीफेरा है तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेश वाटर स्पंज जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन क्लियर? बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें क्वेश्चन नंबर सेवन में दे रखा है के हेलमेंथिस इज डिफर फ्रॉम प्लेटी हेलमेंथिस इन हैविंग एस के हेलमेंथिस जो है वो प्लेटी हेलमेंथिस से किस चीज में भिन्न है इसमें साथ में ये बताना है देखिए ध्यान रखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है इसमें डिफर फ्रॉम इन प्लेटियल है बतानी है आइडेंटिफाई करके जो एसकेल में है प्लेटियल नहीं है क्लियर तक स्पेशल कौन सी चीज इसमें एसकेल्थिस में है? तो आप देखें पहला डिप्लो प्लास्टिक बॉडी और उसके बाद दे रखा है डिप्लो प्लास्टिक बॉडी दोनों में ही नहीं होती तो ये नहीं आएगा उसके बाद आप देखें मिजोडर एज स्केटर्ड पाउच ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एस के एलिमेंथिस शुडोसिलोमेट है और प्लेटी एलिमेंथिस ए है तो ये शुडोसिलोमेट है इसका मतलब शुडोसिलोमेट होते हैं वहाँ मीजोडर्म किस रूप में होती है वो स्केटेड पाउच के रूप में बिखरे हुए पाउच के रूप में होती है तो ये विजन स्तरीय नहीं होता बिखरे हुए पाउच के रूप में इसमें मीजोडर्म होती है हुक और चूस का पाया जाना हुक एंड सेकर्स प्लेटी का गुण है पुनरुद्वन क्षमता भी प्लेटियल मिंथिस में है तो करेक्ट एसकेल मिंथिस के लिए क्या हो जाएगा सेकंड जो है वो एसकेल मिंथिस के लिए करेक्ट हो जाएगा तो मीजोडर्म पाउच की फॉर्म में होती है क्लियर तो ये सेकंड आंसर हो जाएगा इसका इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर एट इसमें वी हैव फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें असत्य को पहचानिए यहाँ पहला ऑप्शन है इन शुडोसिलोम बॉडी कैविटी डजेंट लाइंड बाई मिजोडोम शुडोसिलोम में बॉडी कैविटी मिजोडोम से लाइंड होती है गलत है उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है एसकेल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का आर यूसिलोमेट तो इसमें सही है या गलत है एसकेल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का आर ट ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया किसके कारण एस के कारण क्योंकि तो एस में एलमिंथिस इनमें यूसीलोमेट नहीं होके शुडोसिलोमेट होती है तो ये यहां शुडोसिलोमेट है क्लियर यहां तक तो है वो एलमिंथिसोमेट है एनेलिडा आर्थ्रोपोडाइंड मोलोज का यह यूसिलोमेट है तो गलत किसके कारण हो गया ये ये इनके अंदर एस के कारण रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया

इसमें दिया हुआ है डिप्लोब्लास्टिक, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यूसिलोमेट एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन फाउंड इन। स्तरीय पूर्ण आहार नाल गुहे और विखंडी खंडी भवन का पाया जाना किसका विशिष्ट लक्षण है इनमें से ओबेलिया में नहीं होता क्योंकि ये सिलेंट्रेट है प्लेनेरिया प्लेटी होते हैं उनमें कंप्लीट एलिमेंट्री के नाल नहीं होती उसके बाद कॉकरोच कॉकरोच में खंडी भवन भी है मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी है और उसके साथ साथ पूर्ण आहार नाल भी है और त्रिजन स्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है स्टारफिश स्टारफिश के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ तक सही है लेकिन मेटामेरिक सेगमेंटेशन स्टारफिश में नहीं होता क्योंकि ये इकाइनो का मेंबर है तो क्या आ जाएगा ये कॉकरोच आ जाएगा क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा है जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक भी होती है और ट्रिप्लो प्लास्टिक भी होते है. okay. हैं क्लियर ओके अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर टेन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम इन विच ब्लड इज पम्पड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथड इन इट दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन है नहीं किसकी बात कर रहे हैं यहाँ ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र या ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम किन जंतुओं में पाया जाता है तो इनमें आप देखें पहला ऑप्शन आर्थ्रोपोडा मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा तीनों में पाया जाता है तो ये तीनों के अंदर जो है वो इसमें पाया जाएगा आर्थ्रोपोडा में भी होता है मोलस्का में भी और इकाइनोडर्मेटा में भी और इसके बाद दूसरे में एनेलिडा दे रखा है तीसरे में एनेलिडा दे रखा है एनेलिडा और कोडेटा में कैसा होता है बंद परिसंशन तंत्र होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो इनमें तो एनेलिडा दे दिया इसलिए गलत हो गया इसमें एनेलिडा दे दिया इसलिए गलत हो गया यहाँ कोरडेटा दे दिया इसलिए गलत हो गया तो किन में पाया जाता था खुला प्रकार का रक्त परिसंसण तंत्र इनमें फर्स्ट में हो जाएगा आर्थ्रोपोडा मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा इन तीनों में खुले प्रकार का रक्त परिसंक्षण तंत्र होता है क्लियर यहां तक ये फर्स्ट हो गया इसका आंसर इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर इलेवन इसमें आप देखें सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच फाइलम इज इन करेक्टली मैच कैरेक्टर उस फाइलम को पहचानना है जिसमें उसके कैरेक्टर के साथ उसको इनकरेक्टली मैच कर रखा है जो सही मैच नहीं कर रहा है पहला प्लेटियलमें एक्सक्रीशन एंड स्मो रेगुलेशन बाई फ्लेम सेल्स सही कैरेक्टर है उत्सर्जन और प्राशरण नियम के लिए ज्वाला कोशिकाओं का पाया जाना करेक्ट है ये भी सही है इसमें इनकरेक्टली पूछा है तो इनकरेक्टली पूछा नेगेटिव अप्रोच का इकाइनोड्रोमेटा वाटर वर्कुलर सिस्टम यह भी सही है सिलेंड्रेड बायोल्यूम प्रोपर्टी ये इसके लिए गलत हो गया क्यों क्योंकि सिलेंटेटा का गुण नहीं है ये बायोलूमिनिशंस का पाया जाना ये टीनोफोरा का लक्षण है क्लियर इसलिए गलत हो गया ये बायोलूम के कारण क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसमें आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डायग्राम गिवन बिलो ये इसमें डायग्राम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन दे रखा है समझ लो बात को ये डायग्राम आप समझ सकते हो किसका डायग्राम है तो ये आप देख रहे हो एनेलिडा का डायग्राम है और एनेलिडा में नीरीज है ये डायग्राम से आपके समझ में आ गया होगा कि ये एनेलिडा में नीरीज का डायग्राम है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसमें पूछा है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पॉजेस लैटरल अपेजेस पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या नीरीज है एनलीडा है तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो पहला गलत हो गया सेकंड है पॉजिज लेटरल अपेंडिजिज पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग एक्वेटिक होता है जेली होते हैं नीरीज इसलिए इनमें पैरापोडिया जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं सेकंड सही है नेफ्रीडिया हेल्प इन रेस्पिरेशन नेफ्रीडिया श्वसन में सहायक है ये गलत है नेफ्रीडिया किस में सहायक होते हैं इनके का काम होता है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन में सहायक होते हैं क्लियर उसके बाद टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ ये भी नहीं होती टेरेस्ट्रियल नहीं होता तो ये इसके गलत हो गए कौन सा सही हो जाएगा इसके लिए सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन में आप देखें सिंपल सा क्वेश्चन है आप समझ रहे हो इसको पिक आउट वन इनमें से विषम को पहचानना आपको जो सबसे अलग है तो फाइसेलिया सिलेंटेटा है पिनेटूला सिलेंडेडा प्लूरो प्लूरोब्रेंकिया क्या इनमें प्लूरोब्रेंकिया जो है वो इसमें टीनोप लेना है ये टीनोफोरा -ですね, है ये टीनोफोरा है बाकी सारे सिलेंडेड है ये भी सिलेंडेड है तो फाइसेलिया पिनैटुला एडमसिया सिलेंटेड है प्लुरोब्रेंकिया है तीनों फोरा है इसलिए ये सबसे अलग हो गया इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन डायग्राम दिए गए चित्र में से के लिए आपको गलत को पहचानना है रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है इसके लिए है। किसका डायग्राम है फैशियोला लीवर फ्लूक का डायग्राम है ये तो ये इनके अंदर जो है वो आप देख रहे हैं लीवर फ्लूक या फेशियोला का डायग्राम है अब आपको इसमें गलत पहचानना है क्या होगा एक्टोपेरासाइट इन वर्टिब्रेट ये सॉरी एंडोपेरासाइट इन वर्टिब्रेट्स सही है एक्सक्रीशन थ्रो फ्लेम सेल्स प्लेटियल में एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स होता है ये भी सही है इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी सही है डायरेक्ट डेवलपमेंट गलत है क्या होता है इनमें फेस्यूलाइपेटिका जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें कई तरह के लार्वा बनते हैं जिनके अंदर ओंकोस्पियर इसमें मेरे लार्वासिस्ट लार्वा लार्वा रेडिया सर्करिया मेटा सर्केरिया ये कई तरह के इसमें लार्वा बनते हैं फोर्थ ऑप्शन इसके लिए इनकरेक्ट हो गया बाकी सारे सही है ठीक है उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में दे रखा है ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड तो ऑर्गेन लेवल का या अंग स्तर का शारीरिक संगठन किन जंतुओं में पाया जाता है तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एनिमल में अंग स्तर का शारीरिक संगठन है तो यह आपने पढ़ा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि ऑर्गेन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस में होता है प्लेटी एलमेंथीज में होता है तो प्लेटी एलमेंथीज का एग्जाम्पल आप इसमें से आइडेंटिफाई कर लो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इनमें आप देखो टीनोप्लेना यूसपोजिया टीनिया एडम्सिया तो कौन सा है प्लेटी जो है वो इसमें करेक्ट कौन सा है जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि प्लेटी जाएगा। है है ठीक तक और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप देखें क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल स्टुडोसिलोमेट एनिमल्स ये सभी शुडोसिलोमेट एनिमल्स आपको आइडेंटिफाई करना है तो इसका मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हो क्वेश्चन से सभी कूट गुहे जंतुओं के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए आपको कूट गुहे या शुडोसिलोमैट पहचानना है इसका मतलब शुडोसिलोमैट कौन से होते हैं एसके होते हैं तो करेक्ट ऑप्शन वही आ जाएगा जो एसके के मेंबर हो तो एसके के मेंबर वाले इसमें एस्केरिस फैशुला डिजेशिया ये नहीं है तो कौन से में थर्ड में एस्केरिसरिया एंड साइलोस्टोमा क्लियर तक ये सारे ही एस्कलमेंटीज है जो शुडोसिलोमेट होते हैं क्लियर उसके बाद आगे नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेवनटीन में दे रखा है स्पॉन्जिला एंड यू स्पोन्जिया आर द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा दोनों पोरीफेरा फाइलम के मेंबर है बियरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इनमें दोनों में कौन सा कैरेक्टर होगा दे वाटर कैनाल सिस्टम सही है वाटर कैनाल सिस्टम होगा इसके बाद नेक्स्ट तो पहला तो इसका हो गया वाटर कैनाल सिस्टम की प्रेजेंस दोनों में होंगे उसके बाद दे हैव बायोल्युमिशेंस प्रॉपर्टी, बायोल्युमिशंस है वो टीनोफोरा का गुण है ये इसमें नहीं होगी टीनोफोरा का गुण है ये हर्मेफ्रोडाइड विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे है ये हर्मेफ्रोडाइट द्विलिंगी है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये भी इसके लिए करेक्ट है तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड थ्री क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो सेवनटीन का हो जाएगा थर्ड आंसर सॉरी फोर्थ आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड थ्री उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एटीन एटीन नंबर क्वेश्चन में है

क्या है एसकेलमिंथिस आपको आइडेंटिफाई करना है एग्जाम्पल किसका एस का तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा एनसाइलोस्टोमा समझ लो भी इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए एनसाइलोस्टोमा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि एस केलमिंथिस का जो मेंबर है इनमें वो है एनसाइलोस्टोमा क्लियर बाकी सारे क्या है ये एनएलिडा ये एनएलिडा और ये प्लेटियल एलमिंथीज है तो दूसरा करेक्ट आंसर जो है वो हो गया इसका इंसाइलोस्टोमा, ठीक है उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 19। 19 में आप देखें मेंबर्स ऑफ़ एग्जिबिट में संघ के जंतु कौन से लक्षण को दर्शाते हैं तो एसके संघ के सदस्य दर्शाते हैं इन में आप देखें हरमे फ्रोडाइटिज्म हरमे फ्रोडाइटिज्म का मतलब क्या होता है द्विलैंगिकता द्विलिंगी होते हैं क्या स्केल नहीं होते तो ये द्विलैंगिकता तो पहला इसमें दिया हुआ है द्विलैंगिकता तो द्विलैंगिकता नहीं होती सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म ये पाई जाती है स्केल में ऑटोटोमी स्वांगोछेदन ये भी नहीं होता ये होता है इकाइनोडमेटा

जिसमें नर जो है वो मादा से छोटे होते हैं आकार में और पूछ इनकी मुड़ी हुई होती है कर्व्ड टेल होती है इसलिए इसको कहते हैं लैंगिक विरूपता क्लियर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मिलान करना है इसमें क्या दे रखे हैं कॉमन नेम दे रखे हैं एनिमल्स के उनके अकॉर्डिंग इसको मिलान करना है ठीक है तो पहला यूसपोन्जिया यू का कॉमन नेम होता है बाथ स्पंज तो पहले में यूसपोंजिया तो कॉमन नेम जो है वो यूसपौजिया का बाथ स्पंज हो जाएगा तो यूसपौजिया में कॉमन नेम बाथ स्पंज तो ये इसके हिसाब से जो है वो क्या आ जाएगा इसके साथ सी मड्रीना ब्रेन कोरल बी आ जाएगा फाइसेलिया इसका कॉमन नेम पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा और स्पॉन्जिला का कॉमन नेम फ्रेश वाटर रिस्पॉन्स तो मैचिंग कराओगे तो क्या है? यू थर्ड ऑप्शन तो सी बी डी ए क्लियर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ हेमिकोडेट हेमिकोडेटा का विभेदित लक्षण कौन सा होगा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर बताना आपको जो दूसरों से इसको विभेदित करता है ऐसा कौन सा लक्षण है तो हेमिकोडेटा का विभेदित लक्षण पहला ऑप्शन बॉडी डिफ्रेंशिएट इन टू हेड एंड ट्रंक शरीर धड़ और सिर में बटा होता है नहीं होता है. क्या होते हैं शरीर में तीन भाग होते हैं प्रोबोसिसंक तो यह नहीं होगा उसके बाद है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हेमिकोडेटा में ओपन होता है तो यह भी गलत हो गया एक्सक्रीशन थ्रो प्रोबोसिस ग्लैंड ये सही है द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है और शुडोसिलोम प्रेजेंट कूटगुहा जो है वो इनमें उपस्थित होती है तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो इसका कौन सा हो जाएगा थर्ड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सक्रीशन थ्रो प्रोबोसिस ग्लैंड क्लियर तो ये 21 में करेक्ट आंसर थर्ड हो गया उसके बाद 22, 22 में आप देखें इसमें दिया हुआ है मोस्ट ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडम्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम विच डजेंट हेल्प इन इकाइनोडर्मेटा के अंदर जल संवहन तंत्र का पाया जाना इसका विशिष्ट लक्षण है जो निम्न में से कौन से कार्य में सहायक नहीं है तो कौन सा कार्य नहीं करता है लोकोमोशन करता है कैप्चर ऑफ फूड भी करता है रेस्पायरेशन करने में भी हेल्प करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इसमें भाग नहीं लेता क्लियर आता तो ब्लड सर्कुलेशन से इसका कोई रोल नहीं होता वाटर वर्कुलर सिस्टम का बाकी सब में साय है सर्कुलेशन जो है वो नहीं करता ब्लड का तो स्वता आंसर इसका सही हो जाएगा क्लियर अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में फाइसेलिया एंड पेनेटूला आर सिमिलर टू प्लेनेरिया एंड फेशोला इन विच वन ऑफ द फॉलोविंग फीचर्स किसमें ये इनके सिमिलर है यानी अब आप यहाँ देखें दो चीजें दे रखी है दो फाइलम की मैचिंग आ गई यहां बात करें दो फाइलम की मैचिंग की बात हो रही है यहां तो इसमें आप देखें अब इसमें आप क्वेश्चन को समझ लें पहले फाइसेलिया एंड पेनेटूला ये एक फ़ाइलमस सिलेंटेटा आर सिमिलर टू प्लेनेरिया एंड फेशियोला इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर यानी ये दोनों प्लेनेरिया और फेशियोला प्लेटी एलिमेंट एलिमें और फाइसेलिया और पेनेटूला ये दोनों सिलेंटेट है क्लियर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर किसमें यह दोनों सिमिलर है दे हैव डोरसल नर्व कोड डोरसल नर्व कोड किसी इन्वर्टिव में नहीं होती कोरडेटा का लक्षण है दे हैव नीडो ब्लास्ट सेल्स ये भी केवल इनमें पाई जाती है इसमें नहीं होती ये भी गलत हो गया दे आर शुडोसिलोमेट एनिमल्स ये भी गलत हो गया शुडोसिलोमेट भी नहीं होते और ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान ये केवल इनमें यह सही करे कैरेक्टर है ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है जिसमें केवल एक ही ओपनिंग के थ्रू इसकी बॉडी केविटी बाहर खुलती है इनकी एलिमेंट्री के नाल एक के द्वारा बाहर खुलती है इसलिए ब्लाइंड से टाइप का बॉडी प्लान होगा तो सिमिलर जो है वो इसमें क्या हो गया फोर्थ सिमिलर है बाकी सिमिलर नहीं है क्लियर इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में इनके अंदर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मेस्ड विद इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें से कौन से जंतु का रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो उसके साथ सही मिलान किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने स्वसन के साथ सही से मिलाया गया है तो इनके अंदर आप देखिए टीनिया फ्लेम सेल्स गलत है ये इसका टीनिया का एक्सक्रिटरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है लिम्यूलस बुकगिल्स ये सही है आर्थ्रोपोडा का सदस्य है आर्थ्रोपोडा में आपको दिखाना बुक गिल्स होते हैं बुक लंग्स होते हैं और ट्रेकिया होते हैं ये उनके रेस्पिरेटरी है तो आर्थ्रोपोडा में के अंदर बुक गिल्स का पाया जाना ये करेक्ट है अर्थफॉर्म में गिल्स गलत है अर्थफॉर्म नम त्वचा द्वारा मोस्ट स्किन द्वारा रेस्पाइरेशन करता है सीपिया ट्रेकिल सिस्टम ये भी गलत है सीपिया मोलस का है जिसमें गिल्स या टीनिडिया के द्वारा रेस्पायरेशन होते हैं क्लियर तो ये भी गलत है सही कौन सा हो गया लिम्यूल के अंदर बुक गिल्स स्वसन के रूप में पाया जाना ये करेक्ट है इसका तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव तो क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव में इनके अंदर जो है वो दे रखा है क्वेश्चन में सीधे वो डायग्राम इट्स प्रेजेंस इज द डिस्टिंगटिव फीचर ऑफ निडेरिया सिलेंड्रेट्स का या निडेरिया का ये डिस्टिंक्टिव फीचर है ये तो डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ निडेरिया इट डज नॉट यूज फॉर किस काम में सहायक नहीं होती है तो आप समझ सकते हो भाई ये किसका डायग्राम है ये डायग्राम है नीडोब्लास्ट सेल का ये नीडोब्लास्ट सेल का डायग्राम है तो स्ट सेल या दंस कोशिका का कार्य है कौन सा नहीं है वो देखना आपको एंट्रेज के रूप में काम करती है डाइजेशन ऑफ फूड फूड के डाइजेशन में कोई रोल है क्या फूड डाइजेशन करने में कोई रोल इसका नहीं होता है डिफेंस में सहायक होती है सुरक्षा करती है इनकी कैप्चर द प्रे प्रे को पकड़ने में भी सहायक है डिफेंस में सहायक है एंट्रेज में सहायक है फूड के डाइजेशन में नीडो का कोई रोल नहीं होता तो सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा पूछा इसमें नेगेटिव पूछी है नॉट यूज किसमें काम नहीं आती तो किसमें काम नहीं आती फूड के डाइजेशन में काम नहीं आती क्लियर उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में इसमें दिया हुआ है विच इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू निडेरियंस निडेरियंस या सिलेंट्रेडा के संबंध में कौन सा कथन गलत है तो असत्य कथन या इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें पहचानना है पहला दे रखा है औरलिया परफॉर्म मेटाजेनेसिस इन लाइफ साइकिल अब आप यहां समझ रहे होंगे औरलिया जो है इसमें दे रखा है औरलिया परफॉर्म मेटाजेनेसिस इन लाइफ साइकिल औरलिया में कभी मेटाजेनेसिस नहीं होता हमेशा कौन सी स्टेज में होती है मेडुसा स्टेज के अंदर ही ये पाया जाता है इसलिए ये क्या हो गया गलत हो गया इनकरेक्ट पूछा ना विद रेफरेंस टू इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट पूछा है उसके हिसाब से और जो है उसमें मेटाजेनेसिस का पाया जाना इनकरेक्ट है बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटर सेलुलर डाइजेशन ये सही है ये गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग सही है निडेरियंस में कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन भी पाया जाता है कुछ कोरल्स में ये भी सही है तो कौन सा हो गया

कॉलम में पिंकटाडा, डेंटेलियम इकाइनस ऑफियूरा तो पिंकटाडा का कॉमन नेम क्या होता है पिंकटाडा होता है पर्लोएस्टर तो पिंकटाडा का कॉमन नेम पर्लोएस्टर सी डेंटेलियम का कॉमन नेम टस्क सेल हाथी दांत कवच होता है ए आ जाएगा इकाइनस का कॉमन नेम सी अर्चिन समुद्री अर्चिन डी आ जाएगा ऑफी का कॉमन नेम ब्रिटिल स्टार बी आ जाएगा अब आप देख सकते हो मिलान में फर्स्ट सी फिर सी ए सी ए डी बी तो सी ए डी बी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका सी ए बी डी उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट में फेरेटीमा इकाइनस कुकुमेरिया कॉकरोच बेलेनोग्लोसिस टीनोप्लेना हाउ मेनी एनिमल्स परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें दो शर्तें दे रखी है एनिमल सिक्स दे रखे हैं कौन कौन से फेरेटीमा और उसके बाद दूसरा इसमें फेरेटीमा इकाइनस, एंड अब इनमें क्या है? दो कंडीशन एक तो external fertilization होता हो और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी होता हो तो ऐसे कौन कौन से एनिमल होते हैं इकाइनोड्रोमेटा में होता है टीनोफोरा में होता है इनके अंदर इकाइनोड्रोमेटा टीनोफोरा और हेमिकोडा इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है और उसके साथ साथ ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो करते हैं तो इसका मतलब इकाइनोड्रोमेटा का मेंबर। में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ये हो गया कुकुमेरिया हैक्रोच में नहीं होता है बेलेनो गोसमोडेटा है टीनोप्लेना टीनोफोरा तो ये चार हो गए इकाइनस कुकुमेरिया बेलेनो ग्लोस टीनोप्लेना करेक्ट आंसर क्या ना चाहिए इसका सेकेंड आ जाएगा हो गए इसके इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में इसमें आप देखें अंब्रेला सेफ्ड एंड फ्री स्विमिंग निडेरिया इज छत्राकार शरीर हो और फ्री स्विमिंग स्वतंत्र प्लावी ऐसे निडेरिया जंतु या सिलेंडेडा जंतु में कौन सा एग्जाम्पल है रिलिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सीधा सीधा आपके सामने है और रिलिया जो है वो ऐसे हैं जो चित्राकर शरीर भी है यानी मेडूसा स्टेज में होते हैं हमेशा ये फ्री स्विमिंग क्लियर तो ये करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा इसका इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी में वर्म लाइक बॉडी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम

ऑक्टोपस मोलस्का हेमिकोडेटा का तो करेक्ट बेलेनोग्लोसिस जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में इसमें आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मेस्ट इनमें से कौन सा युग्म सही मिलाया गया है इनमें फ्लेम सेल्स टीनिया फेशोला सही है एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है इसमें टीनिया के तो टीनिया और फेशियोला के एक्सक्रीटरी ऑर्गेन फ्लेम सेल्स होती है तो ये पहला सही है ग्लैंड बेलेनोग्लोसिस नहीं होती केबरग्लैंड जो है वो मोलस्का की उत्सर्जी अंग है जो बेलेनोग्लोसिस सेमी इसमें नहीं पाया जाता है क्लियर तो ये गलत है मेटाजेनेसिस ओवेलिया में पाई जाती है ये सही है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एपिस पाइला लेसिफर तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से फ़ाइलम में होता है आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में यहां आप देख रहे हो तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं एपिस आर्थ्रोपोडा है पायला मोलस्का है लेसिफर इसका मतलब खुला परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है तो ये भी सही हो गया अपने आप में तो इनकरेक्ट केवल बी है बाकी ए सी डी तो ए सी डी सही है थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अब इसके बाद इनमें जो है वो थर्ड ऑप्शन हो गया ए सी और डी सही है बाकी बी गलत है इसके लिए क्लियर अब इसमें नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी टू में दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड इट्स फिनोमिना दैट दे एग्जिबिट इसके मैचिंग पेयर जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से में एक करेक्ट मैच कर रहा है इकाइनस मेटामेरिज्म नहीं होता है मेटामेरिज्म किसका लक्षण है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का इकाइनस इकाइनोडोमेटा ये गलत हो गया एस्केरिस सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है एस्केरिस में ध्यान भी आपको मेल और फीमेल को आप एक्सटर्नल फीचर्स के बेस पर ही आप देखते ही पहचान सकते हो ये मेल है ये फीमेल है तो इनमें सेक्सुअल डाइमोरफिज्म होती है एस्टेरियस वाटर कैनाल सिस्टम ये भी गलत है वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है वाटर कैनाल सिस्टम का होना पोरी का कैरेक्टर है क्लियर तो ये वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है नीरीज शुडोसिलोमेट शुडोसिलोम किसमें होता है? शिडोसिलोम होते हैं इसके एस्किल्स में एंड नीरीज क्या है ये एनेलिडा -E का मेम्बर है इसलिए इसमें क्या होती है वास्तविक सिलोम होती है साइजोसिलोम क्लियर तो ये भी इनकरेक्ट हो गया तो करेक्ट कौन सा है करेक्ट जो मैचिंग है वो एस्केरिस की है कि इनमें सेक्सुअल डायमोर्फिज या लैंगिक विरूपता पाई जाती है क्लियर समझ में आया अब इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है सेलेक्ट ए करेक्ट combination ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट arthropods तो आपके आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर के लास्ट में जो है वो सारे दे रखे हैं आपके कि ग्रिगेरियस पेस्ट कौन से आर्थ्रोपोड है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट कौन से आर्थ्रोपोड है और वेक्टर डिजीज के वेक्टर कौन से आर्थ्रोपोड्स है तो इनमें सेलेक्ट एड करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट आर्थरोपोर्ट्स इनमें से इकोनॉमिक इंपोर्टेंट आर्थरोपोर्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं तो कौन से होते हैं एपिस बॉम्बिक्स और लेसिफर एपिस मधुमक्खी होती है वैक्स और हनी प्रोडक्शन के लिए बॉम्बिक्स रेशम कीट होता है रेशम प्रोडक्शन के लिए लेसिफर ये लाख प्रोडक्शन के लिए होता है तो ये तीनों ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है बाकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट सारे नहीं है ठीक है तो ये कौन सा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर हाँ तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहा ऑब्जर्व्ड एन एनिमल एज एंटेरोसिलोमेट विद ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दिस एनिमल में यह है, कौन सा जंतु हो सकता है जिसमें क्या सकते बताइए अब इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो बता रखे हैं वो क्या क्या है स्नेहा ऑब्जेक्ट एंड एनिमल एज ट्रिप्लो है एंटेरोसिलोमेट है विद ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम तो सबसे पहली बात तो ट्रिप्लो प्लास्टिक प्लेटी से स्टार्ट हो गए और उसके बाद हम देखें एंटेरोसिलोमेट तो ये कौन कौन से फाइलम है एंटेरोलोमेट में इकाइनोडमेटा हेमिकोडेटा और कोडेटा ये आएंगे इसका मतलब इन तीन फाइलम में से रहेगा एंटेरोमेट है तो इन तीन में से पॉसिबल है फिर इसमें देखा भी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम अब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनमें कौन से के अंदर हो सकता है या तो इकाइनोडोमेटा हो या फिर इसमें जो है वो हेमिकोडेटा हो तो इसके अंदर एग्जाम्पल आप देखें या दे रखा आर्थ्रोपोडा फिर एनेलिड मोलस्का एंड हेमिकोडेटा कौन सा होगा करेक्ट आंसर इसके हिसाब से हेमिकोडेटा हो जाएगा समझ गए क्यों एंटेरोसिलोमेट भी है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम भी और ट्रिप्लोप्लास्टिक भी है क्लियर नेक्स्ट इसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है इसमें दिया हुआ एक डायग्राम विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अबो एनिमल दिए गए उपरोक्त जंतु के बारे में कौन सा सही है करेक्ट बताना है अब आप इसमें देख सकते हैं पहले तो देखो आप एनिमल कौन सा है तो एनिमल कौन सा है ये है लीच, हिरुडीन एरिया या लीच ये एनिमल है इसके बारे में आपको ये देखना करेक्ट स्टेटमेंट क्या है तो करेक्ट स्टेटमेंट देखने के लिए बॉडी ओनली सुपरफिशियली सेगमेंटेड सुपरफिशियली नहीं है क्योंकि एनेलिडा का मेंबर है तो एनेलिडा का मेंबर है इसका मतलब क्या है मेटामेरिकली सेगमेंटेशन है इसलिए ये नहीं हो सकता तो ये वैसे ही गलत हो गया उसके बाद आप देखें एक्टोपैरासाइड एंड ब्लड सकिंग एनिमल बाह्य परजीवी भी, भी है और उसके साथ साथ ब्लड सक करने वाला या रुधिर चूसने वाला जंतु भी है तो ये करेक्ट हो गया इसके लिए इट पॉजिज लेटरल लेटरल इसमें नहीं पाए जाते दोनों एंड पर शकरस होंगे लेटरल अपेंडेजिस जो होते हैं वो नीरीज का कैरेक्टर है तो ये इसमें नहीं होंगे ये भी इनकरेक्ट हो गया सिलोम डजेंट लाइंड बाई मीजोडर्म मीजोडर्म से लाइंड नहीं होने का मतलब होती है वो में होती है एनेलिडा में नहीं होती ये मेंबर है एनेलिडा का इसलिए करेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए ये भी नहीं होगा तो करेक्ट होगा इसका सेकंड ऑप्शन एक्टोपेरासाइट एंड ब्लड सकिंग एनिमल्स क्लियर तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में आप देखें इसमें दिया हुआ है एनिमल विच सोज विफरेंट टाइप ऑफ सीमेट्री इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ सच एज लार्वा एंड एडल्ट आर रिलेटेड टू ऐसा कौन सा फाइलम है में? जिसकी लार्वा में और एडल्ट में डिफरेंट डिफरेंट सीमेट्री होती हो ऐसा आपको ध्यान है एनिमल किंगडम में केवल एक ही फाइलम है इकाइनो डरमेटा जिसके लार्वा बाइलेट्रल सीमेट्रिकल और एडल्ट रेडियल सीमेट्रिकल होते हैं क्लियर इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए इकाई जो है वो उसके लिए करेक्ट आंसर होगा तो ये इकाई हो जाएगा जिसमें लार्वा बाइलेट्रल और एडल्ट रेडियल सिमेट्रिकल होगा क्लियर तो ये इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो गया ठीक है अब आप देखें बेटा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन तो थर्टी सेवन नंबर में इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स विच हैव नीडोब्लास्ट सेल्स ऐसे जंतुओं का समूह देखना है जिसमें सभी जंतुओं में नीडोब्लास्ट सेल्स या दंश कोशिकाएं पाई जाती है इसका मतलब कौन से होते हैं नीडोब्लास्ट सेल वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कौन से हैं निडेरिया या सिलेंटेटा। तो निडेरिया या सिलेंटेटा के एग्जाम्पल जितने भी हैं वो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं तो कौन से है? पहला फाइसेलिया निडेरिया है एडम्सिया निडेरिया है गोरगोनिया निडेरिया है तो तीनों ही निडेरिया के हैं तो करेक्ट आंसर ही हो गया वैसे देखे दो दूसरों में अगर आप देखें तो इसमें ये दोनों जो है वो नहीं होंगे इसमें फेशियोलार ये नहीं होंगे गए तो इसमें फेशियोला नहीं होगा और इनके अंदर तीनों प्लेनर प्लूरोन क्या दोनों नहीं होंगे तो क्या है? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें सारे ही क्या है सिलेंटेटा या निडेरिया के मेंबर है क्लियर समझ में आ रहे अब इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी एट तो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इसमें दिया हुआ सम ऑफ द निडेरियन लाइक कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज ऑफ कुछ निडेरिया जंतु जैसे कोरल में कंकाल बना होता है तो कोरल में कंकाल जो बना होता है स्केलेटन जो बना होता है वो कैलकेरियस स्केलेटन होता है जो किससे बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कंकाल होता है इनमें तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ये थर्ड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट क्लियर तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट क्लियर तो ये थर्टी एट हो गया उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इसमें देखें आप ऑल आर करेक्ट विद रेफरेंस टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन सभी सही है ऑल आर करेक्ट विद रेफरेंस टू रेस्पायरेटरी ऑर्गेन ऑफ एनिमल्स ऑन बिलो एक्सेप्ट यानी ये सबसे पहली चीज हो गई इसके लिए आपको एनिमल को आइडेंटिफाई करना है कौन से फाइलम का है कौन सा एनिमल है तो कौन सा एनिमल है ऑक्टोपस मोलस का फाइलम से रिलेटेड तो ये ऑक्टोपस एनिमल है और कौन से फाइलम से है मोलस्का फाइलम का एनिमल है अब इसमें आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गेन से रिलेटेड जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है सोन बिलो एक्सेप्ट कौन सी चीज इसके लिए नहीं है फ़ेदर लाइक गिल्स होते हैं करेक्ट है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसके लिए प्रेजेंट इन विश्रलम्प ये इनकरेक्ट हो गया है क्योंकि फेदर लाइक गिल्स जो मोलस्का में होती है वो विसरल हम्प में या अंतरांग कूद में उपस्थित नहीं होती कहाँ पाई जाती है मेंटल कैविटी में होती है जो विसरल हम्प और मेंटल के बीच होती है तो मेंटल और विसरल हम्प के बीच की जो मेंटल कैविटी है उसके अंदर पाई जाती है इसलिए ये गलत हो गया क्लियर हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन तो ये रेस्पायरेशन में भी हेल्प करती है और एक्सक्रीशन में भी ये गिल्स जो है वो हेल्प करते हैं एनसीआरटी में दे रखा है आपके

नहीं होती क्लियर यहां तक तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर समझ में आ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ठीक है अब इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड सकिंग इनवर्टिब्रेट विद डेफिनेट नंबर ऑफ सेगमेंट निम्न में से कौन सा जंतु कौन सा रुधिर चूसने वाला जंतु निश्चित संख्या के युक्त होता है ब्लड सकिंग करता हो, होता हो और उसके साथ, साथ खंडों की संख्या निश्चित होती है हो, और सेगमेंट जो है वो फिक्स होते हो तो कौन सा होता है हिरुडिन एरिया होता है जिसमें नंबर ऑफ सेगमेंट थर्टी थ्री फिक्स होते हैं दोनों एंड पर सकर होते हैं और उसके साथ साथ ब्लड सकिंग करने वाले सेंग्वी बोरस से एनिमल्स होते हैं रुधिरा आरि जंतु होते हैं तो करेक्ट आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा हिरुडन एरिया क्लियर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इसमें फोर्टी वन में आप देखें द कैरेक्टरिस्टिक नॉट एप्लीकेबल टू यूरोटा इज कौन सा लक्षण यूरोडेटा लक्षण जो यूरोकोडेटा से संबंधित नहीं है तो यूरोकोडेटा से रिलेट नहीं हो वो कैरेक्टर आपको आइडेंटिफाई करना है तो पहला दे रखा है रिट्रोग्रेसिव मेटामोर्फोसिस सही है होता है ये यूरोकोडेटा में तो रिट्रोग्रेसिव मेटामोसिस यूरोडेटा में होगा उसके बाद तो ये सही है इसके लिए एक्सक्लूसिवली मैराइन यूरोडेट जितने भी होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं पूर्णतः मेराइन समुद्री जल में होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी करेक्ट है इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ इन टेल ओनली यूरोकोडेटा के अंदर जो नोटोकोड होती है वो कंप्लीट इनकी थ्रू आउट लाइफ में नहीं होती ओनली लार्वल स्टेज में इनके अंदर जो है वो ये पाई जाती है इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया इसका नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ इन टेल ओनली क्लियर यहां तो ये कहां गलत हो गया इसमें दे रखा ना थ्रू आउट देयर लाइफ तो थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं होती ओनली इनकी लार्वल स्टेज में होती है इसलिए ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्लियर ये पूछा ना नॉट एप्लीकेबल पूछा है तो नॉट एप्लीकेबल पूछा है इसका मतलब जो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है वो ये क्या है थ्रू आउट देयर लाइफ जो है वो इस पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है क्लियर बाकी सारे तीनों सही है ये इसके लिए गलत हो गया ठीक है अब इसके बाद तो कौन सा आंसर इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ तो ये इसके बाद आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडेट बट नोट ए वर्टिब्रेट। निम्न में से कौन सा जंतुट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है तो यहाँ आप समझ सकते हो भाई एक चीज आपके टी में इस चैप्टर में दे रखी है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स इसका मतलब आप समझ रहे हो कोर्डेटा को दो अलग अलग मेजर ग्रुप में बांट रखा है जिनमें से एक प्रोटोकोर्डेट होते हैं एक यू कोर्डेट होते हैं इनमें जो यू होते हैं वो वर्टिब्रेट होते हैं क्लियर यहां तक तो इनमें से आपको क्या पहचानना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर्डेट कोडेट तो है लेकिन जो वर्टिब्रेट नहीं है तो कोर्डेट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है इसका मतलब किसमें आना चाहिए प्रोटोकोडेटा का मेंबर होगा समझ में आ गई प्रोटोकोडेटा या एक्रेनिएटा का मेंबर होगा तो प्रोटोकोडेटा या एक्रेनिएटा में कौन से आते हैं यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा तो आपको इनमें आइडेंटिफाई करना है या तो यूरोकोडेटा का मेंबर हो या फिर वो फेलो का का हो, तब वो क्या होगा कोडेटा तो है लेकिन वो वर्टिब्रेट नहीं है क्लियर तो इसमें करेक्ट जो है वो क्या एम्फियोक्स है? एम्फक्स है वो क्या है? प्रोटोकोडेटा है और सिफेलोकोडेटा हो गया नहीं उसके बाद टेरोफाइलम ये पीसीज है ये वर्टिब्रेट है ये भी वर्टिब्रेट है और पेट्रोमाइजोन भी वर्टिब्रेट है पेट्रोमाइजोन जो है वो साइक्लोस्टोमेटा है वर्टिब्रेट है तो ये इनके अंदर जो है वो बाकी सारे वर्टिब्रेट है ये कोरडेटा तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है क्यों क्योंकि ये किसका मेंबर है सेफेलो कोडेटा का मेंबर है इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फियोक्स क्लियर तो पहला आंसर इसका करेक्ट होगा एम्फ्योक्सस बाकी सारे वर्टिब्रेट है कोरडेटा भी है लेकिन वर्टिब्रेट भी है इसमें शर्त क्या रखी है इज एप कोर्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट क्लियर इसलिए करेक्ट आंसर एम्फियोक्स हो जाएगा इसका क्लियर उसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री में इसमें दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन बिटवीन प्रिस्टिस एंड क्लेरियस इनमें से प्रिस्टिस और क्लेरियस के मध्य कौन सा सामान्य लक्षण है तो प्रिस्टिस और क्लेरियस दोनों किसके मेंबर है ये भी पीसीज है और क्लेरियस भी पीसीज है तो और क्लेरियस दोनों पीसीज होती हैं, दोनों ही पीसीज है अब आप इसमें ये देखें, कौन सा कैरेक्टर दोनों में कॉमन है अब इन दोनों में प्रिस्टिस जो है वो तो है कॉन्ड्रिकीज और क्लेरियस है ओस्टिक और ये कार्टिलेजनस फिश है अब यहां आप देखें कि कॉमन चीज इनमें क्या हो सकती है प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लेडर नहीं हो सकता क्योंकि ये क्लेरियस में तो एबोनिफिस में है बोनीफिस में लेकिन इसमें नहीं होता कार्डलेज में दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर दोनों में ही क्योंकि पीसीज है तो पोइकिलोथर्मिक होगी और पोइकिलोथर्मिक का मतलब ये एसम तापिका मतलब शरीर के ताप को रेगुलेट नहीं कर सकती तो ये दोनों ही नहीं कर सकती ना प्रिस्टिस कर सकती है ना क्लेरियस कर सकती है पीसीज का गुण ही ठीक है उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ साइक्लोइड स्केल साइक्लोइड स्केल जो है वो भी केवल एक में होती है क्लेरियस के अंदर होगी साइक्लोइड प्रिस्टिस में प्लेकोइड स्केल होती है क्लियर प्रेजेंस ऑफ पैल्विक क्लेस पर जो होता है जिसमें क्या होता है पैल्विक क्लेस पर जो मैथुन में सहायक होता है इनके पॉपुलेशन में सहायक होता है ये प्रिस्टिस में होता है क्लेरियस में नहीं होता है. इसका मतलब दोनों में कॉमन वाली चीज क्या है सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है दे लेक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी इनमें नहीं होती क्लियर क्योंकि दोनों ही पोकिलोथर्मिक है क्लियर तो करेक्ट आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा क्लियर अब इसके बाद नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर फोर्टी फोर में देखें इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच बिटवीन फिश मैं and corresponding features with classification listed. Clear? क्या दिया है Fish का उसके character और उसके classification के साथ correct matching जो है उसको आपको identify करना है Correct match पूछा ना तो आपको ये correct matching जो है वो इसमें identify करनी है तो इसके लिए करेक्ट मैचिंग देखिए अब आप देखें फिस एक्जोसीटस एक्जोसीटस ऑस्टिक ओपरकुलेटेड गिल्स ओपरकुलम भी प्रेजेंट होते हैं गिल्स पर और ऑस्टिक थीज क्लासिफिकेशन में भी सही है तो एक्जोसीटस करेक्ट मैच है उसके बाद आप सेकंड में देखें ट्राइगोन वेंट्रल माउथ होता है यहां तक सही है ऑस्टिक गलत है कॉन्ड्रिकीज होती है स्कॉलेड ऑन प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लेडर Conducties. तो ये इसमें ये गलत हो गया एयर ब्लेडर नहीं होता है लेकिन एयर ब्लेडर नहीं होगा और ये यहां, ट्राइगोन में, दे दिया। ये गलत है, होती है। scale, ये गलत हो तो ये हिपो क्या है है और प्लेकोइड की जगह साइक्लोइड स्केल होती है ये इनमें गलत है तो क्या हो इनमें पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि ऑस्टिकथिस या बोनिफिस होती है और ऑपरकुलेटेड गिल्स होते हैं इसके तो पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाँ इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड द स्ट्रक्चर मार्क्ड क्वेश्चन मार्क इन द फिगर आपको फिगर दिया हुआ है उस फिगर बेस्ड इसमें देखिए आप एन से इस चैप्टर में फिगर बेस क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दें आप फिगर वाले क्वेश्चन आप जितने भी एनसीआर में फिगर है वो सारे ध्यान रखें कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है और कौन से फिगर किसके लिए आ रहा है क्लियर तो इसमें दिया हुआ है ये फिगर जो दे रखा है वो किलोन का फिगर है आपके बुक में जो फिगर दे रखा है वो किलोन का है और इसके लिए इसमें क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है ऊपर वो किसको दे रखा है इसकी एक्सटर्नल कवरिंग को एक्सटर्नल एक्सटर्नल को इसको क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो जो आपको ऊपर की तरफ इसके दिख रही है वो क्या होती है होती है है इनमें कैरापेस और नीचे जो होती है इनमें वो प्लेस्ट्रोन होती है किलोन में टेस्ट्यूडो में इनके अंदर क्या विशेषता होती है शरीर जो है वो किससे ढका रहता है कैरापेस और प्लेस्ट्रोन से ढका रहता है डोरसल साइड में कैरापेस और वेंट्रल में प्लेस्ट्रोन होता है क्लियर आता और वो कैरापेस किससे बना होता है ये कैरापेस जो है वो बोनी प्लेट्स के और एपिडर्मल स्केल्स के मिलने से उनके फ्यूज होने से बना होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या चीज़ है कैरापेस है और डायग्राम किसका है डायग्राम ये किलोन का है तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए थर्ड आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर तो इसमें इसमें करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा किलोन है जिसमें कैरापेस क्वेश्चन मार्क क्या के है कैरापेस फॉर्म्ड बाय फ्यूज्ड बोनी प्लेट्स एंड एपिडर्मल स्केल्स क्लियर आ गया समझ में अब इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इनकरेक्टली करेक्टली मैज रिगार्डिंग देयर कॉमन नेम एंड क्लास तो यहां एनिमल को उसके कॉमन नेम और उसके क्लास के साथ जो है वो उसकी सही मैचिंग को आइडेंटिफाई इनकरेक्टली सॉरी इनकरेक्ट मैचिंग को जो है वो आइडेंटिफाई करना है यहाँ तो इनकरेक्ट मैचिंग जो है वो किस में दिखा रखी है तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एज बिन इनकरेक्टली करेक्टली मैच इनकरेक्टली मैच वाला देखना आपको हैमी रेप्टिलस वॉलीजार्ड रेप्टीलिया सही है यहाँ तक वॉलीजार्ड भी है रेप्टीलिया भी है तो ये तो करेक्ट मैच है उसके बाद है हाइला ट्री फ्रोग एम्फीबिया ये भी सही है हाइला को ट्री फ्रोक भी कहते हैं और एम्फीबिया क्लास से रिलेटेड है कैमिलियन गार्डन लिजार्ड रेप्टीलिया ये गलत है कैमिलियन गार्डन लिजार्ड नहीं होता कैमिलियन गार्डन लिजार्ड तो कौन सा होता है कैलोटिस होता है कैमिलियन है वो ट्री लिजार्ड है कैमिलियन का कॉमन नेम जो होता है वो कौन सा होता है इनका ट्री लिजार्ड होता है तो अगर ये इसके साथ ट्री लिजार्ड आता तो करेक्ट नाम होता गार्डन लिजार्ड जो है वो किसका नाम है गार्डन लिजार्ड है वो कैलोटिस होता है तो यहाँ ये जो दे रखा है वो इसके लिए इनकरेक्ट मैच है का ट्री लिजार्ड होता नाम तो ये इनकरेक्ट होगा ब्यूफो का कॉमन एम टोड एम गया ये सही है तो इनकरेक्ट कौन सा होगा इसमें थर्ड जो है वो इनकरेक्टली मैच तो है तो आंसर थर्ड हो गया क्लियर इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन क्वेश्चन फोर्टी सेवन है नवीन ऑब्जर्व एन एनिमल विच शो फॉलोइंग नवीन ने एक जंतु को देखा जिसमें निम्न लक्षणों को देखा गया कौन कौन से कैरेक्टर देखे उसने उस एनिमल को देख के और उसने ऑब्जर्व किया है कि प्रेजेंस ऑफ टिम्पेनम टिम्पेनम प्रेजेंट है दूसरा प्रेजेंस ऑफ टिम्पेनम और उसके बाद नेक्स्ट दिया है हाइट विद टू ओरिकल एंड वन वेंटिकल प्रेजेंस ऑफ टिम्पेनम और टिम्पेनम कर्ण पटे की उपस्थिति हाइट विद टू ओरिकल्स एंड वन वेंटिकल टू ओरिकल और वन वेंटिकल का हाइड यानी थ्री चैम्बर डॉ एम्फीबिया में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एम्फीबिया का कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ क्लोइका एम्फीबिया समझ आ रही है तो कैरेक्टर से समझ में आ रहा होगा आपको कि कौन से कैरेक्टर जो है वो किस क्लास में आते हैं तो ये सारे कैरेक्टर एम्फीबिया क्लास में इन विच क्लास शुड दिस एनिमल बी क्लासिफाइड इस जंतु को कौन सी क्लास में रखा जा सकता है तो सारे कैरेक्टर कौन सी क्लास के आ रहे हैं एम्फीबिया के कैरेक्टर आ रहे हैं तो किस में रखेंगे उसको एम्फीबिया क्लास में तो इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सारे जो कैरेक्टर उसने देखे हैं वो सब कौन सी क्लास से हैं एम्फीबिया क्लास से रिलेटेड आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड क्लियर उसके बाद देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 48 में आप देखें इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सी होर्स इसमें समुद्री घोड़े के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए समुद्री घोड़ा जाने भी सी होर्स हिपोकेम्पस है जो एक ऑस्टिक एक अस्थिल मछली है पहला दे रखा है स्किन कवर्ड विद प्लेकोइड स्केल्स गलत हो गया में प्लेकोइड नहीं होती किसमें होती है प्लेकोइड स्केल्स में एयर ब्लेडर प्रोवाइड बायोन्सी ये सही है का कैरेक्टर है ये कि इनमें बायोसी प्रोवाइड करने के लिए वाटर सरफेस पर जो है वो फ्लोटिंग करने के लिए इनमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है क्लियर कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन

सेकेंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर ब्लेडर प्रोवाइडी क्लियर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें अब देखें आप क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन में दिए हुए हैं स्कॉलियोडोन एक्जोसिटस हिपो ब्यूफो कैलोटिस क्रोकोडिलस हाउ मेनी एनिमल्स परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें से आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले जंतुओं को आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सेनल तो फर्टिलाइजेशन किन किन जंतुओं में होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए एक बात तो आप ध्यान रखें बोनीफिश में एम्फीविया में इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बोनीफिस एम्फीबिया में तो इनके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है इस्कोलियोडोन ये कॉन्ड्रिकिस होती है बोनीफिस नहीं है एक्जोसीटस बोनीफिस तो इसमें एक्सटर्नल हो जाएगा हिपोकैम्पस ये ओस्टिक थीफिस है इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ब्यूफो ये एम्फीबिया है इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और उसके बाद कैलोटिस ये बैप्टीलिया है इसमें नहीं होगा स ये भी रेप्टीलिया है इसमें भी नहीं होगा तो हाउ मेनी एनिमल्स परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो कितने जंतुओं में हो रहा है एक्सिटस में इपोकम्पस में और बुफो में तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका तीन में हो रहा है तो फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर यहां तक तीन में है तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट क्लियर अब इसके बाद आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इस क्वेश्चन में देखिए आप इनकरेक्ट मैच करना है इसका इसमें इनकरेक्ट मैचिंग करनी है जिसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है तो इसमें आप देखें इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फिबिया हिपो कैंपस टोर्पिडो स्टिंगरे स्कोलियोडोन डोगफिस तो इक्थियोफिस का करेक्ट एलिम्बलेस एम्फीबिया करेक्ट है उसके बाद हिपो इनकरेक्ट साटना इसमें ये ध्यान रखें भाई सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच हिपो कैंपस लिम्बलेस एम्फीबिया ये करेक्ट मैच है हिपो कैंपस सी होर्स करेक्ट मैच है टोरपीडो स्टिंगरे ये इनकरेक्ट मैच है टोरपीडो क्या होती है इलेक्ट्रिक ईल होती है टोरपीडो का कॉमन नेम जो होता है वो इलेक्ट्रिक ईल होता है विद्युत मछली है समझ गए तो ये इनकरेक्ट हो गया फिश ये करेक्ट है तो बाकी सब करेक्ट है इनकरेक्टली मैच है तो इनकरेक्ट मैच है वो होता है का क्लियर तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि इनकरेक्टली मैच जो है वो कौन सा है टोरपीडो क्लियर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन मार्क द फीचर दैट इज इन करेक्ट फॉर साइक्लोस्टोमेटा साइक्लोस्टोमेटा के लिए इन करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें उस लक्षण को पहचानिए जो साइक्लोस्टोमेटा के लिए गलत है तो यहाँ आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करते टाइम ये ध्यान दे लिया करो कि वो नेगेटिव अप्रोच का क्वेश्चन है या फिर वो पॉजिटिव का है इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है ये चीजें विशेष ध्यान रखने की होती है क्योंकि इन्हीं के कारण

छह से पंद्रह जोड़ी गिल भी होती है डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिंस ये इनमें सल्क और पेयर्ड फिंस का एबसेंट होना समझ गए ना डिवॉइड सल्कों व युग्मित पंखों का अभाव होना ये भी इनमें नहीं पाए जाते क्लियर यहाँ तक तो ये बाकी सारे कैरेक्टर जो है वो साइक्लोस्टोमेटा के लिए सही है कौन सा गलत है इसके लिए ये सेकंड जो है वो इसके लिए गलत हो गया है सेक्टोरियल माउथ विद रेस्पिंग जो क्लियर तो ये इसके सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्लियर उसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 में है फिफ्टी टू में फॉलोइंग फिश लड़ाकू मछली जो है वो कौन सी है तो इसमें स्कॉलियोडोन बीटा ट्राइगोन कारकेडोन तो बीटा मछली जो है वो इसमें फाइटिंग फिश होती है बीटा मछली का नाम जो है वो आपके दे रखा है एनसीआरटी में दे रखा है कॉमन नेम इसका क्या होता है फाइटिंग फिश कहते हैं इसको क्लियर यहां तक तो ये स्कॉलियोडोन डॉग फिश होती है ये फाइटिंग फिश ट्राइगोन स्टिंग रे होती है और कार्केर ग्रेट व्हाइट सार्क होती है क्लियर तो ये कौन सी हो जाएगी सेकंड जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगी फाइटिंग फिश जो है वो बीटा फिश को कहते हैं क्लियर इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री बी ये भी ओस्टिक से रिलेटेड है इसमें दिया हुआ टेरोफाइलम विल नॉट बी एबल टू टेरोफाइलम विल नॉट बी एबल टू टेरोफाइलम में समर्थ नहीं होती है किस काम के लिए समर्थ नहीं होती क्लियर पहला दे रखा कीप इट्स बॉडी स्टैटिक इन वाटर विदाउट मूविंग बिना हलचल के पानी के अंदर अपने आप को मेंटेन रखना स्थिर बना के रखना ये कर सकती है क्योंकि इसमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है समझ आगे ओस्टिक है ना टेरोफाइलम टेरो की बात कर रहा है टेरोफाइलम होती है बोनी फिस। ये या तो बोनी या ऑस्टिक के अंदर एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है इसलिए वो उसकी बायोनसी को मेंटेन कर सकता है तो ये तो इसके लिए करेक्ट है रेगुलेट इट्स बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती क्योंकि फिश है तो पोइकिलोथर्मिक है तो पोइकिलोथर्मिक होते हैं वहाँ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं रह सकता तो ये इसमें कै जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होती डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वाटर के फ्लो की डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सकती है क्योंकि सेंसरी लाइन सिस्टम जो होता है वो इनके अंदर संवेदी रेखा तंत्र जो है वो इनमें पाया जाता है जो इनके अंदर वाटर फ्लो को डिटेक्ट कर सकता है वाटर के करंट को डिटेक्ट कर सकता है तो ये इसमें पॉसिबल है रिलीज अमोनिया एज एक्सक्रीट्री बेस्ट ये सही है अमोनोटेलिक होती है फिसज तो फिश इसलिए क्या कर सकती है वो अमोनिया को रिलीज कर सकती है तो कौन सा कैरेक्टर इनमें संभव नहीं है तो कौन सा कैरेक्टर पॉसिबल नहीं है ये सेकंड जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं है कि बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं करके रख सकती क्योंकि सभी मछलियां जो है वो पोईक्यूलोथर्मिक या विषमतापी होती हैं क्लियर तो ये इनमें करेक्ट आंसर जो है वो इसका सेकेंड हो जाएगा क्लियर इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर 54 में दिया हुआ है मार्क द ओड एनिमल विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ चेंस इन द हार्ट हार्ट में चैम्बर के नंबर के अकॉर्डिंग चैम्बर की संख्या कोष्ठों की संख्या के अकॉर्डिंग इनमें से विषम जंतु को पहचानना है समझ गए ना मार्क द ओड एनिमल यानी सबसे अलग जंतु को पहचानना है जिसमें हार्ट की हार्ट में जो चैम्बर्स की संख्या है वो डिफरेंट होती हो मैक्रोपस मेमेलिया है कितने होंगे चार चैम्बर होंगे कोलंबा पीसीज है चार चैम्बर होंगे टेरोपस चमगादड़ है ये भी मेमेलिया है चार चैम्बर होंगे और सेलामेंडर यह एम्फीबिया है जिसमें हार्ट में तीन चैम्बर होंगे समझ में आ रही बात बाकी सारे मेमेलिया है ये दोनों मेमेलिया है और पक्षी एवीज है इनमें चार चैम्बर होते हैं और एम्फीबिया में तीन चैम्बर होते हैं सिलेक्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ चेंबर जो है वो कितने हो गए तीन चेंबर होते हैं बाकी सब में चार चार चैम्बर होते हैं करेक्ट तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो गया क्लियर चले आगे नेक्स्ट अब इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 55। 55 में इसमें आप देख रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी टू रेगुलेट इट्स बॉडी टेम्परेचर निम्न में से कौन से जंतु में अपने शरीर के ताप को निश्चित बनाए रखने की क्षमता पाई जाती है समझ आ गई यानी होम्योथर्मिक पहचानना आपको यहाँ समतापी जंतु या होम्योथर्मिक एनिमल को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जंतु में बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट बना रहता है तो कौन कौन से होते हैं एवीज में और मेमेलिया में केवल एवीज और मेमेलिया ही ऐसे हैं जो बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट बनाए रख सकते हैं जो होम्योथर्मिक होते हैं बाकी पोइकिलोथर्मिक है तो इनमें से एवीज और मेमेलिया को आइडेंटिफाई करना है टेस्ट्यूडो ये क्या है टेस्टूडो नहीं होगा क्योंकि ये रेप्टीलिया है नियोफ्रोन एवीज है इनमें बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रह सकता है सेलामेंडर एम्फीबिया है इसमें भी नहीं रहता क्रोकोडिलस रेप्टीलिया है इसमें भी नहीं रहेगा समझ में आएंगे ना तो बॉडी टेम्परेचर जो रेगुलेट रह सकता है वो किस में रह सकता है नियोफ्रोन में ये क्या है गिद्ध होता है तो बर्ड्स है एवीज है एवीज के अंदर जो है वो बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बना रहता है क्लियर तक तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा सेकेंड इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्लियर इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 में इसमें आप देखें बॉडी ऑफ मॉडर्न विल बी बोर्ड ऑफ ये क्या पूछ रहा है आधुनिक अस्थिल मछलियों के शरीर में शरीर मछलियों के शरीर में अभाव होता है किस चीज़ की एब्सेंस होती है किस चीज़ का अभाव होता है एयर ब्लेडर पाया जाता है ये विशेष गुण एयर ब्लेडर के कारण ही वो अपने आप को वाटर सरफेस पर मेंटेन रख सकती है तो ये पाई जाती है उसके बाद आप देखें नेक्स्ट सेकंड दे रखा है प्लेकोइड स्केल्स प्लेकोइड स्केल्स जो है वो नहीं होती समझ गए ना बोनी फिश में प्लेकोइड की जगह साइक्लोइड टीनोइड गेनोइड स्केल होती है बोनी फिश में कौन सी होती है प्लेकोइड स्केल जो है वो केवल कार्टीलेजनेस फिश में होती है बोनी फिश में प्लेकोइड के अलावा साइक्लोइड गेनोइड और टीनोइड स्केल होती है क्लियर तो प्लेकोइड स्केल्स डिवोड ऑफ पूछा क्या चीज इसमें है? नहीं देखी जा सकती नहीं हो सकती तो प्लेकोइड स्केल इनमें नहीं होती ओपरकुलम भी गिल्स के ऊपर पाया जाता है गिल की कवरिंग होती है ओपरकुलम ये भी पाया जाता है रियल जो इन माउथ रियल जो होते हैं इसीलिए गनेथोस्टोमेटा के मेंबर में है समझ में लगे ना तो पीसी वो गनेथोस्टोमेटा में इसलिए क्योंकि रियल जो इसमें प्रेजेंट है तो ये भी इसका कैरेक्टर है कौन सा इसमें नहीं होता है तो बोनी फिश में किस चीज का अभाव होता है तो प्लेकोइड स्केल का इनमें अभाव होता है तो ये करेक्ट आंसर जो है वो इसका सेकेंड हो जाएगा प्लेकोइड स्केल्स क्लियर उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन क्वेश्चन नंबर 57 इसमें दिया हुआ है टू फीट आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ टू फीट या नाल पाद, किस तंत्र का भाग है किस सिस्टम का भाग है और किस जंतु में पाया जाता है टू फीट नाल पाद जो होते हैं वो ध्यान आपको वाटर वस्कुलर सिस्टम का पार्ट है जो इकाइनोडर्मेटा का स्पेशल कैरेक्टर है ध्यान ट्यूब फीट का पाया जाना जो है वो वाटर वस्कुलर सिस्टम का पार्ट है जो इकाइनो ड्रमेटाम स्पेशी की पहली पाया जाता है तो ये इक्काईनो में पाया जाता है तो उसके हिसाब से क्या होगा ट्यूब फीट आ रे पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी नहीं होगा और उसके बाद है वाटर वस्कुलर सिस्टम ये सही है यहाँ तक फिर एस्टेरीज में पाया जाता है ये करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये वाटर वस्कुलर सिस्टम आ जाएगा यहाँ और वाटर वस्कुलर सिस्टम पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एस्टेरियस तो यहाँ एस्टेरियस और यहाँ वाटर वस्कुलर सिस्टम आएगा क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है समझ में आगे बात चले नेक्स्ट आगे देखें क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट क्वेश्चन नंबर एट में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोविंग पेयर ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू कार्टिलेजनस फिश यहाँ आपको उन जंतुओं के समूह को आइडेंटिफाई करना है उस जंतु के समूह को पहचानना है जो केवल कार्टिलेजनस फिश हो जो केवल उपास्थिल मछलियाँ हों तो उपास्थिल मछलियों के अंदर शामिल कौन सी मछलियों वो करेंगे इनमें पहले ऑप्शन में देखिए क्या पूछा है कार्टिलेजनस तो कार्टिलेजनस फिश बतानी है आपको तो कार्टिलेजनस फिश के लिए लेबियो एंड कटला दोनों ही बोनी फिश है तो ये दोनों बोनिफिस होती है टेरोफाइलम एंड स्कोलियोडोन इन दोनों के अंदर स्कोलियोडोन तो बोनिफिस है लेकिन टेरोफाइलम ये कैसी होती है ये बोनीफिस है ये स्कोलियोडोन कार्टिलेजिनस ये बोनिफिस है प्रिस्टिस एंड कार्केरोडोन ये दोनों ही कार्टिलेजिनस फिश है प्रिस्टिस और कार्केरोडोन जो है वो दोनों कार्टिलेजिनस फिश होती है फिर पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन ये दोनों है कार्टिलेजिनस लेकिन फिश नहीं है समझ में आ गई ये कार्टिलेजिनस तो है लेकिन इनमें फिश नहीं होती ये साइक्लोस्टोमेटा है क्लियर इसलिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि इसमें प्रिस्टिस और कार्केरोडोन जो है वो दोनों ही कार्टिलेजिनस फिश है समझ आ गई ना अब यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं हुई पहले ही बता देता हूँ यहां तुम्हारे एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी दिमाग में कि और भी भी दे रखा है है ये कार्टिलेजिनस होती है। लेकिन आपको यहां में बता दूँ क्वेश्चन में ऊपर है हो, लेकिन उसके साथ साथ फिश हो तो क्या होनी चाहिए क्लियर आँथा? तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा क्लियर उसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन इसमें दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट बर्ड अब आपको बर्ड्स में जो है वो सबसे अलग बर्ड जो है वो इसमें से पहचानना आपको नियोफ्रोन क्या होता है गिद्ध होता है एप्टिनोडाइट्स पैंगवीन है सिटेक्यूला ये तोता होता है कॉरबस कौवा होता है अब इनमें आप बाकी देख लें सारे टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ है केवल एप्टिनोडाइट्स जो है वो ऐसे हैं जो पेंगुइन जली होते हैं तो ये एक्वेटिक है इसलिए इनमें सबसे अलग हो गया ये समझ गया ना फॉलोइंग बर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बर्ड सबसे अलग कौन सा है तो एप्टिनोडाइट्स है क्यों अलग है इनके मोड ऑफ लाइफ के कारण ये एक्वेटिक है बाकी सारे टेरेस्ट्रियल है क्लियर समझ में आगे बात चले नेक्स्ट अब इसमें आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी में आप देखें विच ऑफ द इज करेक्ट फेयर इनमें से सही युग्म जो है वो कौन सा है तो इसमें पहला है हाइला एम्फीबिया गलत है हाइला का कॉमन नेम क्या होता है ट्री फ्रोग होता है तो ये गलत हो गया तो हाइला में ट्री फ्रॉग जो है वो इसका कॉमन नेम होता है तो पहला गलत हो गया टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स ये सही है तो टेरोपस जो है वो क्या होती है फ्लाइंग फॉक्स होती है में में है है टेरोपस ये ये इसका करेक्ट मैच डोलियोलम फर्स्ट वर्टिब्रेट ये गलत हो गया फर्स्ट वर्टिब्रेट नहीं होता डोलियोलम वर्टिब्रेट है ही नहीं कोर्डेटा जरूर है ये यूरोटा का मेंबर है लेकिन वर्टिब्रेटा में नहीं है ये समझ में आ गई तो ये फर्स्ट वर्टिब्रेट नहीं हो सकता फर्स्ट कोडेट कह सकते हैं इसको लेकिन फर्स्ट वर्टिब्रेट नहीं कहेंगे क्लियर तो ये गलत हो गया ये भी गलत है कार्केरोन क्या होती है कार्टी फिश होती है ग्रेट वाइट सार्क क्लियर तो यह बोनीफिस नहीं होती तो करेक्ट मैच जो है वो करेक्ट पेयर पूछा यहां तो करेक्ट पेयर जो है वो कौन सा इसमें करेक्ट पेयर हो जाएगा टेरोपस जिसका कॉमन नेम फ्लाइंग फिक्स है चमगादड़ होता है क्लियर समझ में आगे चले आगे हाँ चले नेक्स्ट अब इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन में इसमें दिया हुआ है द मैमल विच पोजेज बोथ रेप्टिलियन एंड मेमेलियन कैरेक्टर मैमल विच पोजेज बोथ रेप्टिलियन एंड मेमेलियन कैरेक्टर अब यहां स्पेशल ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा जंतु जिसमें रेप्टीलिया के और मेमेलिया के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं इसका मतलब क्या है दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक ध्यान आपको दोनों के बीच कौन सी होती है मेमेलिया और रेप्टीलिया के बीच कनेक्टिंग लिंक होती है प्रोटोथीरिया समझ आ गया ना मेमेलिया के और इसके बीच कनेक्टिंग लिंक प्रोटोथीरिया है तो प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल आपको आइडेंटिफाई करना हो गया दिमाग लगा सकते हो इतना प्रोटोथीरिया में टेरोपस नहीं होता डेल्फिनस मैक्रोपस प्लेटिपस तो प्लेटिपस और निथोरिंक ये जो है वो किसके एग्जाम्पल है प्रोटोथीरिया के एग्जाम्पल है जो दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक होते हैं ठीक है तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा प्लेटिपस क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 62 में इसमें दिया हुआ रेप्टाइल्स आर मोस्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट विच टाइप ऑफ लोकोमोशन इज फाउंड इन देम रेप्टाइल्स, सबसे ज्यादा जो है वो लैंड एबिटेट के लिए पे रहने के हुए थे, उनमें होते है। इन जंतुओं में किस प्रकार का गमन होता है तो कैसा गमन करते हैं रेप्टाइल्स इनका नाम ही रेप्टीलिया किस बेस पे किया गया है क्रोलिंग मूवमेंट के बेस पर रैंकर गति करने के कारण इनको नाम दिया गया रेप्टीलिया क्लियर तो करेक्ट क्या जाएगा विच टाइप ऑफ लोकोमोशन इज फाउंड इन देम तो कौन सा लोकोमोशन होगा क्रोलिंग लो, लोकोमोशन जो है वो इनमें पाया जाता है क्रोलिंग टाइप या रेंकर जो है वो गति करते हैं ये ठीक है तो ये हो गया इसमें आंसर थर्ड उसके बाद तो 63 में आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप इनमें से सेम ग्रुप से जो है वो ऐसे जंतुओं को पहचानना है जो किसी सेम ग्रुप के अंदर शामिल हो तो पहला बंगेरस टेस्टुडो, दोनों ही रेप्टीलिया है तो बंगेरस और बंगेरस क्या है क्रेत होता है ये भी रेप्टीलिया और टेस्ट्यूडो ये भी रेप्टीलिया है तो दोनों ही रेप्टीलिया के मेम्बर है तो ये दोनों रेप्टीलिया उसके बाद आप देखें ये दोनों रेप्टीलिया हो गए नेक्स्ट बी में पेओ हाइला ये दोनों अलग अलग है पे एवीज हो गया हाइला एम्फीबिया हो गया तो ये गलत है दोनों सेम में नहीं है अगले में क्लेरियस और राना क्लेरियस फिश है राना एमफीबिया है तो ये भी नहीं हो सकता है। फैलिस और कैलोटिस फैलिस क्या है? केट होती है जो मेमेलिया है और कैलोटिस ये रेप्टीलिया है तो सही जो है वो कौन सा है क्या दे रखा है सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू सेम ग्रुप सेम ग्रुप वाले जो है वो कौन से हैं बेल ये बंगेरस और टेस्टूडो ये दोनों रेप्टीलिया से रिलेट है और बाकी सारे में जो है वो अलग अलग क्लास के मेंबर दे रखे हैं ठीक है तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका फर्स्ट हो जाएगा बंगेरस टेस्टूडो ठीक है इसके बाद आप चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर में दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट व्हाइट सार्क निम्न में से कौन सी मछली ग्रेट व्हाइट सार्क के नाम से भी जानी जाती है तो ग्रेट वाइट शार्क कौन सी है पिस्टिस ट्राइगोन क्लेरियस कार्केरोडोन तो कौन सी है कारकेरोडोन जो मछली होती है उसका नाम होता है ग्रेट वाइट शार्क क्लियर तो इसमें ग्रेट वाइट शार्क जो है वो कौन सी मछली को कहते हैं कार्केरोडोन को कहेंगे तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा फोर्थ क्लियर तो इसका कारकेरोडोन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव तो इसमें सिक्सटी फाइव में इसमें आप देखें व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ रेप्टीलिया रेप्टीलिया का लक्षण कौन सा है तो निम्न में से तो ये रेप्टीलिया का लक्षण जो है वो आपको छांटना है दे आर होम्योथर्मिक गलत हो गया पोइकिलोथर्मिक होते हैं तो ये पहला ऑप्शन इसके लिए गलत है क्योंकि ये होम्योथर्मिक की बजाय कैसे होते हैं पोईकिलोथर्मिक होते हैं अगला है स्नैक्स एंड लीजार्ड सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट ये करेक्ट है ये स्नैक और लिजार्ड में क्या होता है ये अपनी त्वचा को कैंचुली के रूप में उतारते हैं ना तो वो इनके अंदर जो है वो ये अपनी स्किन को उतारते स्केल्स को जो है वो कैंचुली के रूप में छोड़ते रहते हैं तो ये सही है थर्ड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट गलत है रेप्टिलिया में क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट सही है लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये गलत है कैसा होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फोर्थ है बॉडी कवर्ड बाय मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर स्किन ड्राई स्किन होती है इनमें मॉइस्ट और ग्लैंडुलर स्किन भी नहीं होती तो ये गलत हो गया तो क्या पूछा इनमें कैरेक्टर ऑफ रेप्टीलिया तो कैरेक्टर बताना आपको कि रेप्टीलिया का कौन सा कैरेक्टर सही है तो कौन सा होगा सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है स्नैक्स एंड लिजार्ड एट देर स्केल्स एज स्किन क्लियर कैचुली के रूप में अपनी स्केल्स को छोड़ते रहते हैं ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66. 66 में आप देखें एलिमेंट्री एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर इन एम्फीबिया दैट इज कोल्ड एम्फीबिया में ज्ञान होगा आपको आहार नाल मूत्र जनन वाहिनी एक सामान्य कक्ष में खुलते हैं जिसे कहते हैं तो जिस सामान्य कक्ष में खुलते हैं जिस कॉमन चैम्बर में खुलते हैं वो क्या होता है इनका अवस्कर या क्लोएका चैम्बर होता है इसके अंदर खुलेंगे ये तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका क्लोएका हो जाएगा तो सेकंड जो है वो इसका आंसर होगा क्लोय का क्लियर कई एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो आपके वैसे ही समझ में आ रहे होंगे देखते ही आंसर पता चल जाता है क्या होगा उसके बाद आप देखें 67 67 में दिया हुआ है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर बर्ड्स यहाँ बर्ड्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है तो एवीज का इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा तो एवीज के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर हम आइडेंटिफाई करें तो ये दिया हुआ पहला ऑप्शन है हैंडलिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग स्विमिंग एंड क्लेस्पिंग द ट्री ब्रांचेज पक्षियों में आपने देखा होगा कि शाखाओं को पकड़ने के लिए चलने के लिए तैरने के लिए इनके लिए रूपांतरित हो जाते हैं पशुपात तो ये सही है इसमें स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं तो ये करेक्ट है इनकरेक्ट पूछा अब यहाँ पहले ये बात ध्यान रख लें कि स्टेटमेंट पूछा है

मोस्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन इज कार्टिलस ये इसमें गलत दे दिया कैसा होता है बोनी एंडोस्केलेटन होता है इनमें ठीक है तो ये गलत हो गया एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स फॉर सप्लीमेंट रेस्पायरेशन सही है, है. ये सप्लीमेंट में होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल द क्रोप एंड गिजार्ड क्लियर ये भी एकदम करेक्ट है बर्ड्स में और इंसेक्ट में ये ध्यान रखें भाई रेट में तो इंसेक्ट में क्रोप और, और वर्टिब्रेट्स में जो होते हैं वो बर्ड्स में क्रोप और गिजार्ड जो है, वो chamber, इनकी इसके लिए बर्ड्स के लिए तो कौन सा बताएंगे सेकंड जो है वो इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जिसमें बता रखा है एंडोस्केलेटन कार्टिलेजनस जबकि होता है कैसे बोनी एंडोस्केलेटन होता है इसमें क्लियर चले आगे अब इसमें आप देखें क्वेश्चन सिक्सटी एट तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट में इसमें दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रेप्टाइल्स बिलोंग टू पॉइजनस स्नैक तो रेप्टीलिया का कौन सा समूह जो है कौन से समूचे में पॉइजनस स्नैक्स को रखा गया है विशेलिस सांपों को रखा गया है कैलोटिस और एलिगेटर नहीं होते कैलोटिस और एलिगेटर में ये दोनों जो है वो पॉइजनस में नहीं आते कैमेलियन बंगेरस नहीं है तो ये भी नहीं है और उसके बाद आप देखें, नेक्स्ट कैलोटिस और एलिगेटर है फर्स्ट में और सेकंड में आप देख रहे हो कैमेलियन, बंगेरस तो ये दोनों नहीं होंगे नाजा naja और वाइपेरा ये दोनों ही पॉइजनस स्नेक है एनसीआर में पूरी से अलग से दे रखा है इसको पॉइजनस स्नेक जो है वो कौन से है नाजा वाइपेरा और बंगेरस क्लियर नाजा वाइपेरा और बंगेरस जो है वो तीनों को लिख रखा है पॉइजनस स्नेक के नाम से क्लियर तो पॉइजनस स्नेक कौन से नाजा और वाइपेरा इसके करेक्ट हो जाएंगे किलोन और कैलोटिस भी नहीं होते ठीक है तो कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि नाजा और वाइपेरा जो है वो विशेल सर्प से संबंधित है ठीक है तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया इसके बाद आप करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन में आप देखें इसमें दिया हुआ करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अ बो डायग्राम ऊपर दिए गए चित्र के संबंध में सत्य कथन है तो सबसे पहले वही चीज आ गई डायग्राम आइडेंटिफाई कर लो कि डायग्राम कौन से एनिमल का डायग्राम है ये डायग्राम है ऑर्निथोरिंकस ऑर्निथोरिंकस क्या होता है प्रोटोथीरिया होते हैं तो ये ऑर्निथोर का डायग्राम दे रखा है तो ऑर्निथोर में ऑर्नीथो तो रिंकस जो है वो ध्यान है भी आपको डकबिल्ड डकबिल्ड प्लेटिप से तो ये ऑर्निथो रिंकस का डायग्राम हो गया अब आपको इससे रिलेटेड जो है वो आपको आंसर देना है तो ऑर्निथो रिंकस में करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अबो डायग्राम करेक्ट पूछा है तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो फर्स्ट में देखा एगलैंग मैमल ये करेक्ट है प्रोटोथीरिया है वो एग एगलैंग मैमल होते हैं ये पहला स्टेटमेंट सही है इसका उसके बाद दे रखा है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टीलिया ये दे रखा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टीलिया ये गलत है अगर ये आता रेप्टीलिया और मेमेलिया तो सही हो सकता था यही स्टेटमेंट अगर रेप्टीलिया और मेमेलिया का आता तो वो करेक्ट स्टेटमेंट होता वो भी लेकिन यहाँ कह दिया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टीलिया इसका मतलब गलत हो गया इट हैज मार्सुपियम फॉर डेवलपमेंट ऑफ यंग वस यंग वंस के डेवलपमेंट के लिए या नवजात के नवजात शिशु के परिवर्धन के लिए मार्सुपियम का होना या पाया जाना ये मेटाथीरिया का कैरेक्टर है प्रोटोथीरिया का कैरेक्टर नहीं होता है तो ये कंगारू में होता है इसमें नहीं होता है क्लियर बरोविंग रेप्टाइल तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया है भी नहीं है इसमें बरोविंग रेप्टीलिया ये भी रेप्टीलिया ही नहीं किया है ये मेमेलिया और निथोरिंगस जो है वो एक प्रोटोथीरिया मेमल है ये प्रोटोथीरिया मैमल होता है ये तो ये प्रोटोथी क्लियर तो प्रोटोथीरिया मतलब कौन सा सही हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि ये एग एग्लेंग मैमल होते हैं क्लियर आगे चले क्वेश्चन नंबर सेवनटी तो इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर सेवेंटी में सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ फीसज फाउंड इन एक्वेरियम एक्वेरियम में पाई जाने वाली मछलियों के का सही समूचा है तो एक्वेरियम में पाई जाने वाली मछलियों का सही है पहला इसमें दे रखा कारकेरोडोन और कटला अपने बुक में जो दे रखी है एनसीईआरटी में वो एक्वेरियम फिश में दो नाम दे रखे हैं आपके एक टेरोफाइलम एंजिल फिश और एक्वेरियम बीटा फाइटिंग फिश क्लियर तो उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर लो इसको सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ फिशेस फाउंड इन एक्वेरियम बेटा और टेरोफाइलम ये दोनों एक्वेरियम में पाई जाने वाली फिशेस है दोनों अलग से दे रखी है एक्वेरियम की फिशेस मैराइन फिश अलग दे रखी है बोनी फिशेस के अंदर एग्जाम्पल में मैराइन फीसेज अलग दे रखी हैं फ्रेश वाटर फीसेज अलग दे रखी हैं और एक्वेरियम की फीसेज अलग दे रखी है उन एक्वेरियम फीसेज में दे रखा है एक्वेरियम में, में बेटा जिसका कॉमन नेम फाइटिंग फिश टेरोफाइलम उसका कॉमन नेम एंजिलफिश क्लियर तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका सेकंड हो जाएगा बीटा एंड टेरोफाइलम क्लियर उसके बाद देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 71 में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जांपल ऑफ सेफेलोकोर्डेटा सेफेलोकोर्डेटा का सही एग्जांपल जो है वो है सिफेलोकोडेटा के सही उदाहरण को पहचानी है Mpuxus जो है वो इसका सही एग्जाम्पल है तो ये इसमें करेक्ट एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है एम्फियोक्सस। ये सिफेलोकोडेटा है और बाकी ये पेट्रोमाइजोन है ये साइक्लोस्टोमेटा है बेलिनोक्लोस हेमिकोडेटा है और डोलियोलम यूरोकोडेटा है क्लियर तो करेक्ट हो गया फर्स्ट एम्फ्योक्सस उसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 72 72 में दिया हुआ था बॉडी ऑफ यूरोडेटा कवर्ड विद यूरोडेटा का शरीर से आवरित होता है किससे आवरित होता है ट्यूनिसिन से आवरित होता है इसीलिए यूरोकोडेटा का दूसरा नाम ही क्या होता है ट्यूनिकेटा भी यूरोकोडेटा को कहा जाता है किसके कारण कहते हैं इनको ट्यूनिकेटा ट्यूनिसिन के आवरण के कारण इनको ट्यूनिकेटा कहते हैं समझ गए ना तो यूरोकोडेटा किससे कवर्ड है ट्यूनिसिन पॉलिसकेराइड से, से कवर्ड जो है वो इनका शरीर होता है इसीलिए यूरोकोडेटा का दूसरा नाम ट्यूनिकेट होता है क्लियर तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 73 73 में दिया हुआ है फोर पेयर गिल्स कवर्ड विद ओपरकुलम प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लेडर इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ठीक है इसमें चार जोड़ी अपर कुलम से आवरित गिल्स वायु आशय की उपस्थिति का लाक्षणिक गुण है तो ये किन में पाए जाते हैं अभी ओपर कुलम से कवर्ड जो है वो गिल्स होते हैं और एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता तो है। तो ओस्टिक थीज या बोनिफिस है यहाँ आपको एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करना है ओस्टिक थीज का ओस्टिक बोनिफिस होनी चाहिए जिसके कैरेक्टर जो दे रखे कैरेक्टर है वो बोनिफिस के हैं तो स्कोलियोडोन नहीं हो सकती क्यों क्योंकि स्कोलियोडोन जो है वो किस में आती है ये कार्टिलेजिनस फिस है तो स्कोलियोडोन जो है वो इसका कैरेक्टर नहीं होगा कौन सा होगा कैरेक्टर इसका ये कार्टिलेजिनस है, है वो ये ट्राइगोन ये भी कार्टिलेजिनस है तो बोनीफिस वाला ही आपको कैरेक्टर दे रखे हैं तो क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ हिपो क्लियर आगे देखें क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर सेवेंटी फोर में इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गेन इनमें से कौन से जंतु में, में इलेक्ट्रिक ऑर्गेन होते हैं विद्युत अंग होते हैं वो विद्युत मछली में इलेक्ट्रिक ईल में और विद्युत मछली या इलेक्ट्रिक ईल इल जो है वो इनमें से कौन सी है टोर्पीडो जो है वो इसमें <coughs> इलेक्ट्रिक ईल इल होती है टोरपीडो का सामान्य नाम ही क्या होता है इलेक्ट्रिक ईल होता है विद्युत मछली होती है तो विच ऑफ दी फॉलोइंग एनिमल हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गेन्स तो टोरपीडो जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद 75, 75 में दे रखा है सेलेक्ट द ऑड वन अमंग फॉलोविंग एनिमल्स निम्न में से निम्नलिखित जंतुओं में विषम का चयन कीजिए इनमें से विषम को छांटना है जो इनमें से सबसे अलग होते हो तो इनमें सब में अलग जो है वो विषम वो कौन सी होगी तो विषम को पहचानिए तो विषम को पहचानने के लिए क्या बताएंगे सेलेक्ट ओड वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स कैलोटिस क्या है रेप्टीलिया तो इनमें <coughs> पहला कैलोटिस जो है वो रेप्टीलिया है तो फर्स्ट रेप्टीलिया एम्फीबिया कैमेलियन, ये रेप्टीलिया है समझ गए ट्रिलीजार्ड किलोन ये रेप्टीलिया है इसका मतलब अलग कौन सा हो गया इनमें विषम को पहचानिए है तो सेलामेंडर जो है वो इनमें सबसे अलग हो गया तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया सेकंड सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो गया क्लियर उसके बाद आगे 75 के बाद आप देखें सेवेंटी सिक्स में उसमें दिया हुआ है एंडोस्कैल इन बर्ड्स इज फ्यूली एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद ए एंड बी रेफर्स टू ए में क्या आएगा और बी में क्या आएगा वो पहचानना आपको पक्षियों में अंत कंकाल पूर्णतः ए होता है और लंबी अस्थियां खोखली बी युक्त होती है ए और बी से संबंधित है तो कैसी होती है पक्षियों के अंदर या बर्ड्स के अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसे होता है बोनी एंडोस्केलेटन होता है बोनी एंडोस्केलेटन का मतलब ओसीफाइड गए या कॉन्ट्रीफाइड गए ओसीफाइड तो बोनी एंडोस्केलेटन ओसीफाइड एंडोस्केलेटन होता है जिसकी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें एयर कैविटीज या एयर सेक प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो इसमें पहले में दे रखा कार्टिलेजिनस गलत है कैसी बोन bon कैसा होता है एंडोस्केलिटन जो है वो इनका कार्टिलेजनस होता है वो नहीं होता है ओसिफाइड तो पहला तो गलत हो गया दूसरा ए ओसीफाइड और बी एयर कैविटीज दूसरा सही हो जाएगा इसका कैटीज आंसर इसका करेक्ट है तीसरे में क्वानी दे रखा है गलत हो जाएगा और चौथे में बोन मेरो दे रेखा वो गलत हो जाएगा ठीक है तो सही जो है वो क्या हो गया इनमें सेकंड जो है वो इसका सही हो गया ओसीफाइड एंडोस्केलेटन होता है यानी बोन से बना हुआ एंडोस्केलेटन होगा और जिसके अंदर लंबी बोन्स जो होती हैं अस्थियां उनमें एयर कैविटीज या अस्थिल गुहाएं होती हैं क्लियर वायु गुहाएं होती है इनमें ठीक है हाँ तो इसमें देखिए आप 77 में द गिवन फिगर शोज द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोडेट्स मार्क द बी विद करेक्ट लेबलिंग इसमें बी को करेक्ट लेबलिंग के साथ आइडेंटिफाई करना है तो ये आप देख रहे हो एनसीआरटी का डायग्राम है जिसमें पूरी तरीके से लेबल कर रखा है इसको ए क्या है इसका नर्व कोड है होलो नर्व कोड है ना तो ए इसकी होलो नर्व कोड है बी नोटो कोड है पूछा क्या आपने को नोटो कोड पूछा है और डी ये डी से लेबल है ये गिल स्लिट से और सी पोस्ट एनल टेल है समझ में आ गई बात तो यहाँ पूछा गया मार्क द बी बी को पूछा मार्क द बी विद करेक्ट लेबलिंग तो बी को किससे बी जो है वो किसके लिए लेबल किया गया है तो बी क्या है यहाँ नोटो कोड के लिए जो है वो लेबल किया गया है तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा सेकेंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा नोटो कोड क्लियर तो ये इसमें करेक्ट हो गया इसका सेकेंड उसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटी एट क्वेश्चन नंबर सेवनटी एट में विच ऑफ द फॉलोविंग डज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ प्रोटोकोडेट्स कौन सा प्रोटोकोडेटा का कैरेक्टर या कौन सा एक प्रोटोकोडेटा का लक्षण नहीं है तो पहला ऑप्शन है दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन सभी समुद्री जल में होते हैं ये सही है तो ये पहला इसका करेक्ट है प्रोटोकोडेटा के लिए सारे चाहे वो यूरोडेटा हो या सेफेलोकोडेटा हो सब किस में पाए जाते हैं ये सारे के सारे जो है वो प्रोटो और सेफेलोकोडेटा है वो किस में होंगे समुद्री जल में पाए जाएंगे तो ये करेक्ट है इसका उसके बाद आप देखें तो पहला करेक्ट स्टेटमेंट नोट पूछा भी ध्यान रख लें डज नोट ए कैरेक्टर ऑफ प्रोटोकोडेट्स तो ये प्रोटोकोडेट का कैरेक्टर है दे पोज इज मिजियोडर्मली डेराइव्ड नोटोकोड नोटोकोड भी पाई जाती है मिजियोडर्म से उत्पन्न नोटोकोड की उपस्थिति भी होती है इनमें यह भी करेक्ट है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्सलेट्स फेरेंजियल गिल्सलेट्स का पाया जाना यह भी प्रोटोकोडेट का कैरेक्टर है ग्रसनी क्लोम दरारे भी इसमें पाई जाती हैं नोटोकोड रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम इन ये एडल्ट में नोटोकोड वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है ये गलत है प्रोटोकोडेट्स होते हैं उनमें कभी भी वर्टिबल कॉलम नहीं बनती समझ आ गई उसमें या तो लार्वा के अंदर ही पाई जाती है जैसे यूरो तो उसमें नोटोकोड केवल लार्वा अवस्था में ही पाई जाएगी है उसमें नोटोकोड उनकी लार्वा और एडल्ट दोनों में पाई जाती है और पूरी थ्रू आउट बॉडी जो है वो मेंटेन रहती है क्लियर लेकिन उनमें कभी भी वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस नहीं होती होती किन में होती है कॉलम से रिप्लेस वर्टिब्रेटा के जो जंतु होते हैं उनमें ये नोटो बाद में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटो रहेगी और वही आगे चल के वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है क्लियर इसका मतलब गलत क्या हो गया वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाना ये इसके लिए गलत हो गया कि प्रोटोकोलडेट्स में कभी भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनती ठीक है तो ये इसमें गलत हो गया तो डज नॉट कैरेक्टर तो फोर्थ जो है वो इसका कैरेक्टर प्रोटोकॉलडेटा का कैरेक्टर नहीं हो सकता है ठीक है उसके बाद चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन 49 में आप देख रहे हो विच इज द कॉमन बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टीलिया एम्फीबिया और रेप्टीलिया दोनों में कॉमन क्या होगा या सामान्य लक्षण क्या होगा एम्फीबिया और रेप्टीलिया के मध्य क्या सामान्य लक्षण है या क्या समान लक्षण है ड्राई एंड क्वारिफाइड स्किन ये नहीं हो सकता क्योंकि ये रेप्टीलिया का कैरेक्टर है एम्फीबिया का नहीं है समझ में आ गई ना ये रेप्टीलिया का ही कैरेक्टर है एम्फीबिया का नहीं है एबसेंस ऑफ ईयर पीना ये सही है ये रेप्टीलिया में भी एब्सेंट है और एम्फीबिया में भी एब्सेंट है समझ में ना केवल टिम्पेनम जो होता है वो ही एक्सटर्नल ईयर के रूप में होता है ईयर पीना दोनों में एब्सेंट होता है तो एब्सेंस ऑफ ईयर पीना ये दोनों में नहीं होता है ये दोनों का कॉमन कैरेक्टर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये एम्फीबिया में होता है लेकिन रेप्टीलिया में नहीं होता है रेप्टीलिया में इंटरनल होता है तो ये एम्फीबिया का कैरेक्टर है केवल एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स ऑन स्किन ये ओनली रेप्टीलिया का कैरेक्टर है तो आप समझ रहे हो दोनों में कॉमन वाला आपको पहचानना है जो रेप्टीलिया और एम्फीबिया दोनों में हो तो कौन सा होना चाहिए ऑफ ईयर कर्ण पल्लव का पाया जाना ये दोनों में कर्ण पल्लव की अनुपस्थिति ये दोनों का कॉमन कैरेक्टर हो गया ठीक है तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईयर ईयरपीना की एबसेंस चले आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी क्वेश्चन नंबर एट्टी में इसमें आप देखें सेलेक्ट इन करेक्ट मैच इन करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है तो इसमें आप देख रहे हो गलत मिलान का चयन कीजिए इसमें पहला है टेरोफाइलम फाइटिंग फिश टेरोफाइलम सही है गलत है फाइटिंग फिश नहीं होती टेरोफाइलम जो है वो क्या होता है टेरोफाइलम के लिए कॉमन नेम जो होता है वो होता है एंजिल फिश टेरोम का कॉमन नेम होता है एंजिल इसका मतलब ये गलत हो गया फाइटिंग कौन सी है बेटा जो होती है वो फाइटिंग फिश होती है टेरोफाइलम है तो ये गलत मिलान हो गया गार्डन लिजार्ड करेक्ट टेस्टूडोटोटोइ करेक्ट तो इनकरेक्ट मैच पूछा है तो इनकरेक्ट करेक्ट मैचिंग में फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि टेरोफाइलम का करेक्ट नेम जो है वो एंजिल फिश होता है ना कि फाइटिंग फिश क्लियर चले आगे उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट्टी वन क्वेश्चन नंबर एट्टी वन में आप देखें हाउ मेनी एनिमल्स बिलोंग टू क्लास एवीज इन फॉलोइंग लिस्ट इन लिस्ट में एवीज वर्ग से संबंधित निम्न सूची में कितने जंतु एवीज वर्ग से संबंधित है तो एवीज एवीज वाले आपको छांटने हैं तो एवीज कौन कौन से इनमें पहला कोलंबा कोलंबा दाना भी कबूतर होता है तो पहला कोलम्बा ये एवीज का है स्ट्रूथियो स्ट्रूथियो कौन सा होता है ऑस्ट्रिचे ये भी एवीज है हेमिडेक्टिलस ये रेप्टीलिया है टेरोपस चमगादड़ है एप्टिनोडाइट्स पेंगविन है और प्लेटिपस ये प्लेटिपस जो है वो क्या है ये भी मेमल्स है इसलिए अब आपको देखना है कि इनमें से बर्ड्स जो है वो कितने हैं तो बर्ड्स या एविस वर्ग से संबंधित जो है वो कौन कौन से हो गए एक दो और तीन हो गए तो क्या होना चाहिए आंसर सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा तीन मेंबर जो है वो इसके एविस के मेंबर है क्लियर उसके बाद आगे चलें क्वेश्चन नंबर 82 में तो 82 में आप देखिए इसमें दिया हुआ है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन Oviparity एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट फाउंड इन अब कैरेक्टर आप देखें बाह्य निषेचन होता हो यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का होना बाह्य निषेचन oviparity अंडस्ता यानी अंडे देने वाले हों oviparity एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट फाउंड इन अब आप समझ सकते हैं कोरडेटा में किसका लक्षण संभव है कोरडेटा में यह हो सकता है एम्फीबिया क्योंकि कोलडेटा के अंदर बाकी में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जनरली जो है वो होता ही एम्फीबिया में ही एक में ठीक है तो उसके हिसाब से आप देख लें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी ओवी पेरी डेडे भी देते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं तो एम्फीबिया का मेंबर कौन सा है ब्यूफो ये एम्फीबिया का मेंबर हो गया करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा इसका ब्यूफो क्लियर उसके बाद आगे चलें 83 इसके बाद 83 थ्री में

रेप्टीलिया में जो है वो अलग से आपके दे रखा है कि क्रोकोडिलस जो होता है या क्रोकोडिलिया और मोलस्का जो होते हैं सॉरी क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो होते हैं उनमें फोर चैम्बर डैट है बाकी सब में थ्री चैम्बर डैट है तो कौन सी क्लास इससे रिलेट है रेप्टीलिया से रिलेट हो जाएगा ये तो आंसर इसका करेक्ट जो है वो क्या जाएगा थर्ड आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेप्टीलिया जो क्लास है उसमें ऐसा संभव है ठीक है उसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 84 में आप देखें इसमें दिया हुआ द प्रेजेंस ऑफ। ऑफ्नेथोस्टोमेटा और अग्नेथा जो नाम दिए गए हैं वो ही आप ध्यान रख लें किस बेस पर दिए गए हैं ग्नेथा शब्द का मतलब ही क्या होता है जो ग्नेथा शब्द का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है

ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है जो एग्नेथा में नहीं होता ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 85 में आप देखें इसमें दिया हुआ है विच इज कॉमन बिटवीन स्कॉलियोडोन एंड एग्जोसिटस स्कॉलियोडोन और एग्जोसिटस में क्या सामान्य है तो स्कोलियोडोन एग्जोसिटस में क्या सामान्य है अब यहां आप समझ लें मेन चीज क्या है स्कोलियोडोन और एक्जोसिटस स्कोलियोडोन है वो कार्टिलेजिनस फिश है और एक्जोसिटस एक बोनी फिश है समझ गए दोनों है फिश दोनों पिसीज की मेंबर है लेकिन ये कार्टिलेजिनस है ये बोनी फिश है अब इन दोनों में कॉमन चीज पूछिए क्या होगी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन नहीं हो सकता क्योंकि वो स्कोलियोडोन में है एक्जोसिटस में नहीं है फोर पेयर गिल्स फोर पेयर गिल्स है वो एक्जोसिटस में है वो उसमें नहीं होती मोनोकोंडाइलिक स्कल ये सही है ये दोनों के अंदर पीसीज है तो पीसीज का कैरेक्टर ही होता है कि पीसीज के अंदर जो स्कल होता है वो मोनोकोंडाइलिक होता है केवल एक सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है जो इनके हेड को किसके साथ जोड़ता है इनके वर्टीब्रल कॉलम के साथ जोड़ता है तो वो इनमें मोनोकोंडाइलिक स्कल जो है वो इसके लिए करेक्ट है female, ये किस में में ये ये होता है? पॉसिबल है लेकिन एग्जोसिटस में नहीं हो सकता है। ठीक है तो कॉमन चीज जो है वो क्या इनमें मोनोकोंडाइलिक स्कल का होना ये इन दोनों में कॉमन हो गया क्लियर आगे देखें क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर 86 में इसमें दिया हुआ विच इज द एग्जांपल ऑफ सब फाइलम यूरोकोडेटा कौन सा यूरोकोडेटा का एग्जांपल है तो यूरोडेटा का एग्जांपल जो है वो कौन सा इनमें डोलियोलम जो है वो इनमें यूरोकोडेटा है बाकी आप देख ही रहे हो इनमें ब्रेंक्योस्टोमा ये नहीं होता ब्रेंक्योस्टोमा किसका एग्जाम्पल है ये सफेलोकोडेटा है पेट्रोमाइजोन ये साइक्लोस्टोमेटा है ये हेमिकोडेटा है डोलियोलम ये यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल है क्लियर आगे क्वेश्चन नंबर 87 तो क्वेश्चन नंबर 87 में आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल परफॉर्म रिट्रोग्रेसिव मेटामोस निम्न में से कौन सा रज्जु की जंतु प्रतिगामी का दर्शाता है तो प्रतिगामी कायंत्रण या रिट्रोग्रेसिव मेटामोर्फोसिस जो होता है वो कौन से वर्टिब्रेट एनिमल में होता है ये सॉरी कोर्डेट एनिमल में होता है ये यूरोडेटा के अंदर होता है और यूरोडेटा के एग्जाम्पल जो है वो इनमें कौन सा है का एग्जाम्पल है एसिडिया तो एसिडिया के अंदर रिट्रोग्रेसिव संभव है ठीक है जिसमें क्या होता है एडवांस है, होते हैं उस कंडीशन में जो मेटामोरफोसिस है वो रिट्रोग्रेसिव मेटामोरफोसिस होती है क्लियर किसमें होती है यूरोकोडेटा में ये यूरोकोडेटा में होती है जो एसीडिया है क्लियर उसके बाद आप देखें एट्टी एट 88 में दिया हुआ मोइस्ट स्किन विदाउट स्केल्स नम त्वचा बिना सल्क के नम त्वचा एलिमेंट्री के नाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इन टू रेस्पिरेशन बाय बाई गिल्स लंग्स थ्रो स्किन अबो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सभी किसके लक्षण हैं ये सारे कैरेक्टर क्लोएका का पाया जाना है स्किन का होना ये सारे एम्फीबिया के कैरेक्टर के हो गए तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड एम्फीबिया तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो इसका हो गया थर्ड एम्फीबिया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट 89 मार्क द एक्वेटिक मैमल इन फॉलोविंग इनमें से एक्वेटिक मैमल जो है वो कौन सा है एक्वेटिक मैमल बेलेनोपटेरा ये ब्लू बेल होती है ये एक्वेटिक है बाकी ये सारे टेरेस्ट्रियल है समझ आ रही भी ये सारे टेरेस्ट्रियल है, ये है, जो क्या होती है ब्लू बेल होती है।, उसके बाद आप देखें, 90, कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था जो होता है वो फोर चैम्बर रेप्टाइल है जो आपने पहले भी देखा था कि इनके अंदर एक बार जिक्र किया था मैंने रेप्टाइल बत, बताते समय इनके अंदर क्रोकोडाइल और एलिगेटर ऐसे होते हैं जिनमें फोर चेम्बर्ड हर्ट होते हैं क्लियर तो इसमें आप देख रहे हैं कि सारे 90 क्वेश्चन है सारे एनसीआर के क्वेश्चन है उम्मीद है आपके सारे अच्छे से हुए होंगे अब आगे नेक्स्ट सेशन में अपन स्टार्ट करते हैं 91 वन से वन एटी तक के क्वेश्चन हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं अपने बायोडीटी टेन नंबर का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन से इसमें हिस्टोलॉजी और मोर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग एंड कॉकरोच क्लियर तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन में आप देखिए द वोल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल्स स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेंस एक्स टू एल्टर देयर डायमीटर एक्स रेफर टू इसका मतलब ये दे है इसमें आंतरिक अंगों जैसे रुधिरवाहिनी आमाशय और आंतरिक की भित्ति में अक्ष उत्तक होता है कोई जो इनके व्यास में परिवर्तन करता है यानी इनको फैलाता है सिकुड़ता है तो यहाँ एक्स कौन सा टिश्यू होना चाहिए तो नर्वस टिश्यू मस्कुलर टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा मस्कुलर टिश्यू जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि जो डायमीटर कम ज्यादा करना है या जो इनमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा वो किसके कारण पॉसिबल है मस्कुलर टिश्यू के कारण पेश यूथ के कारण पॉसिबल है क्लियर तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 92 में है अराइवल ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस एट द न्यूरोडिंग ट्रीगर्स इवेंट्स दैट मे कोज ये आपके एन सी आर टी एन सी आर टी से लाइन दी हुई है अराइवल ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस एट द न्यूरो एंडिंग ट्रिगर्स इवेंट्स दैट मे कोज तो उसमें क्या कर सकता है जो नर्व एंडिंग होती है नर्व के एंड पार्ट पे जब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहुंचता है तो उस समय वो क्या कर सकता है स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर सकता है इनिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरोन उसके साथ जो जुड़ी हुई न्यूरोन है उसको इनिबिट भी कर सकता है करेक्ट बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड तो इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड तो ये कंडक्शन ऑफ इंपल्स इन एनी डायरेक्शन ये इसके लिए नहीं होगा क्लियर तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा थर्ड हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों चीजें जो है वो इसमें तो वो हो सकती है स्टीमुलेट भी कर सकता है उसको इनिबिट भी कर सकता है क्लियर इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्कुलर निम्न में से कौन सा उत्तक एसंवहनीय सहतस्थिया कंकाली पेशियां स्तरित कला वशी उत्तक तो कौन सा होता है तो ये स्टेटिफाइड स्क्वेमस एपिथिलियम जो है वो कैसा हो जाएगा इसमें ये स्टेटिफाइड एपिथीलियम है वो ए वस्कुलर होता है बाकी सारे वस्कुलर टिश्यू होते हैं क्लियर तो ए वस्कुलर टिश्यू या नॉन वस्कुलर टिश्यू अगर हम देखें एसवनी तक तो कौन सा होता है एपिथीलियम जो टिश्यू है वो एसवैनीय या ए वस्कुलर टिश्यू होता है क्लियर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 नंबर 94 फोर में आप देखें सेलाइवरी ग्लैंड सिबेशियस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड पीनियल ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड हाउ मेनी ग्लैंड्स आर एक्जोक्राइन इन नेचर इनमें से कितनी ग्रंथियां जो है वो एक्जोक्राइन है तो एक्जोक्राइन ग्लैंड जो है वो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है तो इसमें आप देख सकते हैं पहली सेलाइवरी ग्लैंड एक्जोक्राइन है

Four जो है वो इसमें इसमें हो हो तो ये गई बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप न पड़ोसी कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं तो कौन सी सेल जंक्शन या कौन सी कोशिका संधि जो है वो एडजेसेंट सेल को आपस में इंटरकनेक्ट करती है आपस में जोड़ के रखने का काम करती है तो वो कौन सी होती है इनमें एधेरिंग जंक्शन जो होता है वो इनमें आपस में जोड़ने का काम करेगा न्यूरॉन्स को तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा एधेरिंग जंक्शन फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा एधेरिंग जंक्शन वाला तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा एधेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टूगेदर करेक्ट क्लियर अब इसके बाद नेक्स्ट 95 के बाद देखें 96, 96 में इसमें आप देखें फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ निम्न में से कौन सा कथन गलत है तो इसमें आप देखें निम्न में से कौन सा कथन गलत है इंटरसेलुलर मेटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड उपास्थि का इंटरसेलुलर मेटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड सही है बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन लेक्यूनी ये करेक्ट है पूछा गया इनमें इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन लेक्यूनी उसके बाद थर्ड कम्युनिकेशन जंक्शंस आर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स और नेक्स्ट है बोन एज प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस तो ये इसके लिए इन करेक्ट हो गया इंटरसेलर मैट्रिक्स कार्टिलेज का सॉलिड होता है करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है Bone cells are present in raccoon, ये correct है बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन ये कम्युनिकेशन जंक्शन आर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स ये भी मसलस इंटर कैलेटेड डिस्क होती है इनमें कम्युनिकेशन जंक्शन के लिए तो ये भी इसके लिए करेक्ट है तो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया वो कौन सा हो गया इनमें बोन हैज हैज्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस कैसा होता है कार्टिलेज का प्लाइबल सब्सटेंस होता है बोन का कैसा होगा बोन का जो है वो कैसा होगा ये अनप्लीएबल होगा या अन अन होता है ये तो नॉन प्लेएबल होगा फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया समझ गए ना रोंग पूछा है तो अपने को रोंग वाला जो है वो आइडेंटिफाई करना है तो ये क्या होगा बोन एज प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस ये इसका गलत है कैसा होगा ये नॉन प्लाइए होगा तब ये सही होता है स्टेटमेंट क्लियर इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 व्हेन टू और मोर ऑर्गेन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन दे फॉर्म जब केदेवा दो या दो से अधिक अंग अपनी भौतिक व रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं तो वो एक क्या बनाते हैं दो या दो से ज्यादा अंग आपस में इंटरेक्ट होके जो है वो क्या बनाएंगे तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे तो ये इसके लिए करेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा ये ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन जो है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम क्लियर तो ये इसमें करेक्ट हो गया इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट विद रेफरेंस टू न्यूरल टिश्यू न्यूरल टिश्यू तंत्रिका उत्तक के संबंध में कौन सा कथन गलत है इनकरेक्ट पूछा है तो नेगेटिव अप्रोच वाला क्वेश्चन है इसमें इनकरेक्ट पहचानना पहचान आपको स्टेटमेंट कौन सा होगा पहला दे रखा है ऑल सेल्स आर एक्साइटेबल इन दिस टिश्यू सभी कोशिकाएं इस उत्तक की सभी कोशिकाएं उत्तेजनशील होती है तो so, यही इसके लिए इनकरेक्ट होगा स्टेटमेंट कारण इसमें न्यूरोग्लियल सेल और न्यूरोन दो तरह की सेल है दोनों में से न्यूरोन जो होती है वो केवल एक्साइटेबल होती है न्यूरोग्लियल सेल एक्साइटेबल नहीं होती इसलिए ये स्टेटमेंट इसके लिए गलत हो गया ऑल सेल्स आर एक्साइटेबल इन दिस टिश्यू दिस टिश्यू एक्जर्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज टू कंडीशन एनसीआरटी की लाइन है न्यूरल टिश्यू में ये करेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरोन ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये न्यूरोन को सपोर्ट भी करती है प्रोटेक्ट भी करती है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट उसके बाद आप देखें न्यूरोन आर यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम ये करेक्ट है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसका फर्स्ट हो जाएगा क्लियर तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन इसमें देखेगा चूज द ओड वन विद रेफरेंस टू लोकेशन ऑफ नॉन स्टेटेड इनवॉलेंट्री मसल्स एरेखित और अनैच्छिक पेशी की स्थिति के संबंध में विषम को पहचानी है तो स्थिति के संबंध में पहचाना है तो नॉन स्टेटेड मसल्स कहाँ नहीं होती है तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स की वॉल में भी होती है स्टमक में भी होती है इंटेस्टाइन में भी होती है हार्ट में नहीं होती क्लियर तो हार्ट में नहीं होती इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या जाएगा इसका विषम या ओड वन जो हो गया वो क्या हो गया इसका हार्ट है वो ओड वन हो गया बाकी सब में प्रेजेंट होती है क्योंकि विसरल मसल्स होती है नॉन स्टेटेड नॉन स्टेटेड मसल्स का नाम ही क्या है विसरल मसल्स तो ये सारे विसरल ऑर्गेन्स में होती है लेकिन हार्ट में कार्डियक मसल्स होती है क्लियर तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो इसका फोर्थ हो जाएगा क्लियर इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हंड्रेड इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर हंड्रेड में इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फीचर ऑफ द लेबल्ड पार्ट ए इन द गि डायग्राम ऑफ कॉकरोच कोक्रोच के इस डाय में ए से जो रिप्रेजेंटेड पार्ट है उस पार्ट के बारे में आपको करेक्ट फीचर बताने उसके की करेक्ट फीचर इसके लिए कौन कौन से है तो लेबल्ड पार्ट जो शो कर रखा है वो किसको शो कर रहा है ये यहाँ ए जो शो कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है वो हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है ए इसके हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको हेड के बारे में बताना है कि इसके लिए करेक्ट फीचर्स कौन से हैं पहला देर का करेक्ट है। फ्यूजन के मिलने से बना होता है करेक्ट है सर्कुलर यह गलत है कैसा होता है ट्राइंगर हर्ट होता है यह ट्राइंगर होता है इसका हेड तो यहां क्या आना चाहिए था ट्राइ होता तो सही होता सर्कुलर इसलिए यह गलत है सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल एक लचीली ग्रीवा के कारण सभी दिशाओं में जो है वो गति कर सकता है ये भी सही है इसके लिए तो करेक्ट फीचर्स पूछा है तो करेक्ट फीचर्स कौन कौन से हो गए इसके ए बी एंड डी सी वाला केवल गलत है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो इसका हो जाएगा थर्ड क्लियर उसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 101 101 में दे रखा है फोर ब्रेन इन फ्रोग नॉट इंक्लूड फ्रोग के फोर ब्रेन में या अग्र मस्तिष्क में कौन सा भाग नहीं होता क्लियर इसमें आप देखें पहला पेयरडोल फैक्ट्री लोब होते हैं करेक्ट है ये प्रेजेंट होते हैं इसमें नहीं होता है ये आपको बताना है पेयरडोब ऑप्टिक लोब ऑप्टिक लोब जो है वो इसके मिड ब्रेन में होते हैं हिंड ब्रेन में नहीं होते सॉरी फोर ब्रेन में नहीं होते ऑप्टिक लोब जो है वो किसका पार्ट है है मिड ब्रेन 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 का पार्ट फोर फोर में में नहीं होता हैल एमोस्फेयर भी होगा सही है पेयर्ड सेरिब्रल भी होता है तो कौन सा नहीं होता है तो डज नॉट इंक्लूड पेयर्ड ऑप्टिक लोब जो है वो इसमें नहीं होते इसकी जगह ये कहा होते हैं मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लियर तो करेक्ट आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू इसमें आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रांसपोर्ट बोथ एंड यूरिन इन में निम्न में से कौन सी संरचनाएं मेंढक में शुक्राणु और मूत्र दोनों का परिवहन नहीं करती है यानी जिसमें यूरिन और स्पम्प दोनों का ट्रांसपोर्ट नहीं होता हो केवल एक ही चीज ट्रांसपोर्ट हो रही हो तो इनमें पहला दे रखा है यूरेटर यूरेटर में दोनों चीज़ें आएंगी क्योंकि फ्रोक के अंदर ये दोनों जो है वो क्या हो गई दोनों यूरेटर के अंदर आने के बाद जो है वो स्पर्म का और यूरिन का दोनों का एक साथ ट्रांसपोर्ट चलता है इसलिए इनके अंदर जो है वो यूरेटर में दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है बीडर कैनाल जो होती है उसमें ओनली स्पर्म होते हैं इसके अंदर ये यूरिन का ट्रांसपोर्ट इसमें नहीं होता फिर क्लोयका में दोनों आ जाते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड तो ये इसमें नहीं होगा तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका बीडर कैनाल जो है वो इसमें ऐसी कैनाल है जिसमें ओनली स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है यूरिन नहीं होता क्लियर तो करेक्ट आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द मिसमेट विद रेफरेंस टू फ्रॉग मैंडक के संबंध में मिसमे या गलत मिलान को पहचानिए जॉइन द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट हार्ट के राइट एट्रियम पर प्रेजेंट होता है तो यह इनमें साइनस विनोस कहा होता है राइट एट्रीय के साथ जुड़ा होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है वीनाकेवा से करेक्ट उसके बाद कॉनस आरटीरियोस प्रेजेंट ऑन वेंटल सरफेस एंड सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है ब्लड सप्लाई करने के लिए कौन सा नहीं होती लिम्फ में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम स्पेशल आर्टीरियल कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन ये यहां इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया अब यहां मिसमैच क्यों है अब आप समझ लें यहां गलत क्यों है क्योंकि आर्टेरियल की जगह ये कौन सा सिस्टम होता, होता है ये वैन का कनेक्शन होता है अब ये मिसमैच हो गया रॉन्ग हो गया ये इसमें क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर अब इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 104 तो क्वेश्चन नंबर 104 में इसमें आप देख रहे हो द स्ट्रक्चर नोट लाइनड बाय काइटिनस क्यूटिकल इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कोकरोच कोकरोच की आहार नाल में काइटिन युक्त क्यूटिकल से आस्तरित संरचना नहीं है तो कोकरोच में एक चीज आपको ध्यान है फोरगट और हिंडगट जो है वो पूरी तरीके से क्यूटिकल से लाइनड होती है लेकिन मिडगट पर क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती क्लियर तो ऐसा पार्ट जो है वो इसका केवल मिडगट होता है एलिमेंट्री कैनाल का जिसमें क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती बाकी चाहे फोरगट हो चाहे हिंडगट हो पूरी क्यूटिकल से लाइंड है तो ये फोरगट का पार्ट है ये फोरगट है ये भी फोरगट है इलियम हिंडगट का पार्ट है मिडगट जो होती है ये क्या होती है ये मिडगट जो है वो क्यूटिकल से लाइंड नहीं होती नोट लाइन पूछ रहा है तो नोट लाइन इसका मतलब आंसर मिडगट आ जाएगा क्लियर समझ में आ रही बात आगे चलें क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर इनसाइज़िंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड तो ये इनमें से कौन सी संरचना भोजन को पीसने चबाने के लिए जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में या युग्मित संरचना के रूप में पाई जाती है तो युग्मित संरचना के रूप में जो पाई जाती है वो स्ट्रक्चर अपने को बताना है इसमें तो कौन सी होनी चाहिए ये इनमें पेड स्ट्रक्चर तो वजन को कुतरने और पीसने के लिए जो पेड स्ट्रक्चर है उसमें लेब्रम मैंडिबल हाइपोफेरिंग्स लेबियम ए ओनली ये कौन सी होती है इसके लिए मैंडिबल होता है तो इसका मतलब ए ओनली बी ओनली एंड सी सी एंड डी तो इनके अंदर जो है वो क्या होती है फूड के इनसाइजिंग करने के लिए फूड इनसाइज और ग्राइंड करने के लिए जो होती है वो इनमें मैंडिबल होता है ओनली तो इसलिए कौन सा हो जाएगा ये इसमें बी ओनली सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर तो इसमें बी ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स द मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स इज कवर्ड बाई तो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स की जो मॉइस्ट सरफेस है वो किस तरह के कनेक्टिविटी किस तरह के टिश्यू से लाइंड होती है सिंपल कॉलमनर एपिथिलियम नहीं होता तो सिंपल एपिथिलियम के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में देखा कंपाउंड एपिथिलियम तो ये पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं द मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स तो बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स इज कवर्ड बाई तो किससे लाइंड होता है किससे कवर्ड होता है सिंपल कॉलमनर एपिथिलियम नहीं होगा कंपाउंड एपीथिलियम डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो ये करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका कंपाउंड एपिथीलियम से लाइंड होता है ये क्लियर एन की लाइन है ही एनसीआर में दे रखा है कि इसके मोइस्ट सरफेस बक्कल कैविटी और फेरिंग्स की किससे कवर्ड है तो ये कंपाउंड एपिथिलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर जिसमें देखें क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स में वन जीरो सेवन टिक मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट अब यहाँ आप देखें भी सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है उसमें आप ये वहां देख लें कि उसकी नेगेटिव अप्रोच से क्वेश्चन है या फिर वो पॉजिटिव क्वेश्चन है तो उसमें दिया हुआ क्या है टिक मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है इसने तो इनकरेक्ट बताना आपको इसमें तो सबसे पहली चीज है फॉल्स स्टेटमेंट ए फीमेल फ्रॉग कैन ले 2500 टू 3000 ओवा एट ए टाइम करेक्ट स्टेटमेंट है ये एक फीमेल फ्रॉग जो है वो एक बार में 2500 से तीन अंडे देती है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन टेक्स प्लेस इन वाटर करेक्ट है फ्रॉग में हमेशा कैसा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जो पानी में होता है इन फीमेल फ्रॉग ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देयर इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी यहाँ आप देखें ये इनकरेक्ट हो गया और इनकरेक्ट क्यों है क्योंकि यहाँ दे रखा है देयर इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी यहाँ ये स्ट्रक्चरली तो उसके साथ जुड़ी हुई होती है लेकिन फंक्शनली इसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता तो फंक्शनली जो है वो उसके साथ में ये ओवरी के साथ ओवरी जो है वो किडनी के साथ कहीं भी जुड़ी हुई नहीं होती है स्ट्रक्चरली उसके साथ अटैच है लेकिन फंक्शनली दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होता क्लियर तो ये थर्ड जो है वो इसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट हो गया टेडपोल अंडर गोज मेटामोस टू ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है तो इसका इनकरेक्ट या स्टेटमेंट जो है वो थर्ड हो जाएगा तो करेक्ट आंसर थर्ड अब इसमें देखें 108 जीरो एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन परफॉर्मड बाई हिमोलिम्फ ऑफ कोक्रोच कॉक्रोच so, के हिमोलिम के लिए कौन सा कार्य जो है वो कॉकरोच का में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता हिमोलिम्फ जो है को का, उसमें आपको ध्यान होगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता ब्लड मान लो कॉक्रोच का हिमोलिम्फ कहते हैं उसको उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता इसका मतलब क्या है कि जैसे हिमोग्लोबिन की तरह रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो रेस्पिरेटरी गैसों के ट्रांसपोर्ट में कोई रोल प्ले नहीं कर सकता क्लियर तो पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये करेगा न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स ये भी न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ये नहीं कर सकता समझ आ गई क्योंकि हीमोलिम्फ में कहीं भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो रेस्पायरिटी पिगमेंट नहीं होने के कारण ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता ट्रांसपोर्ट ऑफ ये ये भी ये भी पॉसिबल है कर सकता है लेकिन ऑक्सीजन और सीओ टू का ट्रांसपोर्ट नहीं करता क्लियर तो करेक्ट तो आंसर जो है वो इसमें क्या हो जाएगा थर्ड जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 जीरो ऑफ कॉकरोच कंपोज्ड ऑफ हिमोलिम्फ का कंपोजिशन आपको देखना है कि हिमोलिम्फ में क्या चीजें प्रेजेंट होती है तो हिमोलिम्फ में ओनली हीमोसाइट्स होती है और कलरलेस प्लाज्मा होता है हीमोसाइट के अलावा किसी तरह की आरबीसी डब्ल्यू बी प्लेटलेट्स इसमें नहीं होती और प्लाज्मा जो होता है उसमें भी कोई पिगमेंट नहीं होता इसलिए वो कलरलेस प्लाज्मा होने के कारण इसको हिमोलिम्फ कहते हैं क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो हिमोलिम्फ में क्या जाएगा कॉकरोच

कैल्सिफाइड व्हाइट फाइब्रस व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो सबसे मजबूत उपास्थि है तो करेक्ट आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा इसका वाइट फाइब्रस कार्टिलेज ये सबसे मजबूत होती है और कैल्सिफाइड ये सबसे हार्डेस्ट होती है इसमें एक बात ध्यान रखिए भाई बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं हार्डेस्ट कार्टिलेज पूछा जाए तो कैल्सीफाइड स्ट्रोंगेस्ट पूछा जाए तो व्हाइट फाइब्रस क्लियर यहाँ तो ये हार्डेस्ट नहीं पूछा यहाँ सबसे मजबूत पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होगी क्लियर तो इसमें नेक्स्ट वन हंड्रेड इलेवन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है यहां तो यहां इनकरेक्ट स्टेटमेंट गलत कथन को पहचानिए तो गलत कथन में इसमें आप देखिए फर्स्ट दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड आर रिलीज थ्रो डक्ट तो सेलाइवरी ग्लैंड डक्ट डाइवरी ग्लैंड का जो प्रोडक्ट होता है वो डक्ट के थ्रू रिलीज होता है यानी डक्टेड ग्लैंड है तो सही है ये एक्जोक्राइन होती है हैसेलुलर ग्लैंड गोबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल गोबलेट सेल याचसक को सिखाएं कैसी होती है यूनिसेलुलर ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है करेक्ट है एनसीआरटी की लाइन है उसके बाद है कॉलमनर और क्यूबोडल सेल्स बी आर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस टू मूव पार्टिकल्स इन द इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ये भी करेक्ट कॉलमनर और क्यूबोर्डल सेल्स की फ्री सरफेस पर जो सीलिया होते हैं वो इन पार्टिकल्स के एक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं उसके बाद आप देखें फोर्थ में सेल्स ऑफ एपिथीलियल टिश्यू आर लूजली अरेंज विद लार्ज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ये यहाँ आके गलत कर दिया लूजली अरेंज होने की बजाय एपीथीलियल टिश्यू की सेल कॉम्पैक्टली पैक होती है एनसीआर में दिया हुआ है एप्पीथीलियल टिश्यू

आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेल्व सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ ऑर्गेन्स विद फंक्शन इन कोक्रोज। कोक्रोज में अंग और उसके कार्य के संबंध में सही मिलान का चयन कीजिए हिपेटिक सिकी फंक्शन दे रखा कलेक्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम हिमोलिम्फ करेक्ट है या इनकरेक्ट है हिपेटिक सिकी का, का काम डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करना है और ये फंक्शन जो कर रही हैं वो कौन करेगा इसमें तो हिपेटिक सिकी इसका फंक्शन है वो तो क्या होता है सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है तो ये तो गलत हो गया नाइट्रोजिनस वेस्ट को कलेक्ट करने का, का काम किसका है मेलपीजियन ट्यूब्यूल का है तो ये इनकरेक्ट है गिजार्ड ग्राइंडिंग ऑफ फूड करेक्ट सेट है मेलपीजियन ट्यूब्यूल सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये किसका इसका काम क्या एलपीजी ट्यूबल का ये होता है कलेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट मिडगट स्टोरेज ऑफ फूड ये भी गलत है स्टोरेज ऑफ फूड कौन करेगा क्रॉप जो है वो फूड को स्टोरेज करता है तो ये भी इनकरेक्ट है करेक्ट जो मैचिंग है इसकी यहां वो है गिजार्ड की कि गिजार्ड क्या करता है फूड को ग्राइंड करने का काम कर रहा है तो करेक्ट आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा उसके बाद आप देखें 113. वेक्ट विद रेफरेंस टू नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र के संबंध में क्या गलत है तो यहां भी क्या पूछा है इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट जो है वो इनमें से कौन सा होगा तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आप देखिए इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटल सेगमेंटली अरेंज गैंगलिया तो कंप्लीट आप देखते हो थॉरैक्स और एबडोमिन के अंदर जो है वो क्या होता है सेगमेंटल गैंगलियोन की एक सीरीज जो है वो पूरी बनी होती है तो इस टाइप से सेगमेंटल गैंगलियोन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर प्रजेंट होंगे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं नर्वस सिस्टम में इस टाइप से प्रेजेंट होंगे और सेकेंड दे रखा है सीरीज ऑफ सेगमेंटल गेंग्लिया ज्वाइंट बाई सिंगल लॉन्टनल कनेक्टिव तो ये क्या दे रखा Gang, हो गई हो गई गैंगलिया से ये कनेक्ट नहीं होती किससे होती है डबल होती है यह कंप्लीटली डबल कनेक्टिव चलेगी ये, ये चले इसलिए ये क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया इसमें क्या पूछा है इनकरेक्ट पूछा है सेकेंड इनकरेक्ट हो गया नर्वस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी ये सही है पूरी बॉडी में फैला होता है थ्री गैंगलिया लाइज इन थोरक्स एंड सिक्स इन एबडोम ये भी सही है तो ये इनके अंदर जो है वो इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट क्यों है इनकरेक्ट क्योंकि यहां सिंगल की जगह क्या आना चाहिए था डबल आता तो ये करेक्ट हो जाता इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया सेकेंड क्लियर अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 114 हंड्रेड 114 में दिया हुआ है the brain of is represented by, का मस्तिष्क किससे रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है? Ganglion, तो करेक्ट हो जाएगा इसका ganglion से करते हैं इसको एनसीआरटी में दिया हुआ बाकायदा की सुप्राइसोजियल गेंगलियन रिप्रेजेंट द ब्रेन ऑफ कॉकर सप्लाई नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड क्लियर तो ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा आगे चलें नेक्स्ट इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 115 व्हाट फंक्शन ऑफ एक्स इन डायग्राम शानदार क्वेश्चन है इसमें आप देखिए डायग्राम को सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्स से लेबल किया गया डायग्राम है इस एक्स से लेबल्ड डायग्राम में आपको पहचानना कि एक्स क्या चीज है तो यहां ये एक्स से लेबल कर रहा है तो किसको लेबल कर रहा है ये ये है को लेटीरियल ग्लैंड कौन सी ग्लैंड हो गई है? को लेटीरियल ग्लैंड है ये तो ये इसमें को लेटीरियल तो इसमें ये कोलेटीरियल ग्लैंड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्स यहाँ को ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या काम कर सकती है यहाँ कोलेटीरियल ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है ये उथिका की फॉर्मेशन करती है तो पर्स लाइक -like जो स्ट्रक्चर बनती है फीमेल फ्रोग में वो किसके कारण बनती है कोलेटीरियल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है तो को ग्लैंड जो डाइड्रोक्सीफिनोल सिक्रिएट करती है वो पर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा वो उथिका होती है तो क्या करें आंसर हो जाएगा इसका रिसीव मेल पार्टनर ट्रांसफर ओवर टू जीटल चेंबर गलत हो गया एक्ट एजोट इन फीमेल फॉर्मेशन ऑफ आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा कि ये उथिका की फॉर्मेशन करता है क्लियर इसमें आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्रेड सिक्सटीन इसमें दिया हुआ विच टाइप ऑफ विजन इज नॉट फाउंड इन कॉकरोच कॉकरोच में किस तरह का विजन किस तरह की दृष्टि नहीं होती है तो कॉकरोच में एक बात आप ध्यान रखें इंसेक्ट में दो तरह की इमेज या दो तरह की विजन होती है एपोजिशन या मोजेक और दूसरी होती है सुपर पोजिशन विजन तो कॉकरोच के अंदर जो होती है वो इंसेक्ट में दो होने के बावजूद भी कॉकरोच के अंदर चाहे वो लाइट में हो या फिर वो हाई लाइट में हो दोनों ही कंडीशन में इनमें हमेशा मोजेक विजन ही चलता है इसमें कभी भी सुपर पोजिशन विजन जो है वो इसमें नहीं होती और मोजेक विजन को ही कहते हैं, एपोजिशन भी कहते हैं हैं विजन भी इसी में एक लेस मोर सेंसिटिव होगी बट लेस रिजोल्यूशन मोजेक विजन में ही होता है नॉक्टर्नल विजन रात्रि चर दृष्टि होती है रात्रि को ही जो है वो कॉकरोच बाहर निकलते हैं इसका मतलब ये इसके लिए सही है मोजेक विजन भी सही है सुपर पोजिशन इमेज सुपर पोजिशन विजन कॉकरोच में कभी नहीं होती

तो किससे इंसेक्ट को अपनी बाइलोब्ड टंग से पकड़ता है इसकी जो टंग होती है पीछे का सिरा कैसा होता है इनमें बाइलोब्ड होता है द्वीपालित होता है और यह क्या करती है पूरी टंग को इवर्ट करती है बाहर और उसमें इंसेक्ट को पकड़ के वापस अपनी बक्कल केविटी में ले लेती है तो इसका मतलब कैप्चर फूड तो फूड को कैप्चर करने के लिए इनमें क्या होती है टंग जो है वो इनमें फूड कैप्चरिंग के लिए हेल्प करती है क्लियर ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट विद रेफरेंस टू रेस्पिरेशन इन फ्रोग फ्रोग में रेस्पिरेशन के लिए मेंढक में श्वसन के लिए कौन सा इन स्टेटमेंट होगा तो इनकरेक्ट बताना है इसमें आपको तो फ्रोग में इसके लिए इन करेक्ट पानी में क्यूटेनियस रेस्पायरेशन या जल में तो अच्छी है करते हैं सेकेंड दे रखा है ऑन लैंड फ्रोग रेस्पायर ओनली थ्रो लंग्स ये इसमें इनकरेक्ट हो गया ओनली लगाने के कारण जो है वो यहां इनकरेक्ट हो गया क्यों क्योंकि लैंड पर रहते हुए फ्रोग पल्मोनरी रेस्पायरेशन भी करता है स्किन से भी करता है और इसके अलावा ये बक्को फेरजियल कैविटी से भी करता है समझ में आ गई तो ये क्या दे रखा है ऑन लैंड फ्रोग रेस्पायर ओनली थ्रो लंग्स तो ओनली थ्रो लंग्स से नहीं करता ये किससे करता है स्किन के थ्रू भी करता है और बक्को फेरजियल कैविटी से भी करता है ड्यूरिंग समर स्लिप गैस इज एक्सचेंज टेक क्लोज थ्रो स्किन सही है वाटर में ये भी सही है द रेस्पाइरेशन बाई लंग्स इज कोल्ड पल्मोनरी रेस्पाइरेशन ये भी सही है तो क्या पूछा है इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट के हिसाब से ऑप्शन इसके लिए सेक्ट हो जाएगा इसके बाद देखें वन हंड्रेड नाइनटीन में इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज एंड बोन द कार्टिलेज एंड बोन सेल्स आर सिचुएटेड इन फ्लूड स्पेस दीज आर नॉन एज ये किसमें प्रेजेंट होती है कार्टिलेज और बोन्स की मैट्रिक्स में इनकी सेल जो कॉन्ड्रोसाइट और ऑस्टियोसाइट होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है लेक्यूनी में प्रेजेंट होती हैं तो वो फ्लूड स्पेस जो है वो क्या होते हैं इनके लेक्यूनी तो करेक्ट आंसर जो है वो ग्लैक्यूनी या गर्थी का सेकेंड आंसर जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा ये लेक्यूनी में होते हैं उसके बाद देखें ड्रेड ट्वेंटी वन हंड्रेड ट्वेंटी में विच ऑफ द फॉलोविंग स्ट्रक्चर इन फीमेल कॉक्रोच मादा कॉकरोच में अनपेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी होगी तो इनमें आप देखें ओवरी ओवरी पेयर्ड होती है एक जोड़ी जो है वो इसमें अंडा से होते हैं स्पर्मेथिका ये भी पेयर्ड है वेजाइना अनपेयर्ड होती है दोनों तरफ से जो ओविडक्ट आ जाती है तो दोनों तरफ की ओविडक्ट आके मिलके और फिर ये एक कॉमन ओविडक्ट जो बनाती है ये वेजाइना ये इसमें क्या हो जाएगी अनपेड स्ट्रक्चर है और बाकी सारी जो है वो पेयर्ड है क्वालियरियल ग्लैंड है वो भी पेयर्ड होती हैं समझ गए तो ये पेयर्ड है तो पेयर्ड वाली जो है वो ये हो गई सारी अनपेड बतानी आपको तो अनपेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी है अनपेयर्ड स्ट्रक्चर में आ जाएगा वेजाइना क्लियर डायग्राम में आपने देख रखा है ये अनपेड स्ट्रक्चर है क्लियर इसके बाद आप देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 सेंस ऑर्गन्स विच आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग्स इन फ्रोग आर मेंढक में संवेदी अंग जो तंत्रिकीय सिरों के चारों तरफ कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं एनसीआरटी की लाइन है इसमें वो आपको बताना है जहां सेलुलर एग्रीगेशन होता हो नर्व एंडिंग के चारों तरफ वो किन किन में होता है तो उसमें आपके बुक में दे रखा है आई एंड ईयर आर सेंस स्पेशर्गेन इन फ्रोग एंड अदर सेंस ऑर्गेन्स आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग इन फ्रोग क्लियर यानी आई और ईयर के अलावा ये तो क्या है आई और ईयर जो है वो स्पेशल कंपोज जो है वो इनके सेंस ऑर्गेंस होते हैं बाकी इनके अलावा जो है वो क्या होंगे बाकी सारे जो है वो सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं सेंस ऑर्गेंस में तो इसमें आप देखो सेंसरी पेपिली इंटरनल ईयर तो यहाँ इंटरनल ईयर आ गया इसलिए शामिल नहीं है नेपिथिलियम आई यहाँ आई आ गया इसलिए शामिल नहीं है उसके बाद टेस्ट बर्ड इंटरनल ईयर तो यहां इंटरनल ईयर को शामिल कर दिया ये नहीं होगा सेंसरी पेपिली नेजल तो ये दोनों ही जो है वो क्या है ये सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग इन फ्रोग क्लियर तक? तो आई और ईयर के अलावा यानी सेंसरी पेपिली और नेजल एपिथिलियम दोनों में आई और ईयर शामिल नहीं है इसलिए ये कैसा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ क्लियर आगे देखें तो so, 122 वासाई फ्रेंचिया आर इन नंबर दराइज फ्रॉम टेस्टिस विच एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इन टू बी एंड बी रेफर्स टू फ्रेंचिया जो है वो फ्रोग में कितनी होती है नंबर्स में वृषण से निकलने वाली शुक्र अपवाहिकाई संख्या में ए होती है जो अपनी तरफ के व्रक में प्रवेश कर बी में खुलती है ए तथा बी व्यक्त करते हैं वास््रेंस संख्या में कितनी होती है दस से बारह होती है और किडनी के अंदर आकर जो है वो अपनी साइड की किडनी में आकर खुलती हैं और किडनी में आने के बाद प्रवेश करने के बाद कहाँ खुलेंगी वो बीडर कैनाल में खुलती हैं इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए संख्या में 10 से 12 यहाँ क्लोई का दे रखा है 10 से 12 है दो और तीन में दे रखा है तो थर्ड जो है इसमें आप देखें साथ में क्या दिया बीडर कैनाल में खुल रही हैं तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा टेन टू ट्वेल्व बी आ जाएगा बीडर्स के नाल क्लियर ये करेक्ट आंसर हो गया इसका उसके बाद वन ट्वेंटी थ्री शुडोपेटर आर द पार्ट ऑफ मेल इन मेल आर द पार्ट ऑफ इन मेल कॉक्रोच तो मेल कॉक्रोच में किसका पार्ट है, -penis, -penis है? तो ये शुडो पेनिस नर कॉक्रोच में शुडो पेनिस और टिटीलेटर किसके भाग होते हैं तो ये लेफ्ट फेलोमियर के भाग होते हैं तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें क्या आएगा लेफ्ट फेलोमियर डायग्राम में दे रखा है थ्योरी में कहीं नहीं दे रखा है ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लें डायग्राम में लेफ्ट फेलोमियर के अंदर लेबलिंग करके बता रखी है कि लेफ्ट फेलोमियर में ये शुडोपेनिस है ये उसका टीटिलेटर है तो आप कहीं इसमें ये दिमाग नहीं लगाएं कि थ्योरी में कहीं दे ही नहीं रखा इसको समझ गए एनसीआरडी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो दोनों लेफ्ट फेलोमियर के पार्ट है शुडोपेनिस भी होता है टीटी लेटर भी होता है इसमें क्लियर ये करेक्ट आंसर सेकंड हो गया इसका उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर वेर इज द एंड ग्लूड टूगेदर इन द फॉर्म ऑफ़ कोल्ड स्पर्मेटो फोर कौन से पार्ट में शुक्राणुओं का संग्रह और वे बंडल के रूप में परस्पर चिपक कर स्पर्मेटोफोर का निर्माण कहां करते हैं तो स्पर्मेटो फोर स्पम आपस में ग्लूट टूगेदर किसके कारण होते हैं ये सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है उस सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा के कारण वो सारे के सारे स्पॉम्स चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद वहां स्टोर होके और स्परमेटो फोर बनाते हैं तो कहां बनाएंगे स्पर्मेटो फोर सेमिनल वेसिकल के अंदर जो है वो बनाएंगे किसके मेल कॉकरोच की सेमिनल वेसिकल के अंदर ये स्पर्मेटो फोर की फॉर्मेशन कर देंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसका

और आगे उस पे जो कवरिंग होती है वो फेलिक डक्ट और इजेक्युलेटरी डक्ट के थ्रू हो सकती है क्लियर तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो उसका क्या आ जाएगा फर्स्ट जो है वो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट आप देखें 125 सुप्रा एसोफिशियल गैंगलियन इन हेड रीजन सप्लाई नर्व टू इसमें देखिए सुप्रा एसोफिशियल गैंग्लियोन है वो इसके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लियर

नर्व कंडक्शन करता है एंटीना में और कंपाउंड आई में थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा कि ये एंटीना और कंपाउंड आई के अंदर जो है वो नर्व सप्लाई कंडक्शन करता है क्लियर 126 इसमें आप देखें द एक्सटर्नल यूनाइटेलियन मेल कॉक्रोच आर रिप्रेजेंटेड बाई विच आर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो यहां इन ब्लैंक स्पेस में क्या आना चाहिए फिल द ब्लैंक बाय करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन से जो है उसको फिल करना है क्या दिया हुआ है द एक्सटर्नल जिनाइटेलिया इन मेल कॉकरोच आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल कॉकरोच के अंदर एक्सटर्नल जिनाइटेलिया किससे रिप्रेजेंट होते हैं फेलोमियर या गोनेपोफाइसिस से या तो इनको गोनेपोफाइसिस कह सकते हैं या इनको फेलोमियर कह सकते हो तो गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर इनसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद दे रखा भाई बाई विच आर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर किससे बनी हुई एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो गोनेपोफाइसिस है यहां फर्स्ट में भी दे रखा है लेकिन यहां क्या दे दिया केलकेरियस तो ये नहीं हो सकता एनल स्टाइल नहीं होता एनल स्टाइल चीज ही अलग हो गई ये इसका एक्सटर्नल जिनाइटेलिया में शामिल नहीं है उसके बाद है काइटिनस इसके साथ ये दे दिया तो यहाँ एनल स्टाइल गलत दे दिया उसके बाद आप देखें थर्ड में डक्ट ये अलग चीज़ हो गई फेलोमियर काइटिनस तो ये चौथा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा जहां किससे रिप्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल जुनाइटेलिया को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं फेलोमियर से रिप्रेजेंट करते हैं और किससे बने होते हैं काइटिन से बनी हुई एसमितिया एसमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो इसका हो जाएगा फोर्थ क्लियर उसके बाद आप देखें 127। 127 में दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर लेबल्ड पार्ट ए इन डायग्राम ऑफ मेल फ्रॉग सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर लेबल्ड पार्ट ए ए से जो लेबल्ड पार्ट है उसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो छांटना है इसके लिए तो ए कहाँ है इसमें ये ये ए है फोर लिंब हो गया ये तो यहां ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फोर लिंब को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियर फोर लिंब की विशेषता आपको पहचाननी है फर्स्ट ऑप्शन में देखा हैज फोर डिजिट्स विदाउट एनी कॉपुलेट्री पैड गलत हो गया कॉपुलेट्री पैड होता है फर्स्ट डिजिट पे फोर लिंब में होगा और फर्स्ट डिजिट पे होता है फाइव डिजिट्स होती नहीं है इसलिए गलत हो गया हैज फोर डिजिट्स विद कॉपुलेट्री पैड ऑन फर्स्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट पर कॉपुलेट्री पैड होता है तो थर्ड इसके लिए करेक्ट हो गया फोर्थ में भी फाइव दे दिया इसलिए फाइव देते ही गलत हो गया तो अपने को बात किसकी करनी है फोर लिंब की बात करनी है तो फोर लिंब में फोर डिजिट्स होते हैं फर्स्ट डिजिट पर जो है वो क्या होते हैं कॉपुलेट्री पैड होते हैं क्लियर तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया आंसर हो गया थर्ड इसके बाद देखें 128 128 में देखिए एनसीईआरटी का क्लियर डायग्राम है सेलेक्ट इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू बिलो डायग्राम निम्न चित्र के संदर्भ में असत्य कथन को असत्य का चयन कीजिए तो इसमें आपको डायग्राम में इनकरेक्ट को पहचानना है असत्य पहचानना है तो इसमें आप देख रहे हो क्या ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है तो ये कौन सा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू तो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके बारे में आपको इनकरेक्ट पहचानना है डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फैट स्टोरेज करने वाली सेल्स एडिपोसाइड्स है पहला दे रखा स्टेटमेंट इट इज ए टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू करेक्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू में ही दो टाइप है ये एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड दे रखा द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर टू स्टोर फैट सेल्स किसके लिए स्पेशलाइज है ये फैट स्टोरेज के लिए स्पेशलाइज होती है एडिपोसाइड सेल है ये तो ये भी करेक्ट हो गया थर्ड है इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथिलियम ये इसके लिए गलत हो गया क्या है? है? काम काम किसका होता है? Tissue का काम है, एडिपोज का नहीं होता 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 है। है, का काम तो fat deposition करना होता है, fat को storage करना को तैयार नहीं करता क्लियर उसके बाद इट लोकेटेड मेनली the स्किन यह सही है स्किन के नीचे जो है वो प्रेजेंट होता है तो इनकरेक्ट पूछा है सेलेक्ट इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट पूछा है तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा थर्ड इट सर्व एज ए सपोर्ट फेमर फॉर एपिथिलियम क्लियर बाद देखें 129 129 में आर द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के जो एग्जाम्पल है वो इनमें कौन से हो जाएंगे लिगामेंट एंड टेंडोन्स समझ गए ना डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह के होते हैं रेगुलर और इरेगुलर तो कौन से हो गए है रेगुलर डेंस कनेक्टिविटी सु पूछ रहा था एग्जांपल फोर्थ हो जाएगा लिगामेंट एंड टेंडोन्स क्लियर अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 130 130 में आप देखें इसमें दिया हुआ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम इज सरल सल्किय उपकला के लिए सही कथन है पहला एब्सेंट इन वॉल ऑफ बोमनस कैप्सूल एंड लूपो फैनले नेफ्रॉन यहां इन हो जाएगा इसके हिसाब से तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट या इन करेक्ट स्टेटमेंट है वो पहले अच्छी तरह से question को देख लें। पूछा के लिए तो इसमेंट इन वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल एबसेंट नहीं प्रेजेंट होता है बोमेन कैप्सूल में इनकरेक्ट है फाउंड इन दोल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर लंग्स ये करेक्ट है ब्लड वेसल्स की वॉल में और एयर सेक में लंग्स के एयर शेक में इनमें प्रेजेंट होता है तो करेक्ट स्टेटमेंट है हैज नो नो रोल इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इसका मतलब क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया ये तो इसमें डिफ्यूजन में रोल होता है सिंपल स्क्मस एपीथिलियम है तो डिफ्यूजन बाउंड्री तो बनाता ही बनाता है उसके बाद है मेडअप ऑफ मल्टीलेय फ्लेट सेल्स ये भी गलत हो गया सिंपल एपीथिलियम है इसका मतलब हो ही नहीं सकता सिंगल लेयर होती है इसमें सिंपल एपिथिलियम हो गई तब जब वो सिंगल लेयर है तो ये भी गलत हो गया तो करेक्ट कौन सा हो गया सेकंड जो है वो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट हो गया क्लियर नेक्स्ट आप देखें 131 131 में दे रखा है द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन एंड नेफ्रॉन इन किडनी एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड है

कि क्यूबोइडल एपिथीलियम इसमें प्रेजेंट होता है क्लियर उसके बाद देखें टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है पहला दे रखा है एड्रिनल ग्लैंड हैव डक्ट क्या होगा करेक्ट है इनकरेक्ट है एड्रिनल ग्लैंड तो गया क्या होना चाहिए एंडोक्राइन ग्लैंड एड्रिनल तो एड्रिनल एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका मतलब डक्ट एब्सेंट होगी डक्टलेस ग्लैंड को तो एंडोक्राइन कहेंगे तो ये इनकरेक्ट हो गया माइक्रोविलाइ हो वो फेफिथेलियल सेल्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ये करेक्ट है एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो माइक्रोविलाइ होती है वो इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है क्या पूछा है करेक्ट पूछा है तो सेकंड करेक्ट हो गया मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स हैव सिंपल एपिथेलियम इनकरेक्ट है कंपाउंड एपिथिलियम होता है थारॉइड ग्लैंड सिक्रीट देअर सिक्रीशन थ्रो डक्ट तो डक्ट आ गया थायड ग्लैंड में भी इनकरेक्ट हो गया समझ में आ गई एंडोक्राइन ग्लैंड है यहाँ थाइरॉयड भी और एड्रिनल भी एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका मतलब दोनों में डक्ट नहीं होती और इसमें दोनों में डक्ट बता रहा है इसका मतलब ये इनकरेक्ट है ये भी इनकरेक्ट है करेक्ट कौन सा हो गया सेकेंड इसके लिए करेक्ट हो गया है माइक्रोविलाईज सरफ सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है क्लियर नेक्स्ट करें 133 थर्टी थ्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलर मैट्रिक्स अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था हमने इसी टाइप के स्टेटमेंट के बारे में कि ये इनमें क्या दे रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड कॉम्पैक्टली पैक है और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कम है तो कौन सा टिश्यू होना चाहिए एपिथिलियल टिश्यू में ऐसा होता है जिनके अंदर इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है वो बहुत ही कम होता है और कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल होती है क्लियर चले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गेन्स लाइक ब्रोंकियल्स एंड फेलोपियन ट्यूब है वो. तो ये खोखले अंगों जैसे स्वसनिकाओं और फेलोपियन नलिका की भीतरी सतह पर होता है कौन सा एपिथिलियम होता है इनकी भीतरी सतह पर पक्षमा भी उपकला या सीलिएटेड एपिथिलियम होता है जो इनसे पास होने वाले म्यूकस या पार्टिकल्स को एक स्पेशल डायरेक्शन में मूव करवाता है तो क्या होना चाहिए इनमें सिलिएटेड एपिथिलियम जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि इनके अंदर ब्रोंकियोल में और फेलोपियन ट्यूब में सिलियेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है क्लियर आ तक तो जितने भी खोखले अंग होते हैं उनमें इन सब्सटेंसेस को फ्लो करवाने के लिए एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए सिलियेटेड एपिथेलियम होती है तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलियेटेड एपिथिलियम 135 में मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज सर्फेस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर लाइंड विद एक्सचेंज सरफेस या विनिमय सतह अगर बनानी है तो कौन सी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू नर्वस टिश्यू कौन सा टिश्यू होना चाहिए उसके लिए विनिमय करवाने के लिए कौन सा ज़रूरी है एपीथीलियल टिश्यू तो एप्पीथीलियल टिश्यू जो है वो इसके लिए ज़रूरी होगा तो कनेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए वन थर्टी फाइव में करेक्ट आंसर जो है वो इसका हो जाएगा फर्स्ट एपिथीलियल टिश्यू तो एप्पीथीलियल टिश्यू जो है वो इसके लिए करेक्ट है तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट होगा एपिथिलियल टिश्यू तो इसमें एपिथिलियल टिश्यू जो है वो इसके लिए करेक्ट आ जाएगा मोस्ट ऑफ द एक्सेंसिव सरफेस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर लाइन विद एपिथेलियल टिश्यू क्लियर नेक्स्ट आप देखें 136 136 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट इनमें से निम्न में से कौन सा है? गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है द एपीथीलियम ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी लैग्स माइक्रोविलाई ये इनकरेक्ट हो गया सबसे पहली बात तो समझ रहे हो ना क्यों तो ये इनके अंदर जो है वो इसके लिए इनकरेक्ट हो गया क्या दे रखा है एपिथीलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी लैग्स माइक्रोविलाई माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है इसीलिए तो वो सबसे ज्यादा जो है वो रीअब्जॉर्बन करती है फिल्ट्रेट का तो ये इनकरेक्ट है द सेल्स ऑफ कॉलमर एपीथिलियम एफ देर एट द बेस ये सही है कॉलमनर में एपिथीलियम होती है बेस पर होता है न्यूक्लियस फंक्शन ऑफ सिलियेड एपीथिलियम टू मूव पार्टिकल्स अभी बताया पिछले में करेक्ट है द स्क्मस एपिथीलियम कैन फॉर्म ए डिफ्यूजन बाउंड्री ये भी करेक्ट है स्क्वेमस एपिथीलियम जो है वो क्या करती करते है? गैसों के एक्सचेंज के लिए वहां वो डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करती है डिफ्यूजन में गैसों के एक्सचेंज में डिफ्यूजन में हेल्प करती है क्लियर तो फोर्थ भी करेक्ट है क्या पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए क्या आना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा 136 का फर्स्ट आगे देखें 137 137 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट निम्न में से कौन सा सही है तो यहाँ अपने को बताना है करेक्ट स्टेटमेंट छाटना है तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिंपल एपिथिलियम इज स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के लिए नहीं होगा किसके लिए होता है सिंपल एपिथीलियम जो होता है वो किसमें हेल्प करेगा या तो एक्सचेंज सरफेस बनाएगा या फिर ये सिक्रीशन में हेल्प करता है ये क्या दे रखा प्रोटेक्शन के लिए होता है कंपाउंड एपिथीलियम तो ये इनकरेक्ट Endocrine glands लेक duct. अंत ग्रंथियों में डक्ट या वाहिनियां नहीं होती इनका अभाव होता है ये सही स्टेटमेंट है ग्लैंडुलर एपिथिलियम इज specialized फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन गलत है सिक्रीशन के लिए होता है कंपाउंड एपिथिलियम इज perform डिफ्यूजन ये भी गलत है कंपाउंड epithelium का जो काम होता है वो तो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और सिंपल स्क्वेमस एपिथिलियम का जो काम है जो इसमें दिया हुआ है उसका काम होता है डिफ्यूजन डिफ्यूजन करवाना क्लियर तो ये इसमें करेक्ट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड क्लियर? आगे देखें वन ये भी एक इसमें ऑप्शन जो है वो ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग इनमें से निम्न में से कौन सा कथन गलत है तो गलत कथन जो है वो उसमें से पहचानना है फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है मिल्क इज ए टाइप ऑफ एक्जोक्राइन सिक्रीशन मिल्क जो मेमरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है तो मेमरी ग्लैंड है वो कौन सी है एक्जोक्राइन है या एंडोक्राइन है एक्जोक्राइन ग्लैंड इसका मतलब ये करेक्ट रोंग पूछा इसमें यह ध्यान रख लें आप तो मिल्क इज ए टाइप ऑफ एक्सोक्राइन सिक्रीशन करेक्ट है कार्टिलेज इज ए टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये रॉन्ग हो गया कार्टिलेज किस तरह का टिश्यू है कार्टिलेज है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है तो ये इनमें क्या दे रखा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू बता रहा है तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया एरियोलर टिश्यूज फाउंड बिन इन द स्किन करेक्ट है सेलाइवरी ग्लैंड इंटेस्टिनल ग्लैंड एंड मोस्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड ये भी करेक्ट है इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें कौन सा हो गया कार्टिलेज वाला रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ये डेंस टिश्यू का टाइप नहीं है किसका टाइप होता ये specialized tissue है ये स्पेशलाइज कनेक्टिविट टिश्यू हो जाएगा तो ये करेक्ट जो है वो इसमें क्या आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर आगे देखें question 139 the cells of connective tissue secrete fibers of structural proteins except इनमें कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसकी सेल संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु स्रावित नहीं करते यानी एक को छोड़कर क्या कह हैं कि संयोजी ऊतक की कोशिकाएं किस एक के अतिरिक्त किस एक के अतिरिक्त यानी एक्सेप्ट किस एक के अतिरिक्त सभी संरचनात्मक प्रोटीन के जंतु स्रावित करती हैं कौन सा होता है ब्लड जो है वो इनमें ऐसा एक्सेप्शन है बाकी हर कनेक्टिव टिश्यू में जो है वो फाइबर का सिक्रीशन होता है कोई भी कनेक्टिव टिश्यू लेके देख लें आप हर कनेक्टिव टिश्यू की सेल फाइबर सिक्रीट करती है फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है उनमें लेकिन ब्लड में फाइबर का सिक्रीशन नहीं होता इसीलिए इसको ध्यान होगा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं इसको clear? तो correct answer जो है वो इसमें, क्या हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा इसमें ब्लड में कोई fiber का secretion नहीं होता Next आप देखें में which is incorrect for chondrocyte. Chondrocyte के लिए कौन सा गलत है तो कॉन्ड्रोसाइट के लिए कौन सा गलत है इसके अकॉर्डिंग आप देखें पहला दिया हुआ इसमें द सेल्स फाउंड इन कार्टिलेज इनकरेक्ट पूछा है सबसे पहली चीज ये ध्यान रख लें आप इनकरेक्ट पूछा है तो उसके हिसाब से पहला ऑप्शन जो है वो क्या है करेक्ट है द सेल्स फाउंड इन कार्टिलेज कार्टिलेज में पाई जाती है प्रोड्यूस एंड मेंटेन द कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ कॉलेज प्रोटीओग्लाइकिन करेक्ट है सेल्स एनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज यानी लेक्यूनी के अंदर प्रेजेंट होती है ये भी सही बात है मैक्रोफेज ऑफ कार्टिलेज ये गलत है इसके लिए मैक्रोफेज नहीं होती मैक्रोफेज का मतलब तो क्या हो गया कार्टिलेज को खत्म करने वाली उसको खाने वाली सेल्स उपास्थि की वृद्ध बक्षाणु कोशिका वृद्ध बक्षाणु कोशिका नहीं होती है मैक्रोफेज सेल नहीं होती क्लियर यहां तक तो ये इसके लिए इनकरेक्ट है तो चौथा जो है वो इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बाकी सारे सही है आगे देखें 141 में सेलेक्ट वन रिलेटेड टू फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट के लिए विषम कौन सा है या फाइब्रोब्लास्ट से संबंधित विषम या गलत जो है वो कौन सा होगा पहला दे रखा है सिक्रीट कॉलेज फाइबर्स सही है फाइब्रोब्लास्ट कॉलेज फाइबर को सिक्रीट करता है तो सिक्रीट कॉलेज फाइबर्स ये सही है फाउंड इन कनेक्टिव टीश्यू कनेक्टिव टिश्यू में भी प्रेजेंट होती है ये भी सही है मोस्ट अबेंडेंट सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू ये भी सही है सेल्स स्टोर फैट ये गलत है फैट स्टोरेज के लिए फाइब्रोब्लास्ट नहीं होती कौन सी सेल होती है फैट स्टोरेज के लिए होती है एडिपोसाइट इसके लिए एडिपोसाइट सेल जो है वो फैट स्टोरेज के लिए होती है तो इनमें फाइब्रोब्लास्ट जो है वो इसकी बजाय क्या होती है इनमें एडिपोसाइट होती है यहाँ ये काम जो है वो एडिपोसाइट सेल का होता है तो इसमें गलत जो है वो कौन सा हो जाएगा फोर्थ जो है वो इससे विषम हो गया बन हो गया बाकी सब तो इसके काम है ये काम इसका नहीं होता है स्टोर फैट क्लियर उसके बाद आप देखें 142 में 142 है इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द सेल सेल जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आय स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स निम्न में से कौन सी कोशिका संधि पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़कर उनमें कुछ आयनों छोटे अणुओं और कई बार बड़े अणुओं के स्थानांतरण में सहायक होती है तो कौन सी होती है इनमें ऐसी संधि जो है वो कौन सी है अंतराली संधि या गैप जंक्शन जो है वो ऐसा होता है जो इनके बीच आपस में जो है वो संपर्क बनाए रखता है और इन दोनों के बीच एडजेसेंट जो सेल होती है उनके बीच विभिन्न पदार्थों का एक दूसरे में विनिमय या एक्सचेंज करवा सकता है क्लियर तो ये कौन सा होगा इनमें गैप जंक्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गैप जंक्शन के थ्रू आयंस का ट्रांसफर हो सकता है छोटे मॉलिक्यूल्स का हो सकता है और कभी कभार कुछ बड़े अणुओं का एक्सचेंज भी एक दूसरी सेल में हो सकता है क्लियर तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा गेप जंक्शन उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 143 143 में आप देखें रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब इसमें स्टेटमेंट को आपको रीड करना है अब स्टेटमेंट को रीड करने में पहला स्टेटमेंट आप देखिए इसमें दिया हुआ कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेंस ये इनकरेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट ही समझ रहे हो क्यों ये काम किसका है कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गेंस ये काम होता है एपिथिलियल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू का काम लिंक करना होता है कनेक्ट करना होता है ऑर्गेंस को बाउंड्री नहीं बनाता है ये. बाउंड्री बनाने का काम एपिथीलियल टिश्यू का होता है तो ये इनकरेक्ट हो गया सेकंड में इन रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द दिन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन द बिटवीन मैनी पैरल बंडल ऑफ फाइबर्स ये करेक्ट स्टेटमेंट डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है एक स्पेशल ओरिएंटेशन के अंदर जो है वो फाइबर और सेल्स अरेंज होती हैं अल्टरनेट रो में प्रेजेंट होती हैं तो करेक्ट है ये उसके बाद है डेंस रेगुलर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कॉलेज दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली ये भी करेक्ट है क्योंकि इनमें इरेगुलर में क्या होता है डिफरेंट डायरेक्शंस में या डिफरेंट ऑरिएशंस में सेल और फाइबर्स जो है वो अरेंज होते हैं क्लियर फोर्थ है कार्टिलेज बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ एरियोलर टिश्यू एरियोलर नहीं होते है, क्या है ये स्पेशलाइज्ड है ये एरियोलर की बजाय स्पेशलाइज्ड है इसका मतलब इसमें जो है वो क्या होगा ये भी इनकरेक्ट हो गया द इंटरसेलुलर मेटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज़ फ्लूड नॉन प्लाइबल एंड सेंसिटिव टू कॉम्प्रेशन तो ये भी क्या हो गया फ्लूड दे दिया जबकि होता है कैसा है इंटरसेलुलर मेटेरियल ऑफ कार्टीलेज फ्लूबल एंड सेंसिटिव टू कॉम्प्रेशन तो नॉन प्लाबल भी नहीं होता प्लेबल होता है, होता है bone का. यहां बात कर रहे, किसकी कार्टीलेज की तो so, ये गलत दे दिया फ्लूड की बजाय सॉलिड होता है और सेंसिटिव टू कंप्रेशन ये कॉम्प्रेसिव रेजिस्टेंट होता है सेंसिटिव नहीं होता तो so, ये इनके अंदर जो है वो क्या हो गया है इसका करेक्ट विच ऑफ दबो स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको तो इनकरेक्ट हो गया ये भी तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया उसके बाद फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया तो फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ तो आंसर क्या आना चाहिए फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए डायग्राम है ये एनसीआरटी के दोनों डायग्राम है आपको ध्यान होगा ये आइडेंटिफाई द कनेक्टिव टीश्यूज लेबल्ड एज फर्स्ट एंड सेकेंड एलोंग विद दार्ट लेबल्ड एज ए बी एंड सी पहले आपको फर्स्ट और सेकेंड से जो लेबल है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है तो फर्स्ट जो डायग्राम है वो किसका है बोन का ये फर्स्ट जो डायग्राम है वो किसका डायग्राम है बोन का डायग्राम है ये तो ये इनके अंदर जो है वो फर्स्ट डायग्राम इसमें है बोन का डायग्राम है तो इसमें आप देख लें फर्स्ट में क्या आना चाहिए बोन सेकंड डायग्राम है कार्टिलेज का फर्स्ट डायग्राम बोन का है, है. तो फर्स्ट और सेकंड में तो बोन और कार्टिलेज तीसरे चौथे ऑप्शन में अब आप देखें, क्या है ए है यहां हेवर्सियन कैनाल है यहां बी कॉलेजन फाइबर है कार्टिलेज है तो कार्टिलेज के बी कॉलेजन फाइबर है और सी इनकी कॉन्ड्रोसाइट सेल है तो इसमें Bond और कार्टिलेज तीन और चार में आ रहे हैं अब आप देखिए ए जो है वो हैवर्सियन कैनाल है ये येवर्सियन कैनाल है बोन की फाइबर, बी, सी है। तो कौन सा आना चाहिए थर्ड ऑप्शन जो है वो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू जेंटली ट्विस्ट योर ईयर लोब अगर आप अपने कर्ण पालियों को मोड़ते हैं तो यह अपनी मुड़ी हुई व्यवस्था में इट डज नॉट रिमेन डिस्टोर्टेड बिकॉज इट कंटेंस यह अपनी मुड़ी हुई व्यवस्था में क्यों नहीं बनी रहती है कर्ण पालियों को जोड़ते हो वापस वो अपनी शेप में आ जाती है तो क्या कारण है इसका इनमें इलास्टिक फाइबर होते हैं इन इलास्टिक फाइबर के कारण ये कार्टिलेज जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज होती है जिससे ये पालियों में इलास्टिसिटी का गुण होता है ये वापस अपनी शेप में आ जाती है तो क्या होता है इनमें रिमेन डिस्टोर्टेड बिकॉज इट कंटेंस किसके कारण है इनमें इलास्टिक फाइबर की प्रेजेंस के कारण यह वापस अपनी शेप में आ जाती है मुड़ी हुई अवस्था में नहीं बनी रह सकती क्लियर क्या थर्ड इलास्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सिक्स में इसमें दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट निम्न में से कौन सा असत्य नहीं है तो असत्य कौन सा नहीं है इनकरेक्ट कौन सा नहीं है इसका मतलब क्या हो गया इसमें यह दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट तो नॉट इनकरेक्ट का मतलब ही क्या हो गया करेक्ट हो गया नॉट इनकरेक्ट इनकरेक्ट नहीं है तो आपको इसका मतलब क्या पहचानना है करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है तो फर्स्ट दिया हुआ ब्लड एंड लिम्फ आर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू गलत हो गया इनकरेक्ट हो गया सपोर्टिव नहीं है कैसे है? ये फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है क्लियर आ तक या वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं सपोर्टिव नहीं होते सपोर्टिव कौन से होते हैं बोन और कार्टिलेज है तो ये इनकरेक्ट स्वान सेल्स आर पार्ट ऑफ एरियोलर टिश्यू गलत है स्वान सेल्स न्यूरल टिश्यू का पार्ट होता है

Are the cells of ये गलत दे दिया होती है वो बोन की सेल है कार्टिलेज की नहीं है कार्टिलेज की करेक्ट तो तो हो गया आंसर थर्ड हो जाएगा इसका नेक्स्ट सेवन में वन फोर्टी सेलेक्ट फैगोसाइटिक टिश्यू एरियोलर टिश्यू में फैगोसाइटिक सेल या बक्षकाणु प्रकृति की जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी होती है एरियोलर टिश्यू में ध्यान है अभी आपको तीन तरह की सेल है फाइब्रोब्लास्ट मास्ट सेल और मैक्रोफेज इनमें फैगोसाइटिक सेल जो है वो इस टिश्यू की कौन सी सेल होती है मैक्रोफेज सेल है वो इसकी फैगोसाइटिक सेल होती है बाकी जो आप देख रहे हो ये फाइबर बनाएगी ये फैट स्टोरेज करती है और तो एक इनके अंदर जो है वो फाइबर फॉर्मेशन करेगी ये फैट स्टोरेज करेगी ये एलर्जी कंडीशन में काम करेगी और मैक्रोफेज जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जो क्या होती है इनमें फेगोसाइटिक नेचर की सेल होती है तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा मैक्रोफेज सेल क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 148 148 में दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट्स ए नर्व सेल फ्रॉम अदर सेल्स एक कॉमन सेल से अगर नर्व सेल को डिफ्रेंशिएट करें तो इनमें ऐसी कौन सी चीज है जो दूसरी सेल में नहीं है तो क्या होना चाहिए ऐसा न्यूक्लियस अदर सेल में भी होता है सभी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है डेंडाइट्स और पेरिकेरियोन ये दूसरी सेल में नहीं होते समझ गए फ्लेजिला अदर सेल में भी होते हैं वैक्यूल दूसरी सेल में भी होते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने वाला जो है वो स्ट्रक्चर आपको पहचाननी है तो कौन सी है डेंड्राइट्स और पेरिकेरियो है जो केवल और केवल नर्व सेल में होती है अनदर सेल्स में नहीं होती क्लियर नेक्स्ट बात करें हम 149 पे। स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्केलेटल मसल टिश्यू में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कंकाली पेशी उत्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसमें आप देखें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है इट इज़ लूजली अटेज टू स्केलेटल बोन्स यह ढीले रूप से कंकाली अस्थियों से जुड़ा रहता है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट देखना भी आपको यहाँ तो यहाँ आप ध्यान रखें करेक्ट स्टेटमेंट की बात चल रही है तो विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्केलेटल मसल टिश्यू पहला इट इज लूजली अटेज लूजली आ गया गलत हो गया कैसे होता है टाइटली अटैच होती है इसके साथ स्केलेटल मसल स्केलेटल बोन के साथ तो ये पहला इनकरेक्ट सेकंड पे आ जाए एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉल्ट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल्स अगर है इसका मतलब वो फंक्शन में कैसी है वॉल्ट्री होती है ये क्या दे रखा है नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल तो ये भी इनकरेक्ट हो गया थर्ड दे रखा है कंटेन स्केलेटल मसल टुगेदर इन पैरेलल फैशन क्या होता है खूब सारे मसल फाइबर जो है वो पैरेलल अरेंज होकर जो है वो बंडल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो ये इसमें करेक्ट है खूब सारे मसल फाइबर जो है वो इस तरीके से पैरल बंडल बनाएंगे और क्या कहेंगे इनको फेसिकल बनाते हैं ना आपको तो ये फैसिकल की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है बात करें स्केलेटल मसल्स की तो स्केलेटल मसल्स की बात करोगे तो करेक्ट है ये इस तरीके से होता है इट इज नॉट एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू ये भी इसके लिए इनकरेक्ट हो गया नॉट एसोसिएटेड ये है ही किससे जुड़ी हुई स्केलेटल बोन्स के साथ ही जुड़ी हुई होती है टाइटली तो स्केलेटल बोन क्या है कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू के साथ तो जुड़ी हुई है ही है। तो ये दे दिया इट इज नॉट एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू इसलिए ये गलत हो गया तो सही जो है वो इनमें से कौन सा है थर्ड स्टेटमेंट इसके लिए स्केल्टल मसल्स के लिए सही हो गया बाकी सारे गलत है क्लियर अब देखें आप 150 फिफ्टी is इज by इनमें आप देखें क्रमाकुंचन जो गति होती है peristalsis या क्रमाकुंचन गति है किसमें होती है एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक है इंटेस्टाइन है उनके अंदर पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होती है अब स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी मसल्स होगी एलिमेंट्री कैनाल में होती है जिसमें इंटेस्टाइन और स्टमक ये इसके जो पार्ट होते हैं उनमें होती है तो वहां कौन सी मसल्स जो है उसके कारण होती है ये। वहां सभी जो विसरल ऑर्गेन्स हैं उनमें कौन सी होती है अनस्टेटेड मसल्स या जो है वो स्मूथ मसल्स होती है तो क्या जाएगा आंसर इसका नॉन स्टेटेड मसल्स जो है वो इसके लिए प्रेजेंट होती हैं तो करेक्ट आंसर जो है वो पेरिस्टेसिस के लिए फर्स्ट हो जाएगा नॉन स्टेटेड मसल्स क्लियर नेक्स्ट हम देखें 151 151 में इसमें दिया हुआ सेलेक्ट ओड वन विद रेफरेंस टू न्यूरोग्लिया न्यूरोग्लिया के लिए जो है वो संदर्भ में विषम का चयन कीजिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है मेक मोर देन वन हाफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी करेक्ट है अपनी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो है आधे से ज्यादा आयतन जो है वो यही बनाती है न्यूरोग्लियल सेल्स बॉडी में तंत्रिका उत्तक का नर्वस टिश्यू का मैक्सिमम पार्ट इसी से बनता है नेक्स्ट है ऑल न्यूरोग्लियल सेल्स अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म ये इसमें इनकरेक्ट आ गया पूछा क्या है ओडवन है अलग पूछा है इसमें ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसके लिए क्योंकि ओल्ड न्यूरोग्लियल सेल दे रहा है ओल्ड न्यूरोग्लियल सेल इससे राइज नहीं होती न्यूरोग्लियल सेल में एक होती है माइक्रोग्लियल सेल न्यूरोग्लियल में एक माइक्रोग्लियल सेल जो होती है वो इससे अराइज नहीं होती है तो ये इनके अंदर माइक्रोग्लियल इन सेल की जो ओरिजिन होती है वो मीजोडर्म से होती है बाकी सारी एक्टोडर्म से हैज नो रोल इन इम्पल्स कंडक्शन सही है इम्पल्स no कंडक्शन में भी कोई रोल नहीं है तो ये इसके लिए गलत जो है वो क्या हो गया सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए अलग हो गया विषम हो गया बाकी सारे इसके काम हो गए ठीक है उसके बाद देखें 152 में द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज कॉक्रोच का शरीर बना होता है पहला स्टेटमेंट है सेगमेंटेड एंड डिवाइजिबल इन टू सेफेलोथोरक्स एंड एबडोमिन ये गलत हो गया सेफेलोथोरैक्स और एबडोमिन से जो है वो नहीं बना होता है इसमें हेड थोरेक्स और एबडोमिन होते हैं सेफेलोथोरैक्स नहीं बनता सेफेलोथोरैक्स किससे बनता है जहाँ हेड और थोरेक्स मिक्स होते हैं जॉइन होते हैं वहाँ इन दोनों के जॉइन होने से सेफेलोथोरेक्स बनता है तो यहाँ हेड थोरेक्स सेपरेट होते हैं तो बॉडी हेड थोरेक्स और एब्डोमिन तीन पार्ट में डिवाइड होती है और सेगमेंटेड होती है सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है सेगमेंटेड एंड डिवाइजिबल इनटू थ्री डिस्टिंक्ट रीजन ये करेक्ट है इसके लिए विदाउट एन एक्जोस्कैल्टन इनकरेक्ट हो गया प्रेजेंट होता होता, होता है, Always the white white नहीं होता, brown होता है। है है नहीं तो second option इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि की body जो है, वो segmented भी होती है। और हेड और एबडोमिन तीन पार्ट में डिवाइड होती है क्लियर आगे देखें फिफ्टी थ्री में हाइपो फेरिंग ऑफ कॉकरोच इज ए पार्ट ऑफ फेरिंग्स गलत है फेरिंग्स का पार्ट नहीं होता ये एक माउथ पार्ट है ये लाइव विद इन कैविटी एंड क्लोज बाय द माउथ पार्ट माउथ पार्ट से मुखांगों से घिरी हुई गुहा के अंदर यह स्थित होती है ये करेक्ट है इसके लिए हेल्प इन फूडिंग में कोई रोल नहीं होता इनका रिप्रेजेंटेड बाई मैंडीवल्स ये भी गलत है तो सही जो है वो इसके लिए कौन सा हो गया हाइपोफेरिंग्स के लिए सही हो गया लाइव विद इन कैविटी एंड क्लोज बाय द माउथ पार्ट मुखांगों से घिरी हुई गुहा में स्थित है उसके बाद आप देखें वन इन फीमेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच में आपको बताना है क्या सही है इन फीमेल वन ओवरी लाइंग लेटरली इन फोर्थ सिक्स्थ सिक्स सेगमेंट। इनकरेक्ट हो गया सेकेंड से सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है तो ये इनके अंदर जो है वो पहला गलत हो गया कहा सेकेंड सेगमेंट में क्लियर उसके बाद दूसरे में है ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिक्स ओवेरियल्स यहां ये भी इनकरेक्ट आ गया क्योंकि सिक्स ओवेरियल्स की जगह एट ओवेरियल होती है थर्ड ऑप्शन है द सेवेंथ स्टर्नम टूगेदर विद्थ एंड नाइन्थ स्टर्ना फॉर्म से ब्रूड और जीनाइटल पाउच ये करेक्ट ऑप्शन है सेवेंथ जो है वो एट्थ और नाइन्थ स्टर्नम के साथ मिलके जिनाइटल पाउच बनाता है द एंटीरियर पार्ट ऑफ जिनाइटल पाउच कंटेंस फीमेल गोनोपोर स्पर्मेथिकल पोर एंड मशरूम ग्लैंड मशरूम ग्लैंड जो है वो इसमें नहीं होती मशरूम ग्लैंड किसका पार्ट है ये मेल कॉकरोच में होती है फीमेल में मशरूम ग्लैंड नहीं होती कौन सी ग्लैंड होती है फीमेल में को लेटीरियल ग्लैंड होती है अगर कोलेटीरियल ग्लैंड होती है तो स्टेटमेंट सही हो जाता यहाँ क्या है मशरूम ग्लैंड दे रखा है इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है तो क्या इनमें इन फीमेल कॉकरोच सही स्टेटमेंट कौन सा है थर्ड स्टेटमेंट इसके लिए सही स्टेटमेंट है द सेवेंथ स्टर्नम टूगेदर विद एट एंड नाइन्थ स्टर्नम क्या बना रहा है पाउच बना रहा है तो करेक्ट स्टेटमेंट है क्लियर 55 में देखें आप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कोक्रोच कोक्रोच के लिए सही कथन कौन सा है तो इसमें पूछा है करेक्ट पूछा भी करेक्ट स्टेटमेंट देखना आपको तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहां करेक्ट स्टेटमेंट

मेल्फीजियन ट्यूबुल्स होती है खूब सारी जो क्या करती हैं हीमोलिम्प से जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती है द हिंडगट इज नैरोन मिडगट ये नेरोवर नहीं होती हिंडगट जो है वो ब्रॉडर होती है मिडगट से ज़्यादा चौड़ी होती है ये गलत हो गया एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू कोलन एंड रेक्टम कोलन एंड रेक्टम और इसके साथ साथ इलियम इलियम भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो तीन पार्ट में डिवाइड होती है ये इसका मतलब ये भी गलत हो गया तो सही कौन सा है थर्ड स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट हो गया कि इसमें मेलपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो हीमोलिम्प से इनका नाइट्रोजिनस वेस्ट को कलेक्ट करती है क्लियर तो ये ऑप्शन करेक्ट कौन सा जाएगा? Third option इसका correct option हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर अब आप देखें ये डायग्राम बेस्ट क्वेश्चन है पूरा दिया A, B, kokrose. Kokrose A, B, हुआ है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कोक्रोज कोक्रोज की एलिमेंट्री कैनाल में ए बी सी और डी को आइडेंटिफाई करना हमको ए क्या है ये देखिए इसके दोनों लेटरल साइड में सेलाइवरी ग्लैंड है और सेलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन को जो कलेक्ट कर रहा है वो क्या है ये सेलाइब्री रिजर्वर है तो ये सेलाइब्री रिजर्वर है उसके बाद बी जो है वो क्या है ये क्रोप है बी क्रोप है सी ये सी है यहाँ यह मेलपीजियन ट्यूब्यूल है और डी ये क्या है इसका डी जो है वो इसका कोलन पार्ट है ये हिंडगट का पार्ट है शुरू में इलियम फिर कोलन और फिर लास्ट में रेक्टम तो ये डी जो है वो कोलन है तो क्या होना चाहिए एस सेलाइवरी रिजर्व ये पहला ए सेलाइवरी रिजर्वर सेलाइवरी रिजर्वर आ रहा है इन तीनों में उसके बाद बी क्रोप बी क्रोप सी मेलपीजियन ट्यूब्यूस और डी कोलन तो ये थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन है उसके बाद है वन फिफ्टी सेवन स्पेशल फीचर्स फॉर द हर्ट ऑफ कॉकरोच इज कॉकरोच के हर्ट के लिए स्पेशल फीचर जो है या मुख्य विशेषता इसकी क्या होगी पहला क्लोज एट एंटीरियर एंड एंड ओपन एट पोस्टीरियर एंड ये उल्टा दे दिया क्या होता है एंटीरियर एंड पर ओपन होता है और पोस्टीरियर एंड पर क्लोज होता है तो ये इसमें इनकरेक्ट है। कंसिस्ट ऑफ थर्टीन फनल लाइक कॉन्ट्रेक्टाइल चैम्बर ये इसके लिए सही है थर्ड है कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइन एलोंग द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एबडोमिन तो ये गलत हो गया मिड वेंट्रल नहीं होता कौन सी लाइन पर होता है डोर्सल लाइन पर होता है क्लियर उसके बाद है फोर्थ हैविंग आर नॉट इंटरकनेक्टेड सारे जो है थर्टीन चैम्बर है सारे थर्टीन चैम्बर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं इसलिए ये भी इनकरेक्ट है तो हेल्ट ऑफ कोक्रोच कोक्रोच के लिए स्पेशल फीचर क्या है इट कंसिस्ट ऑफ थर्टीन फनल लाइक कॉन्ट्रेक्टाइल चेंबर तेरे चैम्बर में बटा होता है क्लियर आ तक तो कौन सा सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसके बाद आगे देखें 158 द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कोक्रोच का श्वसन तंत्र फर्स्ट ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया दैट ऑपन थ्रो 20 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स गलत हो गया 20 पेयर 10 पेयर स्पाइरेकल होते हैं इसलिए ये गलत स्पाइरेकल्स लोकेटेड डोरसली डोरसली नहीं होते लेटरली जो है वो स्पाइरेकल अरेंज होते हैं दस जोड़ी श्वास होते हैं और कहा होते हैं वो लेटरल साइड में या पार्श्व में स्थित होते हैं थर्ड है ओपनिंग ऑफ स्पाइरेकल्स आर गार्डेड बाय द स्पिंक्टर स्पाइरेकल की जो ओपनिंग है श्वास रंध्रों का जो खुलना है वो किससे रक्षित होता है स्पिंक्टर के द्वारा जो है वो ये रक्षित होता है ये इसके लिए सही है एक्सचेंज ऑफ गैसेज ट्रेक्यूल्स थ्रो ब्लड ब्लड का गैसों के एक्सचेंज में कहीं भी रोल नहीं होता है क्योंकि यहाँ हीमोलिम्फ है जिसमें कोई रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता इसलिए ये चीज जहां भी आ जाता है ब्लड के थ्रू आर्थ्रोपोर्ट्स में ये कहीं भी इंसेक्ट में आ जाए कि ब्लड के थ्रू या इमोलिम के थ्रू ओ या सी का ट्रांसपोर्ट होता है या एक्सचेंज करवा रहा हो वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा क्लियर क्योंकि इसमें कोई भी रेस्पायरेटरी पिगमेंट होता ही नहीं है इसलिए वहां एक्सचेंज में कोई रोल इसका नहीं होता तो इनकरेक्ट हो गया सही जो है वो क्या है इसका थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर 159 में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन इन कोक्रोच कोक्रोच में एक्सक्रीशन में कौन सी स्ट्रक्चर जो है कौन सी संरचना या कौन सा भाग जो है वो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता नेफ्रोसाइट एक्सक्रीशन करती है ये हाइट से रिलेट होती है हाइट से जुड़ी होती है ये एक्सक्रीशन करती है यूरिकोज ग्लैंड भी एक्सक्रीशन करती है फैट बॉडी भी एक्सक्रीशन करती है लेकिन हिपेटिक सिकी एक्सक्रीशन नहीं करती इसका काम होता है ओनली डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करना हिपेटिक सिकी का जो काम है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करना होता है जो कहाँ प्रेजेंट होती है फोरगट मिडगट के जंक्शन पे होती है क्लियर ये फोर्थ जो है वो इसके लिए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सी ये काम एक्सक्रीशन का काम नहीं करती ठीक है? अब आप देखें 160. सिक्सटी सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेलपीजियन ट्यूब्यूल मेलपीजियन ट्यूब्यूल के लिए की नलिकाओं के लिए सही कथन का चयन कीजिए पहला दीज आर अटैच टू गिजार्ड गिजार्ड से कोई अटैचमेंट इसका नहीं होता क्योंकि गिजार्ड किसका पार्ट है गिजार्ड है वो फोरगट का लास्ट पार्ट है ये कहां पे अटैच होती है ये मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे होती है इसलिए फॉरगेट के किसी भी पार्ट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है कन्वर्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इंटू द एसिड इंटू यूरिक एसिड सो आर यूरियो यूरिकोटेलिक ये करेक्ट है ये क्या करती है करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है इसमें इसलिए क्या कर रही है नाइट्रोजिनस वेस्ट को कलेक्ट करके उसको किस में बदलती है यूरिक एसिड में उसको कन्वर्ट करती है तो ये इसके लिए करेक्ट हो गया सेकेंड लाई एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट फोरगट और मिडगट पे नहीं होती मिडगट और हिंडगट पे होती है तो ये भी इनकरेक्ट है रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम हिमोलिम्फ ये भी गलत है हिमोलिम्फ के अंदर तो फ्री फ्लोट करती रहती है इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि ये एकदम उससे आइसोलेट होती हो क्लियर तो ये इसमें गलत हो गए सही कौन सा हो गया ये सेकेंड जो है वो उसके लिए सही हो जाएगा कि मेलपीजियन ट्यूबुल्स जो है वो क्या करती है कन्वर्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरिक एसिड सो आर यूरिकोटेलिंग क्लियर तो उसमें अब देखें 161 में इन कॉकरोच ईच आई कंसिस्ट ऑफ ओमेटीडिया कॉकरोच की प्रत्येक कंपाउंड आई में कितने ओमेटीडिया होते हैं और किस टाइप के होते हैं तो ये 2000 थाउजेंड ओमेटीडिया होते हैं अब 2000 थाउजेंड ओमेटीडिया में ऑक्टा कॉनल है या हेग्जा कॉनल है तो कौन से होते हैं

तो इसमें आप देखें पहला दे कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस ऑन द लेटरल साइड इन द एट्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तो एट्थ एबडोमिनल सेगमेंट की लेटरल साइड में बता रखा है ये गलत है कौन से में होता है फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में होगा तो फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में होगा इसलिए ये गलत हो गया सेकेंड है मशरूम सेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द टेंथ एबडोमिनल सेगमेंट

वही स्पर्मेटोफोर की फॉर्मेशन करती है क्लियर तो स्पर्मेटोफोर की फॉर्मेशन करने के लिए सेमिनल वेसिकल भी प्रेजेंट होती है तो करेक्ट जो है वो इसके लिए कौन सा है तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए करेक्ट करेक्ट है है वो थर्ड स्टेटमेंट एक्सटर्नल जीनाइटेलिया जो है वो क्या होते हैं फेलोमियर होते हैं नेक्स्ट देखें 163 ये लेबलिंग टाइप का क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी फॉर द फीमेल कॉकरोच ए इसमें क्या चीज है ए जो है वो क्या हो गया ए रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें स्परमेथिका को ए जो है वो स्परमेथिका क्लियर यहाँ तक ये स्परमेथिका है उसके बाद बी ये इसकी मीडियन ओविडक्ट तो मीडियन ओविडक्ट क्या हो गई वे ना और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है को ग्लैंड को और डी जीनाइटल चेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या जाएगा इसका आंसर जो है वो देखिए फर्स्ट में ए तो ए स्परमेथी इस का इसमें आ रहा है और उसके बाद बी है वेजाइना बी में वेजाइना किसमें आ रहा है चौथे में आ रहा है केवल कॉमन ओविडक्ट भी कह सकते हैं इसको और वेजाइना भी कह सकते हैं तो कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना यारे टू थ्री और फोर में उसके बाद सी में सी क्या चीज़ है इसमें को लेटीरियल ग्लैंड है को लेटीरियल ग्लैंड सी में आ रहा है फोर्थ में और उसके बाद डी जीनाइटल चेंबर तो ये तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा क्योंकि रिसेप्टिकल फॉर स्पर्म स्टोरेज स्पर्मेथी का जो है यही क्या होती है स्पर्म को स्टोर करने के लिए रिसेप्टिकल होती है तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया तो ये इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप चूज द ओड वन वन आउट विद रेफरेंस टू मेल कॉक्रोच मेल कॉक्रोच के संबंध में विषम को का चयन कीजिए मशरूम ग्लैंड ये प्रेजेंट होती है ग्लैंडा जो है वो फीमेल कॉकरोच के अंदर होती है मेल में नहीं होती फेलिक ग्लैंड मेल में इजेकुलेटरी डक्ट भी मेल में होती है तो इनके अंदर विषम को पहचानोगे तो कौन सा बताएंगे स्पर्मेथिका जो है वो इसमें सबसे अलग हो गई ये किस में होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है मेल में नहीं होता क्लियर इसलिए यह अलग हो गया है तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट है विच ऑफ फंक्शन इज नॉट परफॉर्मड बाय द फाइबर्स इन कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर द्वारा इनमें से कौन सा कार्य नहीं होता है प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू टिश्यू ये काम कर सकता है ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स नहीं बनाता फाइबर जो होते हैं इसके उनसे मैट्रिक्स का की फॉर्मेशन नहीं होती प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू टिश्यू सही है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू ये सही है ये इसके ग्राउंड सब्सटेंस की फॉर्मेशन जो है वो मैट्रिक्स के द्वारा की जाती है ये जो है वो फाइबर का काम नहीं है क्लियर तक तो सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें 166 में सेलेक्ट द इन करेक्ट मैच क्या देखना आपको सेलेक्ट द इन करेक्ट मैच फॉर कोक्रोज कोक्रोज के लिए इन करेक्ट मैचिंग देखनी है उसके फंक्शन के साथ उसके पार्ट और फंक्शन में पहला ऑप्शन दे रखा क्रोप इसका फंक्शन दे रखा फूड ग्राइंडिंग ये क्या हो गया इनकरेक्ट मैच है क्रोप का काम फूड ग्राइंडिंग नहीं होता फूड ग्राइंडिंग का काम जो है वो किसका होता है गिजार्ड करता है तो क्रॉप का काम है वो फूड स्टोरेज होता है क्लियर तक तो पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया सेकंड मेटाथोरेसिक लेग मेटाथोरेसिक विंग्स ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं सही है ओमेटीडिया विजन में और स्पाइरिकल्स स्पाकल्सेशन में इनकरेक्ट मैच ही पूछा है तो इनकरेक्ट मैच में, में क्रॉप का हो जाएगा फूड ग्राइंडिंग का काम इसका नहीं होता है क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 177 67 में लेबियम ए माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच

सबसे मोस्ट कॉमन स्पीशीज इंडिया में पाई जाती है क्लियर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 169। 169 में सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्किन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है तो पहला करेक्ट स्टेटमेंट देखना है स्किन के लिए स्मूथ एंड स्लीपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस म्यूकस की प्रेजेंस के कारण स्लिपरी होती है और स्मूथ होती है स्लिपरी समझ लो ना फिसलने वाली और चिकनी होती है डोरसल साइड इज़ यूजली पेल येलो गलत है ये डोरसल साइड कैसी होती है ये ऑलिव ग्रीन कलर की होती है इरेगुलर डार्क स्पॉट्स के साथ वेंट्रल साइड इज यूजली ओलि ग्रीन ये उल्टा दे दिया वेंट्रल साइड जो है वो तो कैसी होती है पेल येलो कलर की होती है डोरसल साइड ये ऑलिव ग्रीन कलर की होती है समझ गए तो ये ऊपर नीचे दे दिए इसका मतलब दोनों ही क्या हो गए इनकरेक्ट हो गए स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन स्किन ऑफ हेंडलिम इनमें किसी भी बॉडी पार्ट में किसी भी जगह पर स्केल्स नहीं होती है. ये हेंडलिम में जो स्किन स्किन की हेंडलिम की जो स्किन है उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होती है वो केल किस पे होती है ये एवीज में होती है एम्फीबिया में नहीं होती है फ्रॉग की बात कर रहा है तो फ्रॉग के अंदर कहीं भी स्केल्स नहीं है तो यह भी इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या पूछा है फर्स्ट जो है वो उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी में इसमें आप देखिए मेल फ्रोग कैन बी डिस्टिंग फ्रोग्स बाय द फॉलोइंग कैरेक्टर्स नर मेंढक को निम्न लक्षणों के आधार पर मादा मेंढक से विभेदित किया जा सकता है पहला ऑप्शन दे रखा है मेल स्पोज मोलनेक टू कनेक्ट हेड विद ट्रंक तो स्मॉल नेक की प्रेजेंस मेल में बता रहा है ये गलत है दोनों में ही नहीं होती ना मेल में होता है ना फीमेल में होती है मेल पोजेस कॉपुलेटरी पैड्स ऑन फोर फॉरलिम ये सही है मेल्स हैव वोकल टू प्रोड्यूस क्रोकिंग साउंड ये भी सही है कि मेल जो है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इनमें वाकोस या वोकल सेक प्रेजेंट होते हैं मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट तो क्या जाएगा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा इसका क्योंकि दो और तीन दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए क्लियर आगे देखें क्वेश्चन नंबर वन द एलिमेंट्री कैनाल इज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रोक देखिए इसमें ये थोड़ा सा है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रोग इज फ्रोक की एलिमेंट्री कैनाल होती है कंप्लीट दैट इज फ्रॉम माउथ टू क्लोएका सही है माउथ टू क्लोएका तक फैली होती है कम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल है लॉन्ग बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स कार्निवर्स होती है इसलिए लॉन्ग नहीं होती शॉर्ट होती है कार्निवोर्स में एलिमेंट्री केनाल शॉर्ट होती है अरबीवोर्स में लॉन्ग होती है तो so, ये इनकरेक्ट है कंप्लीट फ्रॉम माउथ टू एन एस एन एस होता ही नहीं है इसमें किसके थ्रू ओपन होती है क्लोएका के थ्रू ओपन होती है तो एन एस नहीं होता इनकरेक्ट हो गया इनकम्प्लीट विदऊ इन इनकरेक्ट हो गया तो करेक्ट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के लिए क्या जाएगा कंप्लीट एलिमेंट्री तक, तक फैली होती है ठीक है वन सेवेंटी टू इसमें दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर डाइजेशन इन कॉकरोच एंड आंसर अकॉर्डिंगली इसमें कॉकरोच में डाइजेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है वो आपको देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एच सी एल एंड गेस्ट्रिक जूस सही है स्टमक के अंदर जो है वो कॉकरोच के अंदर जो डाइजेशन होगा इनके अंदर क्रोप में वो किसके कारण एच सी एल और गैस्ट्रिक जूस की प्रेजेंस में इनके अंदर जो है वो डाइजेशन होगा और उसके बाद सेकंड दे रखा है बी स्टेटमेंट फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन ये भी सही है कि कंप्लीट जो होता है डाइजेशन वो कहाँ होता है इनमें इंटेस्टाइन के अंदर आकर इनमें डाइजेशन कंप्लीट होता है तो फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन तो ये भी सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है लेकिन बी जो है वो ए का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है दोनों सेपरेट स्टेटमेंट है दोनों सही है लेकिन कहीं भी एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्लियर आ तक तो करेक्ट आंसर इसका इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए सेकंड आंसर करेक्ट आ जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स एंड बी आर करेक्ट बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्लियर सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया नेक्स्ट 173 173 में व्हाट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स के लिए इनकरेक्ट क्या होगा तो स्मूथ मसल्स के लिए इनकरेक्ट करेक्ट या चिकनी पेशियों के लिए इनकरेक्ट क्या होगा तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है इनकरेक्ट बताना आपको इट अटैच टू स्केलेटल बोन्स ये इनकरेक्ट हो गया सबसे पहली चीज यही होगी समझ में आ गई स्मूथ मसल्स के लिए बताना आपको इनकरेक्ट क्या है तो अटैच टू स्केलेटल बोन्स स्केलेटल बोन से अटैच नहीं होती किससे अटैच होती है विसरल ऑर्गेन से अटैच होती है तो पहला इन करेक्ट हो गया मसल फाइबर्स एट बोथ एंड्स सही है सेल जंक्शनस होल्ड देम टुगेदर ये भी सही है उसके बाद है दीज आर इनवोलंटरी इन देयर फंक्शन ये भी सही है तो इनवोलंटरी मसल्स होती है ये तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्मूथ मसल्स के बारे में पूछा है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया तो आंसर हो गया फर्स्ट इसका उसके बाद आप देखें 174 में

एक्जर्ट द कंट ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रेस्पॉन्सिवनेस तो कौन सी होनी चाहिए इसकी सेल इसकी यूनिट पूछेगा तो फंक्शनल यूनिट पूछ रहा है यहाँ तो फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरल टिश्यू की कौन सी हो जाएगी जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो इसमें न्यूरोन हो जाएगी समझ रहे हो ना बात क्या बता रहा है फंक्शनल यूनिट की बात कर रहा है तो आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा इसका न्यूरोन फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट देखें

कार्डियक मसल्स की बात चल रही है तो कार्डियक मसल्स की बात चल रही है तो कार्डियक मसल्स में क्या होना चाहिए कार्डियक मसल्स की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा इसका कार्डियक मसल्स कहां प्रेजेंट होती है तो आपको देखना है आपको स्टमक ब्लड वेसल्स हार्ट वोल बाइसेप्स मसल्स तो इसकी प्रेजेंस हार्ट वोल में होती है समझ गए तो हार्ट की वोल में जो है वो कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होगी ये सारी कैरेक्टर कार्डियक मसल्स के ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 176, 176 में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन नहीं है इसका मतलब क्या हो गया एक्सोक्राइन का सिक्रीशन नहीं है तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन हो तो वो इनमें से कौन सा होगा सेलाइवा एक्जोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है ईयरवेक्स एक्जोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन इंसुलिन ये पेनक्रियाज की बीटा सेल सिक्रीट करती है जो एंडोक्राइन है ये कौन सी है जो बीटा सेल सिक्रीट करती है क्लियर डाइजेस्टिव एंजाइम ये एक्सोक्राइन का सिक्रीशन है तो करेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा इंसुलिन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज नोट नोट के हिसाब से करें तो ये एक्सोक्राइन का सिक्रीशन नहीं होकर किसका है एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें 177 177 में दिया हुआ है ऑफ द फॉलोइंग सेल्स विल बिकम एक्टिव ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन में जो है वो कौन सी सेल एक्टिव होती है तो कनेक्टिव टिश्यू की इन सेल में से ऐसी कौन सी सेल है जो एलर्जिक रिएक्शन में एक्टिव होती हो तो एलर्जिक रिएक्शन में एक्टिव होने वाली जो सेल है वो इनमें मास्ट सेल होती है तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका मास्ट सेल जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 178 178 में इसमें दिया हुआ है विच डेवलपमेंट टेक प्लेस इन निम्फ स्टेज ऑफ कॉकरोच इन नेक्स्ट टू लास्ट मोल्टिंग ड्यूरिंग मेटामोर्फोसिस कॉकरोच में उसके निम्फ स्टेज से जब उसकी मेटामोरफोसिस चल रही है उस मेटामोरफोसिस में लास्ट से जो फर्स्ट मोल्टिंग होती है लास्ट से फर्स्ट फर्स्ट मोल्टिंग का मतलब थर्टीन टाइम मोल्टिंग होती है इनमें से ट्वेल्थ मोल्टिंग के बाद उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं तो ट्वेल्थ मोल्टिंग के बाद जो चेंज आएंगे वो आपको बताना है इसमें तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ कंपाउंड आई ये पहले से ही हो चुका होता है डेवलपमेंट ऑफ एंटीना ये भी हो चुके होते हैं डेवलपमेंट ऑफ विंग पैड ये जो है वो इनके अंदर ये देखिए कंपाउंड आई वगैरह पहले जो है डेवलप हो जाते हैं विंग पैड जो है वो ट्वेल्थ मोल्टिंग के बाद होता है यानी लास्ट टू नेक्स्ट ये नेक्स्ट टू लास्ट तो ये टोटल जो है वो थर्टीन मोल्टिंग होती है ये ट्वेल्थ मोल्टिंग के बाद विंग पैड जो है वो डेवलप हो जाते हैं और थर्टींथ मोल्टिंग के बाद जो है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा एडल्ट में क्लियर तक पूछा क्या आपने को नेक्स्ट टू लास्ट यानी कौन से निर्मोशन पे ये ट्वेल्थ मोल्टिंग पे पूछ रहा है तो ये विंग पैड का बन जाना ये ट्वेल्थ मोल्टिंग पे हो जाता है क्लियर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 179 179 में दिया हुआ कॉक्रोचेज आर सीरियस पेस्ट बिकॉज कॉक्रोच गंभीर पीड़क होते हैं क्यों एनसीआर में दिया हुआ लास्ट में तो ये खेतों से फसल को नष्ट करते हैं इसलिए नहीं कहते इनको पेस्ट दे आर वैक्टर फॉर सेवरल डिजीज बीमारियों के वाहक होते हैं इसलिए भी इसको पेस्ट नहीं मान रहे दे ईट स्मॉल इंसेक्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस पारिस्थितिक संतुलन को बनाने के लिए छोटे कीटों को खा रहे हैं यह भी, भी पेस्ट नहीं है इसलिए दुर्गंध युक्त एक्सक्रीटरी पदार्थों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों के द्वारा भोजन को दूषित कर देते हैं क्लियर इसलिए ये सीरियस पेस्ट होते हैं क्लियर तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा क्लियर आगे देखें लास्ट क्वेश्चन नंबर वन एटी जिसमें दिया हुआ है कॉकरोचेज आर इन देयर फीडिंग नेचर कॉकरोच अपने फीडिंग नेचर में कैसे होते हैं ओमनी होते हैं सब कुछ खाने वाले होते हैं तो ये सर्वाहारी या ओमनी होंगे तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा ये ओमनी या सर्वाहारी होते हैं क्लियर इसमें ये देखें आप सारा पेपर जो है वो पूरा एन से पेपर है उम्मीद है आपने बहुत ही अच्छा किया होगा और अगर आपके ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गए ढंग से इस पेपर को आपने समझ लिया अगर कोई गलती भी हुई है तो आगे फ्यूचर में इस तरह की आप गलतियां नहीं करें इसके लिए ऑल द बेस्ट बढ़िया तरीके से करें ओके बाय